हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला के इस खूबसूरत चैनल पे। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बैक ट्रैकिंग। अब इस डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की सीरीज में जावा के अंदर मैं ऑलरेडी आपको लिंक लिस्ट, क्यूज और स्टैक्स जैसे डेटा स्ट्रक्चर से वाकिफ करा चुका हूँ। एंड फिर यार मानवी मैम आई थी और मानवी ने आपको पढ़ाया था हैश सेट, हैश मैप, राइट, कलेक्शन फ्रेमवर्क। अब हम पढ़ने वाले हैं बैक ट्रैकिंग। अब टेक्निकली स्पीकिंग कुछ लोग बैक ट्रैकिंग को पढ़ाते हैं सीधा रिकर्जन के बाद, मतलब आज से काफ़ी टाइम पहले भी हम बैक ट्रैकिंग पढ़ा सकते थे, एन क्वीन और बेसिक प्रॉब्लम इसकी आफ्टर रिकर्जन। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ टफ टॉपिक। टफ एज इन की लेक्चर छोड़ के मत जाना यार, मैं तो आसानी बना दूंगा आपके लिए ये, लेकिन फिर भी किसी बिगिनर के लिए। और जैसे रिकर्जन भी एकदम से हमें टफ लगता है ना, काफ़ी टफ लगता है, बट बैक ट्रैकिंग भी काइंड ऑफ वैसा है कि एकदम से एक टफ लगने वाली चीज़ होती है। तो जो हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़ाए उसमें क्योंकि बैक ट्रैकिंग का इतना लेना देना नहीं होता, टेक्निकली स्पीकिंग ट्रीज भी हम पढ़ा सकते थे एक दो कॉन्सेप्ट्स को छोड़ के, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी ये रही कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके दिमाग में डेटा स्ट्रक्चर्स फीड हो जाए और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसलिए हमने बैक ट्रैकिंग को इस वक्त यहाँ पे रखा है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली आज हम बैक ट्रैकिंग कवर करने वाले हैं, पता नहीं कितना लंबा लेक्चर जाएगा, लेकिन प्लीज़ बने रहना। आप इसको एक या दो या तीन दिन में भी तोड़ तोड़ के देख सकते हो, आपको टाइम स्टैम्प्स दे रखे होंगे डेफिनेटली। बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है क्योंकि ठीक है आज हम काइंड ऑफ सिर्फ प्रॉब्लम्स ही करने वाले हैं, उसी के द्वारा मैं आपको बैक ट्रैकिंग समझाऊंगा कि होता क्या है। इसको आप कह सकते हो बेसिकली वापस आने वाली रिकर्जन, या एक एग्जांपल के साथ ही आपको बताऊंगा तभी समझ आएगा। ऐसे तो क्या कहते हैं, कुछ भी वर्बली मैं बोलूंगा तो इतने अच्छे से हिट नहीं कर पाएगा। शुरुआत करते हैं यार बैक ट्रैकिंग की एंड लेट स्टार्ट द कोर्स। राइट, आ जाते हैं बैक ट्रैकिंग के ऊपर। ठीक है, तो रीकैप क्या है यार, हमने अभी तक हैश मैप पढ़ा था, मानवी मैम ने आपको हैश मैप पढ़ाया था, हैश सेट पढ़ाया था। काफ़ी बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं यार, स्पेसिफिकली अगर मैं हैश मैप की बात करूँ, हैश सेट भी। तो बेसिकली ये दोनों क्या होते थे यार, ये दोनों यार कुछ ना कुछ चीज़ों को यार स्टोर करा के रखते थे। ठीक है, ये स्टोर करते थे हमारे किसी पर्टिकुलर डेटा को। राइट, थोड़ा सा पेन की थिकनेस चेंज कर देता हूँ यार। हाँ, तो यार ये भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑफ फेचिंग, आई वुड से ऑफ फेचिंग, ठीक है, अ वैल्यू, इट इज बिग ओ ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो विच इज़ ब्यूटिफुल कि हमने जैसे हैश सेट के अंदर 100 एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया, अब मुझे जानना है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं कोई पर्टिकुलर, तो फाइंड करने की बेसिकली, फेचिंग को मैं फाइंड बोल देता हूँ, फाइंड, फाइंडिंग अ वैल्यू भाई ऑर्डर ऑफ वन, जबकि एरे में बिग ओ ऑफ एन लगता था। तो दिस इज़ ब्यूटिफुल हैश सेट एंड हैश मैप। एंड हैश मैप में तो और खास बात है कि यू हैव अ की एंड वैल्यू पेयर, की एंड वैल्यू पेयर। तो हैश मैप बेसिकली इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ, आई वुड से इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ, हमने वो चीज़ें पढ़ भी रखी है पहले अपने कोर्स में, नीड ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी एरे जैसी चीज़ें हमने ना स्ट्रिंग में देखी थी, ठीक है, वो भी पढ़ाया था मैंने। तो कभी भी ऐसा हो कि मुझे जानना है इतनी फ्रीक्वेंसी की चीज़ यहाँ पे स्टोर हो रखी है, या फिर स्ट्रिंग के तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो या के जो सॉल्व हो सकते हैं हैश मैप के थ्रू, एंड हैश मैप से हम टू सम जैसी आसान सी प्रॉब्लम को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। राइट, अब हम आ जाते हैं यार आज की चेकलिस्ट पे, विच इज़ बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग यार होती क्या है, क्या है बैक ट्रैकिंग, ये आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को हम रिविजिट करेंगे जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। रिकर्जन का क्वेश्चन है वो एक, ये वर्किंग भी मैं आपको तभी समझाऊंगा कि भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर एक चेक पॉइंट पे आते हैं, हम देखते हैं फीजेबल है, फीजेबल नहीं होता तो हम बैक ट्रैक करते हैं। ठीक है, उसका मीनिंग आपको अभी समझ आएगा लेकिन क्वेश्चन के साथ आएगा, तो प्लीज़ घबराओ मत, ये मत सोचो कि पहले थ्योरी रटवा दूंगा आपको, नहीं नहीं, क्वेश्चन के साथ ही सब कुछ समझ आएगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वापस से करेंगे। रैट इन अ मेज, नाम बदल दिया मैंने इसका, हमने पहले आई होप आपने मेज पाथ नाम से पढ़ा हो, 10 घंटे रिकर्जन पढ़ा है ना हमने यार जावा के डीएसए कोर्स में, तो 100% ये क्वेश्चन तो कवर हो ही रखा होगा। राइट, टू डायरेक्शंस वाला कवर हुआ था लेकिन उस समय, मतलब मेज पाथ बेसिकली यार एक ऐसा, मान लीजिए अगर आपके पास एक पाथ है, राइट, एक ऐसा आपके पास पाथ है जिसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी यार यहाँ पे चीज़ें हैं, आई वुड से ये देखिए, राइट, आपको एक ग्रिड दे रखा है, यू आर गिवन अ ग्रिड, और ग्रिड में 2D आ रहे है, समझ लो ग्रिड क्या, 2D आ रहे मान लो एक बारी के लिए, इसको है नहीं 2D आ रहे लेकिन मान लो, ठीक है, दिस इज अ ग्रिड, यू कैन से दिस इज अ ग्रिड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे खड़े हो, या जो चूहा है मैं इंसान ही बना देता हूँ यार, राइट इन अ मेज क्या है,
तो इंसान यहाँ पे खड़ा है, इसे पहुँचना है डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन ये है, ये स्टार्ट होता है हमेशा, ये डेस्टिनेशन होता है। तो कितने तरीकों से हम जा सकते हैं, हमने काउंट वेज पढ़ा था, काउंट वेज, एंड उन वेज को हमने प्रिंट भी कराया था। अगर हमें दो ही डायरेक्शन में जाना अलाउड है, मतलब मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, एक बारी में आप एक एक ब्लॉक में ही ट्रैवल कर सकते हो, और आपके पास बस दो ही ऑप्शन है कि या तो आप जाओगे राइट, गो राइट, या गो डाउन, ठीक है। मतलब आप कैसे कैसे जा सकते हो, आप ये कर सकते हो कि देखो भाई पहले इधर गया, फिर इधर, 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 ठीक है। तो आपका जो पाथ है वो ऐसे हो सकता है, एक दो तीन चार, ऐसे ऐसे, देखो राइट 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 राइट, डाउन डाउन डाउन, रीच्ड। या आपका पाथ और भी बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, देखो राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट राइट, रीच्ड, पहुंच गए, राइट। या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो, बहुत सारे वेज हो सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मेरे को स्मॉल बनाना हो तो ऐसे से हम शुरू कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका पास इतना सा ग्रिड है और आप अभी स्टार्टिंग में इधर खड़े हो, तो या तो आप ऐसे जाओगे वे नंबर वन, या ऐसे जाओगे वे नंबर टू। फिर अगर मैं इसको 3x3 बनाऊँ तो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, देखो ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ राइट और डाउन जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पहले इधर थे फिर आप इधर गए, देखिए मैं पाथ बनाते रहता हूँ, आप पहले इधर थे फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर ऊपर, फिर ऐसे 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 ऐसे, नहीं, इस क्वेश्चन में ये अलाउड नहीं है। यू कैन ओनली गो राइट एट अ टाइम एंड डाउन एट अ टाइम, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को क्या करना था, मेरे को यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, वापस से रिविजिट कर रहे हैं ना क्योंकि हम, तो नंबर ऑफ वेज को काउंट करना है कि कितने तरीकों में मैं एक से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, गिवन द साइज ऑफ द ग्रिड। साइज ऑफ ग्रिड यानी कि ऑर्डर दे रखा होगा आपको कि देखो नंबर ऑफ रोज मेरी 4 है यहाँ पे और नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे यहाँ पे 5, ऐसा दे रखा होगा आपको, ये भी हो सकता है। इनफैक्ट हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखे इसको, वी कैन ऑल्सो राइट 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हमें एरे तो बनाना ही नहीं है ना यार, हमें एरे वारे नहीं बनाना है यहाँ पे, बस रिकर्जन चलानी है, ठीक है। तो आपको 1.1 सेल से पहुँचना है 4.6, आप इसे सेल समझिए, दिस इज 1.1, दिस इज 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, फिर 2.1, 2.2, 2.3 एंड सो ऑन। अब इसका एक बेसिक एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा आसान है करना, क्या कि मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज हमेशा पता है कितने होंगे। सबसे पहले तो रिकर्जन से ऐसे निकालेंगे हम, वेरी वेरी सिंपल, टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ से लेकर यहाँ तक के, टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ से लेकर यहाँ तक के, मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ, फ्रॉम 1.1 टू 4.6 वाले सेल तक के, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एक बारी में या तो मैं राइट जाऊँगा या लेफ्ट जाऊँ डाउन जाऊँगा। तो मान लीजिए मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है, बट अगर मैं गलती से इधर आ चुका हूँ यहाँ, तो एक बात बताइए, क्या मेरा सर्च स्पेस रिड्यूस हो कि ये नहीं बन गया, मतलब मेरा मैट्रिक्स इतना सा बन गया। आप बोलोगे कैसे, अरे भाई अगर मैं राइट आ गया तो एक बात बताओ, यहाँ से या तो मैं ऐसे ऐसे करके जाऊँगा, या ऐसे जाऊँगा, या ऐसे जाऊँगा, या ऐसे जाऊँगा। अगर एक बार मैं इधर आ चुका हूँ तो ध्यान देना, मैं यहाँ कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, क्योंकि ना तो मैं कभी लेफ़्ट जाऊँगा, अगर मैं डाउन गया भी तो भी लेफ़्ट नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा तो भी लेफ़्ट नहीं जाऊँगा। तो दिस इज़ नाउ ख़त्म फॉर मी, ये बच गया मेरे पास, ये अगर मैं एक बारी के लिए राइट आ जाता हूँ पहले स्टेप में, तो मैं ये बोलूँगा टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रॉम 1.1 to 4.6 कैन बी इक्वल टू वेज, बड़े ध्यान से देखना, वेज फ्रॉम, ये क्या है 1.2, वेज फ्रॉम 1.2 से लेकर 4.6 तक, यानी कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जितने वेज लगेंगे, प्लस बड़े ध्यान से समझना, दिस इज रिकर्जन, वेज फ्रॉम, क्या पता मैं स्टार्टिंग में इधर था तो मैं इधर आ जाता, या तो मैं डाउन जाऊंगा या राइट, तो मैंने देख लिया कि अगर मैं राइट जाता हूं तो इतने नंबर ऑफ वेज कुछ ना कुछ होगा, मेरा रिकर्जन लगेगा, या नीचे आ गया तो अब मेरा ये बच गया सर्च स्पेस, समझना। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचूंगा, मैं कह सकता हूँ दिस इज 2.1, तो वेज फ्रॉम 2.1 के सेल से लेकर 4.6 तक, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 100% ये मिल जाएगा। फिर इसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अब मैं इधर आ गया हूँ, तो अगेन या तो मैं यहाँ जा सकता हूँ या यहाँ जा सकता हूँ, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे एक तो ये अगर मैं इधर आया, या फिर ये नीचे वाला, ठीक है, अगर मैं नीचे आया तो ये, ठीक है। ऐसे ऐसे करके रिकर्जन हमारा चलता रहेगा, एंड लास्ट के हम केसेस निकाल सकते हैं कि यार हम कभी बाहर नहीं जाएंगे यहाँ से, या अगर इधर आ गए तो नीचे आ जाएंगे, एंड सो ऑन, राइट, कि अगर मेरा ये इसके बराबर हो गया तो।
फिर हम यहाँ पे चार वेरिएबल लेते थे, लेकिन उससे अच्छा ये है ना यार कि क्यों हम ये ऐसा काम करें, पहले काउंट करते हैं फिर हम पाथ निकालेंगे, आ जाते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको वापस से बस रिविजिट करा रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, रैट इन अ मेज़ 2 और 3, देखो 2 और 3 वो इम्पोर्टेंट है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, लेट्स डू दिस थिंग। आ जाते हैं हम इसके अंदर, एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू पैकेज बैक ट्रैकिंग, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, न्यू जावा क्लास मेज पाथ, दिस इज जस्ट मेज पाथ डॉट जावा, कूल। थोड़ा इसको इंक्रीज कर देते हैं साइज, ये बंद कर देते हैं। आ जाते हैं यार पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है भाई, मुझे निकालना है मेज पाथ, तो मैं इसका एक फंक्शन बना लूँगा सिंपल, और अभी के लिए मैं बोलूँगा कि मेरे को टोटल नंबर ऑफ वेज जानने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, इंट कि कितनी मेरी रोज़ होगी, यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे है, थोड़े से कम तरीके ले लेते हैं, 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, बाद में देखेंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंट काउंट इज इक्वल टू, एक फंक्शन बना लेंगे हम मेज पाथ, ऐसे मेज नाम से, जो कि क्या क्या रिसीव करेगा बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा 1, 1, यहाँ पे हम मैं लिखूँगा रोज कॉमा कॉलम्स। मैं आपको समझाऊँगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बना लेते हैं अपना फंक्शन, ठीक है, इस काउंट को प्रिंट करा देंगे। अब ये जो मेज फंक्शन है, मेज फंक्शन जिसको आप ऑप्शन एंटर दबा के यार कर सकते हो, ये देखो आ गया, बन गया, ठीक है भाई, प्राइवेट स्टैटिक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास क्या है, int i, इसको हम रखेंगे int स्टार्टिंग रो, int स्टार्टिंग कॉलम, ठीक है, दिस इज int एंडिंग रो, दिस इज int एंडिंग कॉलम, ठीक है। आप समझना इसका मीनिंग क्या है मेरा, इसका क्लियर मीनिंग है कि भाई एंडिंग रो एंडिंग कॉलम मेरा 4, 6 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कराया था, स्टार्टिंग मेरा हमेशा यूजुअली 1, 1 से शुरू होता हूँ, मैं 1, 1 पे खड़ा हूँ, क्या पता मैं 0, 0 भी कर सकता था, इसको मर्जी थी वो मेरी, ठीक है, बट कन्वेंशन के हिसाब से। अब देखो ये क्या है यार, ये मेरा इंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो मेरे को नंबर ऑफ वेज काउंट रिटर्न करना है। तो मैंने क्या बोला था आपसे, काउंट वेज मेरे कितने होंगे, मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ इंट टोटल वेज, इंट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल वेज, जस्ट अ सेकेंड, तो इधर आ जाइए, मैंने क्या बोला था टोटल वेज मेरे कितने होते हैं, वेज फ्रॉम, बड़े ध्यान से समझना, अगर 1, 1 से 4, 6 तक जाना है तो 1, 2 से 4, 6 तक, 2, 1 से 4, 6 तक, तो ये मेरी एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग रो डिनोट कर रही है, ये तो हमेशा एंडिंग रो एंडिंग कॉलम है, दिस इज स्टार्टिंग रो, ये जो गिवन है दिस इज स्टार्टिंग कॉलम, अब ये तो वही स्टार्टिंग रो है, दिस इज स्टार्टिंग कॉलम प्लस 1, दिस इज स्टार्टिंग रो प्लस 1 स्टार्टिंग कॉलम, ठीक है। या तो हम डाउन जाएंगे या अप जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे मेरे, एक तो डाउन वेज प्लस राइट वेज, समझना इसका मतलब कि एक बार अगर हम राइट चले गए उसके बाद कितने वेज, डाउन चले गए उसके बाद कितने वेज, यहाँ पे एक बार लास्ट में हमें करना है रिटर्न टोटल वेज, ठीक है। ऊपर एक बार बना लेते हैं कि भाई डाउन वेज कितने आएंगे, इंट डाउन वेज, यहाँ वापस से रिकर्जन लगेगा मेरा, कैसा, ये देखिए मैं करूँगा मेज एंड इसके अंदर स्टार्टिंग रो प्लस 1 डाल दूंगा मैं, जो भी मुझे गिवन होगा, सॉरी नीचे जा रहा हूँ ना मैं, अगर मैं डाउन जा रहा हूँ तो मेरा रो नंबर इंक्रीज कर रहा है, ये देखिए पहले मैं इधर हूँ, दिस इज 1, 1, दिस इज 2, 1, तो रो नंबर मेरा बढ़ रहा है अगर मैं डाउन जाता हूँ, तो मैं लिखूंगा स्टार्टिंग रो प्लस 1, ठीक है। कॉलम मेरा वही सेम रहेगा, स्टार्टिंग कॉलम, और एंडिंग रो एंडिंग कॉलम तो हमेशा ही सेम रहेगा यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, दैट्स इट, ये आप करोगे काम हो जाएगा। सिमिलरली इंट अगर मैं करूँ यहाँ पे राइट वेज, तो वो भी बिल्कुल ही सेम होने वाला है मेरा, रिकर्जन लग रही है 2 बार, बट इसके अंदर मेरी कॉलम नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दैट्स इट। फिर मेरे को रिटर्न टोटल बेस करने हैं, लेकिन मेरे को एक बेस केस भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्या कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, अगर गलती से ये जो स्टार्टिंग रो है, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़, अगर मेरा स्टार्टिंग रो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एंडिंग रो, तो इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन एंडिंग रो, गलती से ऐसा हो रहा है तो भाई रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक और कंडीशन भी लिख देते हैं, अगर ये इससे ज़्यादा है और इसकी जगह अगर स्टार्टिंग कॉलम भी मेरा ज़्यादा है एंडिंग कॉलम से, इन दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा है अगर, ठीक है, या तो देखो ये हो रहा है या ये हो रहा है स्टार्टिंग कॉलम एंडिंग कॉलम, तो रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ अगर स्टार्टिंग रो बराबर एंडिंग रो हो रहा है,
ठीक है, एंड स्टार्टिंग कॉलम बराबर बराबर मेरा एंडिंग कॉलम हो रहा है तो रिटर्न वन, क्योंकि मेरे को एक पॉसिबल आंसर मेरा मिल चुका है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक बार चलिए कोड को रन करके देखते हैं, यहाँ पे काउंट वेज करते हैं, लेट्स रन दिस क्वेश्चन, फिर हम कंफर्म करेंगे। तो आंसर आ गया 2। क्या 2 सच है? बिल्कुल सच है, इधर देखिए 2 इज लाइक 100% सच। आ जाते हैं यहाँ, देखिए 2 का मतलब कि मैंने 2 बाय 2, मैंने रोज भी अपनी 2 दी है, कॉलम भी अपनी 2 दी है, तो कुछ ऐसा है 1 2 1 2। तो मेरे दोनों तरीके बड़े सिंपल है, अगर मैं यहाँ हूँ तो एक ऐसे ऐसे जा सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे ऐसे, और कोई तरीका है नहीं। तो 2 वेज ओनली 2 वेज विच आर, सबसे पहले जाओ राइट फिर डाउन, या डाउन और राइट, यही दो तरीके हैं। एक बार आ जाते हैं 2 क्रॉस 3 का देखते हैं, कि मतलब अगर मेरे पास 2 तो रोज हो मेरी, लेकिन मेरे पास 3 कॉलम्स हो, यानी कि देखो 2 रोज है और 3 मेरे कॉलम है, 1 2 1 2 3, एंड स्टार्टिंग में यहाँ पर्सन खड़ा है, उसको एंड में जाना है यहाँ। तो अगर मैं यहीं से सबसे पहले मैनुअली देख लेता हूँ कितने तरीके से जा सकता हूँ, मैं देखो सबसे पहले जा सकता हूँ 1 2 3, यानी कि आई कैन गो राइट राइट एंड डाउन, आई विल रीच, या फिर आई कैन गो राइट डाउन राइट, ऐसे भी जा सकता हूँ, तो राइट डाउन राइट ऐसे भी जा सकता हूँ, या फिर राइट डाउन राइट के, तो दोनों तरीके देख लिए मैंने, एक बार राइट गया तो राइट डाउन, डाउन राइट, समझ रहे हो, रिकर्जन, आई होप आप समझ रहे होगे। या फिर मैं जा सकता हूँ सीधा, देखो एक और तरीका ही मेरे हिसाब से मेरे पास बचता है, विच इज़ डाउन, एंड डाउन के बाद तो हम सीधा सिर्फ राइट राइट, तो डाउन राइट राइट, सो आई हैव 3 वेज। एक बार कन्फर्म कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, अगर मैं अपनी रोज को ले लेता हूँ 2, कॉलम्स को ले लेता हूँ 3, अब रन करते हैं, देखो 3 आ गया आंसर। ठीक है, अगर मैं दोनों को 3 ले लेता हूँ, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, तो रन करके देखते हैं, तो देखो 6 आ गया, इज 6 ट्रू? अगेन लेट्स चेक, ऑफकोर्स ट्रू ही होगा, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, पर मैं वापस आपको जानबूझ के करा रहा हूँ ताकि आप यार बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ, डरना नहीं है रिकर्जन से। 1 2 3 1 2 3, आई एम हेयर, मैं जाना चाहता हूँ इधर, तो तरीके देख लेते हैं यार, ऐसे ऐसे मैं लिख लेता हूँ, या तो देखो आप जा रहे हो राइट, ठीक है, एक बार अगर आप राइट चले गए तो आप राइट डाउन डाउन जा सकते हो, ठीक है, एक बार अगर इधर आ गए तो राइट चले गए तो आप जा सकते हो एक और राइट डाउन डाउन, ठीक है, राइट राइट डाउन डाउन, बिल्कुल सही, या फिर डाउन डाउन राइट राइट, बट उससे पहले काम करते हैं, एक बार वापस से जाते हैं इधर ही, राइट एक राइट चले गया मैं, अब इसके बाद मैं ये भी कर सकता हूँ, डाउन राइट डाउन डाउन राइट डाउन, या फिर अगर मैं इधर हूँ, देखो राइट, एक बार गए हम राइट राइट डाउन, फिर डाउन राइट, ठीक है, राइट डाउन डाउन राइट, आई बिलीव यही 3 मेथड्स हैं मेरे अगर मैं इधर आ जाता हूँ एक राइट, या फिर अगर मैं जाता हूँ सबसे पहले ही डाउन, अगर मैं इधर डाउन चले गया, तो इसके भी 3 तरीके, एक ये एक ये एक ये, समझ रहे हो मेरी बात, जैसे एक बार के लिए मैं इधर आ गया तो अब मैं जा सकता हूँ राइट राइट डाउन, ये देखिए राइट राइट डाउन, या मैं अगर एक बार इधर आ चुका हूँ, एक बार डाउन पे आ चुका हूँ, तो मैं राइट डाउन राइट, तो राइट डाउन राइट, या फिर फाइनली मैं एक बार अगर इधर आ चुका हूँ तो डाउन राइट राइट डाउन डाउन राइट राइट, सो यू कैन सी 6 वेज करके देख सकते हो आप बाकी। चलिए एक बार हमने काउंट तो देख लिया, अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं एग्जैक्टली ये सारे वेज, मैं चाहता हूँ ये सब मैं प्रिंट कराऊँ, तो कोई बात नहीं, एक स्ट्रिंग के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं हमेशा, एंड अपना जो वो है क्या बोलते हैं रिटर्न टाइप है, आई बिलीव हम उसको वॉइड रख लेते हैं, ठीक है, आ जाते हैं सेम ही क्वेश्चन के अंदर, लेट्स चेंज दिस थिंग, प्रिंट पाथ, इसका हम नाम रख देते हैं प्रिंट पाथ, एक नई फाइल बनाते हैं यार, ठीक है, फटाफट लिखते हैं प्रिंट पाथ डॉट जावा, ठीक है भाई, PSVM, एंड कुछ कुछ चीज़ों को हम कॉपी कर लेते हैं यार, कुछ ज़्यादा वो तो करनी ही नहीं है हमें, आ जाते हैं भाई यहाँ पे, अगेन अपने रोज ये सब दे देते हैं, और काउंट नहीं, सीधा हम चलाएंगे अपना फंक्शन, फंक्शन ही प्रिंट करा देगा, ठीक है, यहाँ पे भी मैं मेज हम नाम रख रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट नाम रख रहा हूँ, ठीक है भाई, अगेन अपनी वही रोज कॉलम दूंगा मैं, ऑप्शन रिटर्न दबाइए, तो ओहो ओहो क्या हो रहा है, ये रहा, बन गया, ठीक है भाई, ये ऐसे भी बन सकता है, आप खुद से भी बना सकते हो यार वैसे, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ बिग डील, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये क्या है, राइट, एनीवेज, तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड प्रिंट हो रहा है मेरा, यहाँ पे फंक्शन है,
इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ यार. दिस इज योर फंक्शन, दिस इज द मेन फंक्शन. अब मैं एक वॉइड फंक्शन बना रहा हूँ, मैं एक वॉइड फंक्शन बना रहा हूँ जो कि प्रिंट करके देगा मुझे. तो अगेन सेम काम करूंगा मैं, स्टार्टिंग रो है मेरे पास, वही देखो यहाँ पे एंडिंग रो भी सेम ही बात है, सॉरी स्टार्टिंग कॉलम है, इसको मैं बोल दूंगा एंडिंग रो, इसको बोल दूंगा एंडिंग कॉलम मेरा, ठीक है, जो कि मैं पास कर रहा हूँ पहले से 3.3 के उसमें. यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मैं एक ना स्ट्रिंग भी पास करूंगा. एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, स्ट्रिंग एस, ठीक है, सीधा, ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं है. हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेम जो मैं फंक्शन लगा रहा था कि मेरी दो रिकर्जन कॉल लग रही थी, लेकिन मैं टोटल नंबर ऑफ पाथ्स यहाँ पे नहीं करने वाला, बड़े ध्यान से समझना मैं यहाँ पे करूँगा क्या. सेम काम मेरा ये रहने वाला है कि भाई अगर मेरा स्टार्टिंग रो एंडिंग रो से बड़ा हो गया, या फिर स्टार्टिंग कॉलम मेरा एंडिंग कॉलम से बड़ा हो गया, तो सीधा रिटर्न करो, आपको कुछ नहीं करना. एंड अगर मेरा स्टार्टिंग रो बराबर एंडिंग रो हो गया, अब देखना, और एंडिंग रो सॉरी स्टार्टिंग कॉलम बराबर एंडिंग कॉलम हो गया, यानी कि मैं सही जगह पहुंच गया, तो मैं दो काम करूंगा. क्या, मैं सबसे पहले तो अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करा दूंगा, इसको मैं प्रिंट करा दूंगा, एंड देन मैं रिटर्न कर दूंगा. समझना इस बात को, ठीक है भाई, जो भी मेरा आंसर आ रहा है. अब मेरे को मेन अपने रिकर्जन पे आना है. मैं अपने रिकर्जन में कैसे आऊँ, मुझे क्या पता कि क्या चीज़ होने वाली है. तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल मेरा काम रहने वाला है, मैं यहाँ पे दो सीधा कॉल लगाऊंगा. मेरे को राइट वेज डाउन वेज को यहाँ पे वो नहीं करना, क्या बोलते हो, ऐड नहीं करना है टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, मेरे को बस पाथ्स दिखाने हैं. तो एक पाथ हमेशा क्या हो सकता है, डाउन जा सकता हूँ मैं, ठीक है, गो डाउन. तो इस केस में मैं क्या करूँगा, एक तो मैं नीचे जाऊँगा, बट उससे पहले मैं एक बार डाउन जा रहा हूँ, तो मैं अपनी स्ट्रिंग में क्या पास कराऊंगा, ये बड़े ध्यान से देखना. मैं वही फंक्शन अपना कॉल में लाने वाला हूँ, मैं डाउन जा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग रो प्लस वन हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम, स्टार्टिंग कॉलम फिर एंडिंग रो एंडिंग कॉलम, ये सब सेम. और मैं अपनी स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा, बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे, डाउन, क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है. सिमिलरली इसी की तरह कॉपी पेस्ट अगर हम करें, मेरे को जाना है गो राइट. राइट जाने के लिए मैं बस अपना ये करता हूँ, क्या बोलते हैं यार, स्टार्टिंग कॉलम प्लस वन कर दूंगा, एंड यहाँ पे मैं एक बार राइट दे दूंगा अपनी स्ट्रिंग में, बड़े ध्यान से समझना. बस ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको. लेट अस रन दिस कोड, ठीक है, रन करते हैं. अच्छा यही आ रहा है, इसी को उसको रन करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, प्रिंट पाथ को. तो देखो आ गया, डाउन डाउन राइट राइट डाउन राइट राइट, ये देखो बिल्कुल वही आ रहा है. अब आप बोलोगे पहले डाउन वाली चीज़ क्यों आ रही है, ठीक है भाई, पहले राइट वाली चीज़ कर देते हैं यार, ये लीजिए यार, ठीक है. अगर मैं इसके नीचे ये गो डाउन करता, तो पहले राइट वाले पाथ्स आते, ये देखो याद है, राइट राइट डाउन डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन डाउन राइट, देखो वही लिखा है एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम. अगर मैं आपको, चलिए कन्फर्म करके दिखा देता हूँ, ठीक है यार, ये भी ज़रूरी है, आ जाइए ये देखिए, वाह, यही तो लिखी है मैंने चीज़ें, क्या सेम नहीं है बिल्कुल. राइट राइट डाउन डाउन राइट राइट डाउन डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन डाउन राइट, ये देखिए डी आर आर डी डी आर डी आर डी डी आर आर, एग्जैक्टली सेम, ठीक है. तो ऐसे मैं पाथ्स प्रिंट करा सकता हूँ अपने अलग अलग, मान लीजिए जो मैंने और इनिशियल ही नहीं लिखा था 4.6 की बड़ी सी वो बनाई थी, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा आंसर आ जाएगा यार, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसमें ख़त्म ही नहीं. अरे बाप रे, ये देखो इतने सारे वेज है मेरे. अगर मैं मेज पाथ पे जाके इसका काउंट निकालूं, तो काउंट देखना कितना आएगा 4.6 का, बौखला जाओगे आप भी. 56 तरीके है, अगर 4.6 वाला ग्रिड था तो 56 तरीके थे, ठीक है भाई. तो आई होप आपको थोड़ा सा याद आया होगा कि रिकर्जन काम कैसे करती है. चलो भाई अब सीधा यार काम की बात पे आते हैं और अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ पे मुझे बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब कंपल्सरीली, ठीक है. तो आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है वही सेम क्वेश्चन है, ये रैट इन अ मेज का मतलब यही है कि रैट यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, ठीक है. अब ये क्या है यार, चार डायरेक्शंस, क्या मतलब, ये देखिए. अब कुछ ऐसा सा सीन रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3.5 का बना दिया यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं. मान लीजिए मेरा ग्रिड या फिर मेरा जो मेज़ है, 2D आ रहे तो नहीं बनाना आपको, उसका साइज़ कुछ इतना है कि मेरे पास 3 रोज़ है 5 कॉलम्स हैं. मुझे जाना है 4 रोज़ 5 कॉलम कर देते हैं यार, थोड़ा सा बेटर रहता है, ठीक है भाई. एक्सटेंड कर देते हैं इसको भी यार अच्छे से, ताकि पता ही ना लगे. हाँ तो मेरे पास यार अपने 4 रोज़ है और 5 कॉलम है. मैं मान लीजिए यहीं पे हूँ, या हमारा रैट यहाँ पे है, रैट मेरे से बनता नहीं है शायद, बन गया रैट,
पूछ भाई, रैट नहीं बनाना आता क्या मेरे को? जो भी हो, मैंने कीड़ा बना दिया। तो देखो यहाँ पे मेरा रैट है, मेरे को उसको पहुँचाना है यहाँ पे। अब चार डायरेक्शंस का मेरा मतलब पता है क्या है, कि भाई ये आदमी ना ऐसे भी जा सकता है, इसका मन कुछ और ही कर रहा है, कि ये पहले गया यार यहाँ पे, थोड़ा विजिबिलिटी दिया दिखा लेते हैं यार, ये पहले गया यहाँ पे, फिर ये गया यार यहाँ पे नीचे। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, इधर नीचे राइट, अब चले गया, क्योंकि जा सकता है टेक्निकली स्पीकिंग, जगह है। फिर गया ये इधर इधर इधर, इसका मन किया इधर 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 जाने का, इधर जाने का, इधर इधर। तो इसने बोला कि मैं तो ऐसे जाऊंगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं यार, जो हमने कोड लिखा था उसमें हम सिर्फ डाउन जा रहे थे और राइट जा रहे थे, एक काम करते हैं अप जाने वाले, जैसे हम देखो यहाँ पे ये अप गया, ठीक है, राइट डाउन राइट अप, राइट डाउन फिर डाउन फिर लेफ्ट लेफ्ट फिर डाउन राइट राइट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो कंडीशंस को और डाल देंगे, लेफ्ट जाने वाली कंडीशन, जिसमें अगर कोई बंदा मान लो इधर है मेरा चूहा या इधर है मेरा इंसान, अगर वो लेफ्ट जा रहा है तो उसका देखो कॉलम माइनस माइनस हो रहा है, स्टार्टिंग कॉलम माइनस होने जाएगा। लेकिन यार ये तो प्रॉब्लम दे सकता है, क्या पता वो हमारे कोड से बाहर निकल जाए, क्या पता वो हमारे कोड से बाहर निकल जाए। चलो उसकी भी कंडीशन निकाल लेंगे, हमने अभी तक बस ये बताई थी कि स्टार्टिंग रो एंडिंग रो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम एक और काम कर लेंगे कि स्टार्टिंग रो मेरा वन से छोटा भी नहीं होना चाहिए, ताकि बाहर ना निकल जाए, सिमिलरली कॉलम। चलिए करके देखते हैं, एक बहुत बड़ा ब्लंडर इशू आने वाला है। ठीक है, फोर डायरेक्शंस का मेज पाथ, तो बैक ट्रैकिंग में आ जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं फोर डायरेक्शन मेज पाथ डॉट जावा। अच्छा, वैलिड नेम नहीं है तो फोर की जगह मैं लिख देता हूँ, ऐसे फोर लिख देते हैं यार। हाँ ठीक है भाई, कभी कभी नंबर्स वैलिड नहीं होते जावा के नेम में, कभी कभी क्या, हमेशा ही नहीं होता आई थिंक। ठीक है भाई, आ जाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं कॉपी वेस्ट करते हैं अपने इसको ही, क्यों मेहनत करें। ठीक है भाई, कि वही रोज कॉलम्स मैंने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, इनफैक्ट मैं 3.3 ही दे दूंगा अभी के लिए, राइट, एंड वही हम प्रिंट वाला फंक्शन बनाएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है हमें, यही सेम कॉपी वेस्ट करते हैं, चार डायरेक्शन ही तो डालनी है बस। देखो डल गया, दैट्स इट, ये कोड ही अलग है, ध्यान रखना इसको, दिस इज अ डिफरेंट कोड, राइट। यहाँ पे फोर डायरेक्शन मेज पाथ है मेरा, ठीक है, ये डिफरेंट कोड है, तो मैं चाहता हूँ रोज कॉलम्स तो मैं भेज ही रहा हूँ और अपनी यही स्टार्टिंग रो एंडिंग रो ये सब भी भेज रहा हूँ, बिल्कुल सही है। बस यहाँ पे अब चीज़ें देखना, मैं गो राइट गो डाउन और मैं ये भी बनाने वाला हूँ फिर यहाँ पे गो लेफ्ट। गो लेफ्ट में क्या होगा, यही सेम फंक्शन में यहाँ पे कॉल लगाऊंगा, लेकिन जब भी मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया सेम रो में मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, तो कॉलम को एक से माइनस करूंगा। देखिए स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम माइनस वन कर दूंगा मैं यहाँ पे, फिर वही सेम एंडिंग रो एंडिंग कॉलम, एंड अपनी स्ट्रिंग के अंदर मैं लेफ्ट डाल दूंगा क्योंकि मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, सिंपल, राइट। सिमिलरली यार गो राइट के लिए कर लेते हैं यार, गो राइट जब मैं करता हूँ तो स्टार्टिंग रो माइनस वन, राइट सॉरी गो राइट नहीं, गो अप, ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी रो एक कम हो रही है, ठीक है, कॉलम वही रह रहा है, और गो अप। तो देखिए राइट डाउन तो पहले से थे, लेफ्ट और अप भी आ गए। ठीक है भाई, कुछ कंडीशंस और लगानी ज़रूरी है हमारे पास यार, ये लगाना ज़रूरी है कि भाई अगर गलती से ऐसा हो रहा है कि स्टार्टिंग रो जो है वो जीरो के बराबर हो रही है, यानी कि लेस देन वन, मैं बोल देता हूँ क्योंकि वन से शुरू हो रहा है उससे पहले नहीं जाना चाहिए, या फिर स्टार्टिंग कॉलम लेस देन वन, इन दोनों में से कुछ भी है तो भाई रिटर्न, आगे नहीं जाना आपको, ख़त्म करो। चलिए कोड चलाते हैं फिर, और तो क्या ही चेंजेस होंगे, है ना, आपके भी हिसाब से दिखाता हूँ। तो कुछ अजीब सा इनफाइनाइट, ओ इनफाइनाइट लूप आ जाएगा, क्या है यार ये क्या है, अरे अरे कोड ही खत्म नहीं हो रहा, ओहो व्हाट इज द प्रॉब्लम मैन, ओ प्रिंट तो हुआ है, लेकिन क्या है ये राइट डाउन भाई खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसा क्या कर दिया यार मैंने, तो कुछ गलती की नहीं है यहाँ पे, कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। एक बार इस कोड को ना ड्राई रन करके देखते हैं, कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, 2x2 में ही करेंगे, या इनफैक्ट चलो 3x3 में करके देख लेंगे। ठीक है, आ जाते हैं और इस कोड को उठा लेते हैं, इतने से कोड को हमारे, ठीक है, ये लीजिए, लेट अस ड्राई रन दिस कोड। ठीक है भाई, इसको ले आते हैं उठा के इधर, कि भाई चार डायरेक्शंस में अभी जो हम कर रहे हैं उसमें क्या ऐसी एक छोटी सी गलती
रह रही है, छोटी सी है, लेकिन क्या वो गलती है जो कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं यार। चलिए मान लेते हैं हमारा जो मेज़ है, अभी के लिए मैं 2x2 ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं, ताकि ये जो लेक्चर है 2 घंटे और लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेज़ है, इनिशियली मेरा इंसान यहाँ पे है, ठीक है भाई, उसको जाना है, उसकी डेस्टिनेशन है यहाँ, उसकी डेस्टिनेशन है यार, दिस इज़ द डेस्टिनेशन, ठीक है भाई। तो देखिए वो यहाँ से शुरू हुआ, जब मैंने क्वेश्चन में पास किया रिकर्जन में, तो स्टार्टिंग रो मेरी 1 है, स्टार्टिंग कॉलम 1 है, एंडिंग रो 2 है, एंडिंग कॉलम 2 है, स्ट्रिंग मेरी अभी के लिए एम्प्टी है, ठीक है। पूरा अच्छे से ड्राई रन नहीं करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव बहुत लंबा हो जाएगा। क्या स्टार्टिंग रो 1 से छोटी है? नहीं नहीं। क्या स्टार्टिंग रो 2 से बड़ी है? नहीं नहीं। आगे बढ़ो, क्या ये बराबर है? नहीं, अभी के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक बारी के लिए मैं राइट जा सकता हूँ, ठीक है, पर ये जो चारों कॉल्स है ना यार, ये साइमल्टेनियसली लगने वाली है, ये जो चारों कॉल्स है ये साइमल्टेनियसली मेरी लगने वाली है। अगर मैं इसका वो बना के दिखाऊँ आपको, क्या बोलते हैं, चार्ट बना के दिखाऊँ, तो कुछ ऐसा सीन है, कॉल ऐसे लग रही है कि मेरे पास सबसे पहले स्टार्टिंग रो 1 है, स्टार्टिंग कॉलम 1 है, यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ, पी नाम रख रहा हूँ, प्रिंट है 1 है, फिर एंडिंग रो 2 है, एंडिंग कॉलम 2 है, और अभी के लिए खाली स्ट्रिंग है। तो ऐसा सीन है, तो इसने ना चार कॉल लगाई, एक फंक्शन 1, 2, 3, 4 कॉल लगा रहा है भाई साहब। तो पहली कॉल लगाई इसने प्रिंट, पहली कॉल में क्या हो रहा है, ये सेम रह रहा है, ये बढ़ गया, ठीक है, ये दोनों तो इतने ही हैं, ठीक है भाई। फिर ये एक दूसरी कॉल लगा रहा है प्रिंट, जिसमें ये बढ़ रहा है, ठीक है, जिसमें ये बढ़ रहा है 2, 1, 2, 2, ठीक है भाई। अब देखो ये एक अगली कॉल लगा रहा है जिसमें ये घट रहा है, प्रिंट ऑफ 0, फिर यहाँ पे आ गया यार क्या कहते हैं 1, 2, 2, फिर एक चौथी कॉल लगाई जिसमें हमारा ये चीज़ घट रही है, ठीक है, इनफैक्ट ये हो रहा था तीसरे कॉल में, चौथी कॉल में हो रहा है ये, समझना मैंने ये क्या किया है, ठीक है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे ये नहीं जाएगा, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ राइट, ठीक है भाई, सबसे पहले आई एम गोइंग राइट, तो एक राइट ऐड हो गया, फिर आई एम गोइंग डाउन भी साथ साथ, तो डाउन भी आ गया, फिर आई एम गोइंग लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए कॉलम कम हो गया एक, लेकिन मैं लेफ्ट चले गया, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अप चले गया, तो अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है भाई। तो ये चारों कॉल लग रहे हैं मेरे यहाँ पे एक साथ, अलग अलग सिचुएशंस को बनाने के लिए। अब एक बारी के लिए हम मान लेते हैं कि हम गए राइट, ठीक है भाई, अब हम चले गए राइट, तो जैसे ही मैं राइट गया, वापस से फंक्शन कॉल हुआ है ना, तो राइट जाने के बाद चार और कॉल लगने वाली है, डेफिनेटली हर कॉल में चार कॉल लग रही है। अब एक बार एक बात बताओ, मैं इधर था, मैं राइट गया, इधर आ गया, अब राइट के पास 3 तरीके हैं, या तो डाउन जाएगा, या अप जाएगा, अप जाएगा तो लूप टूट जाएगा, कोई बात नहीं, या तो अप जाएगा या और राइट जाएगा, ये भी नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता, ये तो कैंसिल हो जाएंगे तरीके, हमने इनकी कंडीशंस तो लगा रखी है। तो या तो देखो डाउन जाएगा, या फिर वो वापस लेफ्ट चले जाएगा, लेफ्ट तो जा सकता है, फिर पर्पस क्या रहेगा, इनफाइनाइट लूप नहीं हो जाएगा, समझो, पहले इंसान इधर था, ठीक है, वो इधर गया, फिर यहाँ से उसके पास नीचे जाने का ऑप्शन भी है और लेफ्ट का भी है, फिर वापस इधर आ गया, फिर वापस से या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, इनफाइनाइट लूप आ गया ना। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अब मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाता हूँ क्यों ये कोड में एरर आ रहा है, कि भाई देखो ना, ऐसा काम भी हो सकता है कि ये चूहा पगला जाए, ठीक है, इस चूहे को रास्ता ही नहीं समझ आया। मान लीजिए मैं पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, इधर 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 इधर, अरे 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 अरे, खो गया चूहा पागल हो गया, ठीक है, तो ये वापस भी तो इधर आ सकता है, जैसे इधर गया तो एक बार के लिए वापस इधर आ सकता है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, कि ये इधर गया, 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 इधर 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 खोते रहेगा अपने आप, वापस भी जा पा रहा है, मेरे को वो चीज़ अवॉइड करनी है। तो व्हाट आई एक्चुअली वांट इज़ कि मैं एक बार अगर किसी लोकेशन पे आ गया कि भाई चूहा अगर जैसे इधर है, वो एक बारी इधर आ गया, मान लो वो कभी इधर था, तो एक कोई झंडा लगा के जाए, वो यहाँ पे कोई चेकमार्क लगाए, कोई बूलियन फ्लैग लगाए, जिससे वो डिनोट हो पाए कि यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ, तो मैं वापस यहाँ नहीं आने वाला। मतलब कि जैसे चूहा इनिशियली यहाँ खड़ा था, तो उसे पता है वो 1.1 पे था, अब वो कहीं भी अगर मान लो राइट गया, वो वापस कभी लेफ्ट नहीं आ सकता, वो यहाँ पे एक झंडा लगा देगा ट्रू, कि मैं यहाँ ट्रैवल कर चुका हूँ। तो अब जैसे चूहा इधर है, तो चूहा कहाँ कहाँ जा सकता है, चूहा बोलेगा यार मैं एक बार पाथ बनाते जाता हूँ, मान लो ये पाथ बन गया था मेरा, वापस करते एक बार, ठीक है,
चूहा यहाँ से यार यहाँ चले गया था, ठीक है। तो हुआ क्या, चूहा तो भाई यहाँ चले गया मेरा, इनफैक्ट चूहा क्या मैं सिर्फ पाथ ही ले लेता हूँ ये, क्योंकि मैं उठा नहीं पाऊँगा फिर, ठीक है। इधर देखते हैं, मैं पहले इधर था, मैं यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक चेक मार्क लगा दिया, इनफैक्ट जब मैं इधर आया तो भी मैं जैसे ही यहाँ पे आया मैंने एक चेक मार्क लगा दिया कि मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगा। अब मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, ऊपर तो नहीं जा सकता, राइट जा सकता हूँ यस, डाउन जा सकता हूँ यस, ऊपर जा सकता हूँ नो, यस यस, लेफ्ट जा सकता हूँ नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रू है, मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं नीचे गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, आई कैन गो अप, आई कैन गो राइट, आई कैन गो डाउन, कैन आई गो लेफ्ट, नो, बिकॉज एक चेक मार्क यहाँ पे बन चुका है। तो मैं जैसे ही ट्रैवल करता जा रहा हूँ अपने मैट्रिक्स में, अपने ग्रिड में, तो मैं एक चेक मार्क लगाता जाऊँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हम बैक ट्रैकिंग का इस्तेमाल करेंगे। और चेक मार्क कैसे लगाते हैं, मेरे को कोई एक्स्ट्रा जगह चाहिए होगी, जिसको मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा, आई ऑलवेज नीड एन एक्स्ट्रा 2D एरे, तो मुझे ये चाहिए होगा यार यहाँ पे, सबसे पहली बात तो एक्स्ट्रा 2D एरे जो कि मेरा एक फ्लैग को गार्ड दे, या फिर एक चेक लगा ले कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा, मेन पॉइंट ही है बैक ट्रैकिंग का, ठीक है। अब बैक ट्रैक जो होता है वो अभी हम बैक ट्रैकिंग का पॉइंट पे नहीं आए, अभी बस हम स्टोरेज के पॉइंट पे आए, वो भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको ये काम करना है, ऐसे ऐसे आपको ये यहाँ पे काम करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका आंसर आ सकता है हमारा, कैसे हम एक्स्ट्रा 2D एरे बनाएंगे। सबसे पहले तो अगर 2D एरे मैं बना रहा हूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जो मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बोल रहा था ना तब से यार, तो इसको हम थोड़ा सा ये लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि एरे के इंडेक्स वही होते हैं। तो टू सेव सम स्पेस मैं इसको ऐसे में बोल दूंगा, ठीक है। जैसे इधर आ जाते हैं एक बार के लिए, 0, 1, 2, 3, 4 को मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं नॉर्मल अपने इस पे आता हूँ, प्रिंट पाथ पे, ठीक है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, हम बोलेंगे कि मेरी इनिशियल रो 0 थी, मेरा इनिशियल ये 0 था, एंड इसलिए यहाँ पे मैं रो -1 को बोल दूंगा कि मेरा फाइनल था, समझ रहे हो ना यार। एंडिंग रो एंडिंग कॉलम में बस मैं -1 कर रहा हूँ, क्यों, ये डिनोट कर रहा हूँ कि 3.5 वो सेल होगा, ठीक है, 4.6 की जगह, बात एक ही है, ठीक है। और देखो सारी चीज़ें सेम चलेगी हमारी, वापस से अगर मैं रन करूँ 4.6 तो देखो सारे तरीके आ गए। इनफैक्ट अगर मैं करता हूँ 3.4 तो देखना क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये रहे वो तरीके, ठीक है। इतने मेरे पास वेज है और बिल्कुल सही आ रहा है, चाहे तो मैं इसको 1-1 रोज कॉलम लिखूँ या 0-0 ये लिखूँ, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम 2D आरे बनाएंगे। चलिए आ जाते हैं इसमें 4 डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम साथ में एक स्पेस भी भेजेंगे, यानी कि एक एरे को भी मैं फंक्शन में पास कराऊंगा। पहली बात, ये जो मैं एक्स्ट्रा एरे दूंगा एक, ये बस स्टोर करने के लिए होगा क्या, कि मैं आ चुका हूँ इस जगह या नहीं। और जैसे ही मैं आ जाऊँगा, यानी कि मेरा जो स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम का जो वो सेल होगा वो चेक मार्क लगा देगा सबसे पहले कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब आगे का देखता हूँ, जैसे मैं इधर आ गया हूँ तो इसको पहले ट्रू बनाऊँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, साथ ही साथ एक मैट्रिक्स भेज देते हैं जिसमें इनिशियली इनिशियल कॉन्फिगरेशन में सारी फॉल्स रख देता हूँ, ठीक है। इनिशियली इस 2D एरे को हम फॉल्स से भर देंगे, इनिशियली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन में, बनाते हैं उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं int, ठीक है, 2D एरे का हमारा ये होता है यार int arr, या इसको हम लिख देते हैं int check, ठीक है, चेक नहीं, हम इसको ऐसे लिखते हैं इज विजिटेड, दिस इज द राइट नेम, कि मतलब आप विजिट कर चुके हो इस जगह को या नहीं। इंट नहीं, हम इसको लिख देते हैं बूलियन डेटा टाइप बनाते हैं, बूलियन इज विजिटेड इज इक्वल टू न्यू बूलियन, ठीक है, बन गया एरे मेरा। एंड इसका साइज एग्जैक्टली हम रख लेते हैं अपना रोज और कॉलम जितना, ताकि मेरे इंडेक्सिंग प्रॉपर, मेरी जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा ये रहे 0-0 से लेकर रो -1, कॉलम -1 तक, परफेक्ट, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसको भी पास कराऊंगा अपने स्ट्रिंग के साथ। एक काम करते हैं, हम इसको इज विजिटेड ये एरे भी मैं यहाँ पे पास कराऊंगा, तो इस फंक्शन में भी लिख लेते हैं यार, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बूलियन, एंड इसका नाम भी हम ऐसे ही लिख देते हैं यार इज विजिटेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, राइट, ये देखिए ये ऐसे है, ठीक है, एक बार इधर आ जाते हैं, फंक्शन थोड़ा बड़ा हो गया। हमने साथ में एक एरे को भी पास करा दिया। एरे मेरा क्या मेक श्योर करेगा, सबसे पहले तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट
क्या बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एक तो इनको भी मेरे को चेंज करना है ना साथ में, ये तो मैं भूल ही गया था। ठीक है तो इधर आ जाते हैं प्रिंट पाथ पे ही। अच्छा अच्छा पुराने बारे में भूल गया था ना मैं। एनीवेज तो इधर आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक और कंडीशन क्या लगाएंगे कि मेरा जो स्टार्टिंग रो है वो लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो के बराबर तो हो ही सकता है ना। इनिशियली मैंने यहाँ पे जीरो और जीरो ही भेजा, ये देखिए जीरो जीरो भेजा है, तो जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसमें हम रिटर्न कर देंगे। और सिमिलरली अपनी एंडिंग रो से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, वो तो सेम ही रहने वाला है कंडीशन। बराबर हो गया तो स्ट्रिंग को प्रिंट करा दो, सब कुछ सही है। अब मैं यहाँ पे क्या देखने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे ये देखने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि क्या विजिट हुआ है या नहीं। तो जैसे ही मैं किसी पर्टिकुलर जैसे 0.0 पे गया, तो मेरा पहला काम पता है क्या होगा, ये करना कि भाई इज विजिटेड के जो मेरा स्टार्टिंग रो वाला इंडेक्स है और स्टार्टिंग कॉलम है, भाई इसको आप ट्रू बना दो। और बाय द वे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं इसको ये बनाता हूँ ना इज विजिटेड इज इक्वल टू न्यू ये, तो बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर फॉल्स भरा पड़ा होगा, हर जगह फॉल्स ही भरा होगा। चाहे तो आपको अगर ये चेक करना है तो आपको चेक करके दिखा देता हूँ, इसको एक बारी के लिए हम कमेंट आउट करते हैं। ये देखिए जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए मेरे को कुछ भी प्रिंट कराना है साउट, मैं इसका कुछ भी प्रिंट करा दूँ, इज विजिटेड का 2.1 अगर मेरे को इंडेक्स प्रिंट कराना है 2.1, ठीक है तो देखना फॉल्स आएगा आंसर। लेट अस रन दिस कोड, फॉल्स, बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यू मेरी फॉल्स होती है। ठीक है ओके, अब लेट्स गो टू दिस थिंग, इसको वापस से बना देते हैं, ये बहुत बेहतर है, आ जाते हैं। तो मैं एक बार के लिए ट्रू बना दूंगा कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं गो राइट, ठीक है मैं जो है राइट सिर्फ तभी जाऊँगा, या तो मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ, और अगर मैं राइट जा रहा हूँ तो मैं अपनी स्ट्रिंग में वो डालूँ या ना डालूँ वो भी एक बात हो जाती है। यहाँ पे जो ऊपर की मैं कुछ कंडीशन लगा रहा था ना, कि अगर मेरा लेस देन जीरो हो रहा है तो भी छोड़ दो, या मेरा ये हो रहा है तो भी छोड़ दो, मैं यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाला हूँ क्या भाई, कि भाई अगर ऐसा है कि इज विजिटेड का जो स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम, जहाँ पे आप आए हो गलती से, अप से आए हो, लेफ्ट से आए हो, डाउन से आए हो, टॉप से आए हो, अगर भाई वो पहले से ट्रू पड़ा है, यानी कि आप यहाँ आ चुके हो, तो रिटर्न भाई वापस जाओ, चलो चलो निकलो, आप यहाँ पे पहले से आ चुके थे ना, आप यहाँ नहीं आ सकते, निकलो यहाँ से। ठीक है तो रिटर्न, ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ये कंडीशन एक्स्ट्रा हमारी लगी है कि अगर हमें ट्रू मार्क कर दिया तो भाई भाग लो यहाँ से, निकलो पहले। ठीक है भाई, फिर ये सारी बेसिक चीज़ें चेक हो रही है, फिर मैं ये ट्रू बना रहा हूँ। अब मैं सिंपल ये सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ यार एरर सिर्फ इतना आ रहा है कि मैंने यहाँ पे ये पास नहीं किया है, तो चलिए इसको पास कर देते हैं यार, और कोई दिक्कत नहीं है, पास। ठीक है अब कोड बिल्कुल सही लग रहा है, रन करते हैं एक बार कोड को। एक गलती इसमें अभी भी है जिसको मैं कहता हूँ बैक ट्रैकिंग, लेकिन ये कोड चल जाएगा, एटलीस्ट चलाते हैं इसको, एरर नहीं देगा, देखो चल गया, एरर क्यों दे रहा है, एक सेकेंड लॉल हो गया मेरा, तो एरर तो नहीं देना चाहिए। इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3, अच्छा तो मैंने कुछ इंडेक्सिंग में गलती की है, या तो पहले यार ये वाली कंडीशन लगानी है ना मेरे को, आई एम सो सॉरी। ठीक है क्योंकि देखो पहले ही मैंने, मान लीजिए मेरा ये 3.3 आ गया विच इज़ नॉट वैलिड, तो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है भाई बस ये था, ज़्यादा कुछ नहीं है, अब एक बार रन करते हैं, चल गया। लेकिन ये क्या है, मेरा आंसर आ गया राइट राइट डाउन डाउन राइट राइट डाउन लेफ्ट डाउन राइट, क्या सिर्फ दो तरीके हैं, और मैंने 3.3 का वो लिया था मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं ये क्या परेशानी है, इस कोड में प्रॉब्लम क्या आ रही है। सब कुछ ही सही है। अगर मैं 2.2 का करके दिखाऊं, 2.2 में तो आई थिंक सही आ जाएगा आंसर। देखो राइट डाउन डाउन राइट, यही दो तरीके होते हैं, मैं अप वप नहीं जा सकता ऐसे में, लेकिन 3.3 में दो तरीके थोड़े ना हैं, लाइक आई मीन विदाउट गोइंग डाउन एंड लेफ्ट भी मेरे 6 तरीके थे, तो 6 से ज़्यादा तरीके होने चाहिए। इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। इस कोड में प्रॉब्लम जो है 4 डायरेक्शंस में हो तो गया मेरा, बस एक लाइन की कमी है, एक लाइन मेरे को और लिखनी है, फिर सारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा मेरा। ठीक है तो उस लाइन के बारे में जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, लाइन के बारे में जानते हैं यार कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। पहले तो एक 3.3 का बनाते हैं और देखते हैं कि ये जो हमें आंसर दे रहा है वो कौन से आंसर है।
ठीक है, तो 0 1 2 0 1 2 हो क्या रहा है कि ये तो मेरा मान लीजिए वो ग्रिड है, ये तो मेरा ग्रिड है, एक एक्स्ट्रा एरे नहीं है, एक मैं ये भी बना रहा हूँ, इज़ वैलिड अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ पड़ा है मेरे पास फॉल्स, ठीक है, ऐसा सीन है। ठीक है, अब मैं इधर आया, मेरा इनिशियली इंसान यहाँ पे खड़ा है या रैट यहाँ पे खड़ा है, ये मुझे कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं, राइट राइट डाउन डाउन और राइट राइट डाउन लेफ्ट डाउन राइट। ठीक है, तो देखो राइट राइट डाउन डाउन सही है, या फिर राइट राइट डाउन लेफ्ट डाउन राइट, जबकि ये भी तो हो सकता था कि भाई राइट राइट डाउन लेफ्ट लेफ्ट डाउन राइट राइट, वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ना जावा के अंदर 2D एरे जब मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ वो पास बाय रेफरेंस होता है। अब आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, अब आप इस बात को बेहद ध्यान से सुनना जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। रिकर्जन में जैसे सबसे पहले तो मेरी कंडीशन जो कोड में है वो ये चार कंडीशन है, इन कंडीशंस को लिख ही लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाकी चीज़ें तो चलती है, बाकी तो हमारी एक्सेप्शंस है। मेन जो कोड है वो ये है। ठीक है, इस कोड को आप समझना प्लीज़ कि कोड में हो क्या रहा है। मैं पहले राइट जाता हूँ, डाउन जाता हूँ, लेफ्ट अप एक साथ ही जाऊँगा, तो मैं सबसे पहले उससे भी पहले मैं ट्रू मार्क कर देता हूँ। तो जैसे कि मैं आया अपने 0,0 पे, आई एम करेंटली एट 0,0, तो पहले मैंने 0,0 को ट्रू मार्क कर दिया। पहले यार मैंने इसको यहाँ पे बड़े प्यार से इसको सबसे पहले ट्रू मार्क किया, फर्स्ट काम किया मैंने। उसके बाद मैं राइट जाता हूँ, डाउन लेफ्ट अप एक साथ, तो सबसे पहले मैं राइट जाने की कोशिश करता हूँ, राइट का मतलब कॉलम आगे बढ़ गया, तो मैं एक बारी के लिए चले गया 0,1 पे, समझ लीजिए मैं आ गया इधर, और राइट जाते जाते मैंने अपनी स्ट्रिंग के अंदर राइट भी डाल दिया, तो मेरी स्ट्रिंग जो फॉर्म हो रही है वो कुछ ऐसी हो रही है, एक राइट आ गया, मैं करेंटली आ गया इधर। अब मैं आ गया 0,1 पे, तो पहला काम क्या किया मैंने, 0,1 को ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है भाई, ट्रू मार्क हो गया, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, ट्रू मार्क हो गया। अब मैं वापस से राइट भी जा सकता हूँ, डाउन भी जा सकता हूँ, लेफ्ट भी जा सकता हूँ, अब भी सबसे पहले मैं वापस से राइट में जाऊँगा। ठीक है भाई, तो मैं एक और बार राइट में चले गया, मैं 0,2 पे चले गया। ठीक है, मैं इधर आ गया। अब जब मैं इधर आया तो वापस से मैंने इसको ट्रू मार्क कर दिया, समझना अभी बार बार कॉल लगी जा रही है, अभी बार बार कॉल लगी जा रही है। ठीक है, और एक और राइट भी आ गया साथ में। ठीक है भाई, अब इसके बाद मैं वापस से कॉल लगेगी। ठीक है, ये तो हो गया था, ये चेक मार्क हो गया, अब कॉल लगी राइट में, अब मैं राइट नहीं जा सकता क्योंकि इसके बाद मैं राइट जब जाऊँगा तो मेरा 0,3 हो जाएगा एंड मेरी जो स्टार्टिंग रो है, स्टार्टिंग कॉलम है, इट इज़ ग्रेटर दैन एंडिंग कॉलम हो जाएगा और रिटर्न होके वापस इधर ही आ जाऊँगा, तो इसका काम हो गया। अब मैं इधर आ जाऊँगा कि मैं डाउन जा सकता हूँ, यहाँ से 0,2 से मैं डाउन जा सकता हूँ, यस बिल्कुल जा सकते हैं। तो मैं डाउन गया तो 1,2 हो गया, डाउन गया तो एक बार के लिए 1,2 हो गया, मैं इधर आ गया बेसिकली। और जैसे ही मैं इधर आया फिर मैंने देखा ट्रू मार्क करो, इसको ट्रू मार्क करो, कर दिया ट्रू, डाउन भी साथ साथ चले गया था। सिमिलरली मैं और नीचे भी जा सकता हूँ, यहाँ से मैं राइट नहीं जा पाऊँगा लेकिन डाउन जा पाऊँगा, तो मैं और नीचे आ गया, यहाँ पे भी मेरा क्या कहते हैं डाउन आ गया और यहाँ पे भी ट्रू मार्क हो गया। अब यहाँ से मैं राइट जा सकता हूँ लेकिन नहीं जा पाऊँगा, डाउन जा सकता हूँ नहीं जा पाऊँगा, बट मैं यहाँ से सीधा आंसर ही आ गया है मेरा, क्योंकि जो ये एंडिंग रो एंडिंग कॉलम है, ये स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो मैं सीधा अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करा देता हूँ, तो ये प्रिंट हो जाएगी, दिस विल गेट प्रिंटेड एंड साथ में रिटर्न भी हो जाता है प्रिंट के बाद रिटर्न, यानी कि जहाँ से आए हो वापस जाओ। मैं आया कहाँ से था, मैं इधर से आया था, तो मैं वापस चले गया इधर, मैं आया इधर से तो मैं इधर चले गया एक बार के लिए। ठीक है भाई, लेकिन जब मैं इधर गया तो क्या मैं यहाँ पे वापस से जा सकता हूँ, समझने की कोशिश करना, क्या मैं यहाँ पे वापस से जा सकता हूँ, मतलब जब मैं यहाँ से इधर पहुँचा तो मेरे पास ये नहीं हुआ कि मैंने इसको ट्रू प्रिंट किया, ट्रू बनाया। अब मैं जब इधर वापस गया ना एक बार, तो मैंने चेक किया कि यार ये तो ट्रू पड़ा है, और अगर ट्रू पड़ा होता है तो रिटर्न ये देखिए कोड में आइए, इधर एक कंडीशन हम यहाँ देखते हैं कि अगर पहले से ट्रू पड़ा हो तो रिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन बोली थी मैंने यहाँ पे,
तो जब मैं इधर अब वापस आया रिटर्न होके, क्योंकि यहाँ से तो मैंने इसलिए रिटर्न मारा क्योंकि अब मैं डेस्टिनेशन आ गया था, वापस भेजो, चलो प्रिंट कराओ वापस भेजो, मैं इधर आ गया, तब मैंने देखा कि यार इसका ये तो ट्रू पड़ा है इज विजिटेड, तो सीधा रिटर्न करो, इसमें भी हमने ये लिखा था रिटर्न, तो वापस रिटर्न, ये कहाँ से आया था, ये इधर से आया था, अगर आपको पाथ याद हो तो ये मेरा पाथ था, तो ये इधर से आया था, मैं इधर आ गया रिटर्न, ठीक है भाई ऊपर आ गया, ये भी ट्रू पड़ा है रिटर्न, अरे ये भी ट्रू पड़ा है, लेकिन रिटर्न जब हुआ ये ट्रू पड़ा है तो रिटर्न हुआ लेकिन वो वहां से हुआ होगा कि अब मैं वापस से डाउन जरूर जा सकता हूं, इसलिए जो मेरे दो आंसर थे ये देखिए, दूसरा आंसर मेरा ये था राइट डाउन लेफ्ट और डाउन राइट, ठीक है अब यहां से वापस डाउन जरूर जा सकता हूं, ये वाला कॉल डेफिनेटली लग सकता है, बाकी तो कॉल ही नहीं लग सकते थे, तो इसलिए मैं वापस से यहां नीचे आ गया। तो द पॉइंट इज कि जब मैं इधर ट्रू पे आ गया था वापस से, तो why can't I go left, मतलब मैं एक तो ये तरीका था, अब मैं चाहता हूँ मेरा ये तरीका भी हो, ये ऐसे ऐसे जाऊँ या फिर ये ऐसे ऐसे जाऊँ या फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, जो भी मतलब जा नहीं पाऊँगा लेकिन चले जाऊँ मैं ऐसे, ठीक है तो मैं लेफ़्ट भी जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए ये जो मैंने अपने ट्रू मार्क्स कर दिए थे ना यार, मेरे को इनको हटाना भी होता है, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रू मार्क्स कर दिए थे मेरे को इनको हटाना भी होता है, क्योंकि बार बार उस वजह से रिटर्न होता जा रहा है, बार बार उस वजह से जब मैं जा रहा हूँ तो रिटर्न हो रहा है, एंड जैसे उसमें मैं डाउन नहीं जा पाऊँगा एंड सो ऑन, आप समझने की कोशिश करो, मैं इसके बहुत सारे कॉपीज़ नहीं बना रहा यहाँ पे, कॉपीज़ बना के भी आपको समझा तो सकते ही है, ठीक है समझिए इस बात को कि क्या सीन चल रहा है। तो एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, सब कुछ सही है, इसको कॉपी करो, जब सारी कॉल लग गई ना तो मैं बैक ट्रैकिंग करूँगा एंड मैं वापस से इसको फॉल्स मार्क कर दूँगा, क्योंकि जब सारी कॉलें लग गई इसका मतलब वो वाला सारा काम हो गया, उस पर्टिकुलर कॉल का, इस कॉल का सारा काम हो गया, तो जब काम हो गया वापस उसको फॉल्स बनाओ, क्योंकि मैं वापस भी उस जगह जाना चाहता हूँ किसी दूसरे वे के लिए। अब देखना, अब रन करते हैं, देखो सारे तरीके आ गए, राइट डाउन डाउन, ये सारे तरीके आ गए, एक बार इन सारे तरीकों का स्क्रीन शॉट लेके आपको समझाता हूँ कि दीज आर द परफेक्ट वेज। ये देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं एक बार के लिए, ठीक है भाई, तो आप ये देखिए राइट डाउन डाउन, तो क्या राइट डाउन डाउन से काम हो सकता है, राइट डाउन डाउन, यस सक्सेस। फिर अगला है राइट डाउन लेफ्ट डाउन राइट, सक्सेस। तीसरा तरीका ये देखिए चल रहा है। अब आ जाते हैं इस पे, ये कौन सा तरीका है मेरा, राइट डाउन लेफ्ट फिर डाउन राइट, जो मैं आपसे कह रहा था। चौथे तरीके पे आते हैं राइट डाउन, ये भी सही है, चौथा तरीका भी सही है। फिर पांचवे तरीके पे आते हैं राइट डाउन राइट, ये तो नॉर्मल तरीके थे हमारे जो हम दो वेज में कर चुके थे। अब इस पे आ जाते हैं, तो ये है राइट डाउन लेफ्ट डाउन राइट, ये भी सही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पे, ये तो सिंपल है हमारा डाउन राइट डाउन, ठीक है ये भी है। अब इसको देखो, अप वाला आ गया, डाउन राइट अप, तो डाउन राइट अप राइट डाउन डाउन, ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। फिर अगला वाला भी सही होगा, ये तो नॉर्मल है डाउन राइट, फिर इसको देखो डाउन, फिर है राइट अप राइट डाउन, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट। अब लास्ट तरीके को देखते हैं अपने, लास्ट है डाउन राइट अप राइट डाउन, परफेक्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये सारे वेज बिल्कुल परफेक्टली आ चुके हैं, इसके लिए हमें बैक ट्रैकिंग लगानी ज़रूरी थी, तो हमने कुछ नहीं किया, बेसिकली वही सेम तरीका था, आप एक बार कोड में देखिए, कुछ है ही नहीं, वही रिकर्जन वाला कोड है, दो तरीकों वाला, एक तो हमने कॉल को चार बना दी, एक हमने एक एक्स्ट्रा एरे लिया जो हमेशा एक ट्रू और फॉल्स मार्क कर रहा था, फॉल्स का मतलब हम यहाँ पे नहीं आए, ट्रू का मतलब आ गए। एक बार अगर सारा काम हो गया, जैसे मान लीजिए मेरा ये वाला काम हो गया पूरा, तो इनको वापस से फॉल्स बनाओ यार, जैसे ये सारा काम जब हो गया मेरा डेस्टिनेशन पे आ गया, तो एक बार वापस से फॉल्स भी बनाओ यार, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एवरीथिंग फॉल्स, ताकि मैं दूसरे तरीकों को भी वो करूँ,
एक्सप्लोर कर पाऊँ, क्योंकि अगर ट्रू मेरा परमानेंटली एरे के अंदर बैठ गया तो यार ऐसे तो मैं कभी जा ही नहीं पाऊंगा इन पर, है ना, ऐसे तो मैं कभी जा ही नहीं पाऊंगा ना इन पर, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, जैसे मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा वापस से, ठीक है, सिर्फ इतने में सीमित रह जाऊंगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कुछ नहीं है, दिस इज द थिंग कि पहले ट्रू मार्क करना होता है, कॉल लगानी होती है, दिस इज द बेसिक तरीका, पहले मार्क करो चेक मार्क, ठीक है, फिर कॉल्स लगाओ एंड फाइनली बैक ट्रैकिंग में वापस से उसको अनचेक करो, ठीक है, दिस इज टू चेक, दिस इज अनचेक, राइट, एंड रेस्ट ऑल इज एब्सोल्युटली फाइन। एक ये कंडीशन भी लगानी होती है, पहले से ट्रू है तो भाई वहाँ मत जाओ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी तक हमने एक क्वेश्चन भी खत्म नहीं किया बाय द वे, एंड 30-40 मिनट हो गए हमारे, एंड एक्चुअल जो हमें क्वेश्चन करना था अब उस पर आ जाते हैं। रैट इन द मेज 3, दिस इज द क्वेश्चन 1, अभी तक बस हम क्या कहते हैं, जिसको कहते नहीं कि स्टार्टर खा रहे थे, अभी तो सिर्फ मेन कोर्स बचा है, ठीक है। तो रैट इन अ मेज 3 इज बेसिकली द सेम क्वेश्चन, अ मेज इन एन इज एन एन क्रॉस एन बाइनरी मैट्रिक्स ऑफ ब्लॉक्स, बेसिकली अब कुछ यहाँ पे दे रखा होगा। अब यहाँ पे ना हमें ना पहले से एरे दे रखा है, एक पहले से मुझे एरे दे रखा होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दे रखे थे, टू डायरेक्शन और फोर डायरेक्शन दोनों में, फोर डायरेक्शन में हमने खुद से एक एक्स्ट्रा एरे बनाया था, ये वाला इज वैलिड वाला, ये कोई एरे नहीं था, ये तो बस विजुअलाइजेशन है, जैसे ये देखिए यहाँ कोई एरे नहीं था टू डायरेक्शन में, ये तो मैंने बस बनाया है, एरे की जरूरत तो थी ही नहीं कभी, यहाँ पे जरूरत थी ताकि हम चेक मार्क लगा सके। अब इस क्वेश्चन में हमें एक एरे अपने आप से दे रखा है, जो बेसिकली एरे क्या है बताने के लिए कि भाई यहाँ पे हम जा सकते या नहीं जा सकते, समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक एरे पहले से दे रखा है, इसी में मेरी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सब कुछ बसता है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 मेरी रोज है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ पे मेरे 6 कॉलम्स हैं, 4x6 का मेरा 2D मैट्रिक्स मुझे पहले से दे रखा होगा, एंड ऑफ कोर्स ये मेरा सोर्स होगा, ये मेरा डेस्टिनेशन होगा, फिर से मेरे को यहाँ से लेकर यहीं तक पहुँचना होगा, राइट। क्वेश्चन पे पता है बस क्या दे रखा है, पहले से मुझे मैट्रिक्स इसलिए दे रखी है कि अब देखो एक तरीके राइट डाउन वाले तरीके हम देख चुके हैं, सिर्फ राइट और डाउन वाले, फिर हम राइट डाउन अप और लेफ्ट वाले तरीके भी देख चुके हैं बहुत सारे, अब हमें ना कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी होगी कि भाई ब्लॉकर होंगे कहीं ना कहीं, कि मैं यहाँ नहीं जा सकता, ये बंद है, ये रोड मेरी बंद है, आप ये समझिए, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं यहाँ और यहाँ नहीं जा सकता, ठीक है, या मैं बोलूँ मैं यहाँ और यहाँ भी नहीं जा सकता, चलो फिर तो हो ही नहीं पाएगा कभी, मैं यहाँ और यहाँ नहीं जा सकता और मैं यहाँ भी नहीं जा सकता, तो मेरे पास अब तरीके पता है कितने हैं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, गलत, मैं ऐसे जा सकता हूँ, ये सही, ठीक है, या फिर मैं ऐसे 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 बंद गया, वापस नहीं आ सकता, ख़त्म, या मैं देखो ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक इसको हटा देते हैं, या देखो मैं ऐसे जा सकता हूँ, ये देखिए, ये या कुछ ऐसा करते हैं, ये देखिए पहुँच गया डेस्टिनेशन, ठीक है, ये देखिए मैं ऐसे गया, ठीक है। तो इसमें ना कुछ कुछ आपको दे रखे होंगे, एरे के अंदर पत्थर है कि यहाँ में हम नहीं जा सकते, तो मुझे बताना है कि मैं कौन से चीज़ें वेज अपने कर सकता हूँ, ये भी बड़ा ही सिंपल है यार, हम इन पत्थरों को हमेशा के लिए परमानेंट ट्रू मानेंगे कि यहाँ पे हम कभी ट्रैवल ही नहीं कर सकते, बस सेम कोड है बिल्कुल। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है, वेयर द अपर लेफ्ट ब्लॉक इज नोन एज द सोर्स ब्लॉक, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द डेस्टिनेशन, अच्छा लिखा भी यही है, कमाल है। इफ़ वी कंसिडर द मेज देन द मेज 0,0 इज द सोर्स एंड लास्ट वाला, अच्छा स्क्वायर में दे रखा है, चलो और भी बढ़िया है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आपको स्क्वायर दे रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में एन क्रॉस एन दे रखा है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट कैन बी एन क्रॉस एम ऑल्सो, जैसे यहाँ पे मैंने 4x6 का लिया है, कोई भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बेसिकली लास्ट वाला मेरा डेस्टिनेशन है। आर मेन टास्क इज टू रीच द डेस्टिनेशन फ्रॉम द सोर्स, वी हैव कंसिडर्ड अ रैट एज अ कैरेक्टर दैट कैन मूव, मतलब पर्सन भी हो सकता है, फ्रॉम फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, अच्छा तो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई इट कैन मूव ईदर फॉरवर्ड और डाउनवर्ड्स, हम इसको थोड़ा सा और एडवांस बना देते हैं क्वेश्चन को, और क्या कहते हैं लेफ्टवर्ड्स और अपवर्ड्स, दोनों को ही कर लेंगे, अलग अलग क्वेश्चन लिख लेंगे, हम थोड़ा मसालेदार बना देते हैं इसको, इस क्वेश्चन में लिखा है कि सिर्फ या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, ठीक है,
ये नहीं दे रखा कि ऐसे ऊपर जाके भी काम हो सकते हैं, हो पाएंगे वो भी करके देखेंगे। इन द मेज मैट्रिक्स अ फ्यू डेड ब्लॉक्स, इनको हम कहते हैं डेड ब्लॉक्स। यहाँ पे आप समझ लीजिए पत्थर हो रखा है, यहाँ हम जा ही नहीं सकते, ये ऐसे ब्लॉक्ड है, ठीक है, ये है ब्लॉक्ड, ये पूरे ब्लॉक्ड है, तो हम ऐसे ही जा सकते हैं, ऐसा सीन है, ठीक है। दे विल बी डिनोटेड बाय जीरो एंड एक्टिव ब्लॉक्स विल बी डिनोटेड बाय वन। तो कुछ ऐसा दे रखा है कि जो हमारे एक्टिव ब्लॉक्स है यानी कि जहाँ हम जा सकते हैं वहाँ पहले से वन दे रखा है एंड यहाँ पे हमारा जीरो बना रखा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन दे रखा होगा, क्रॉस क्रॉस तो मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए कर दिया, लेकिन सीन ऐसा है, ऑफकोर्स ये सोर्स है, तो मान लीजिए जहाँ पे भी मेरे ज़ीरो लिखा है तो ज़ीरो पे मैं ट्रैवल ही नहीं कर सकता, ज़ीरो पे मैं यहाँ पे ट्रैवल ही नहीं कर सकता, ठीक है भाई। तो मैं सिर्फ इन पे ट्रैवल कर सकता हूँ जहाँ पे मेरा वन 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 और वन लिखा हो। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे गया जा सकता हूँ, या मैं ऐसे गया नहीं जा सकता, या मैं ऐसे गया ओ हो ऐसे भी जा सकता हूँ, ठीक है, या मैं ये देखिए ऐसे भी जा सकता हूँ, या मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, या मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ वेज जिससे मैं जा सकता हूँ। पहले एक बार हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड जाके देखते हैं, सिर्फ जो हमारा फॉरवर्ड और जो डाउनवर्ड वाली चीज़ है, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड वाली चीज़ है, ये जाके देखते हैं। ये सिंपल है, इनफैक्ट फॉरवर्ड और डाउनवर्ड में तो यार हमारा बैक ट्रैकिंग लगेगा ही नहीं। बैक ट्रैकिंग किसने बना दिया यार ये क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, इनमें ही बैक ट्रैकिंग लगेगी। तो एक बार फॉरवर्ड और डाउनवर्ड जाके देखते हैं, कुछ नहीं दे रखा यहाँ पर, बड़ा सिंपल है, आ जाते हैं सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैट इन अ डेड मेज। डेड मेज से मेरा मतलब है कुछ कुछ चीज़ें डेड होगी, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करेंगे इस कोड को, तो यार कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ख़त्म क्वेश्चन है सीधा, ठीक है। पी एस वी एम मेज पाथ पे आ जाते हैं, मेज पाथ कॉपी पेस्ट होगा प्रिंट पाथ, ठीक है। तो कंट्रोल सी कमांड वी, इसको भी उठा लेते हैं एकदम सेम टू सेम। बस यहाँ पे मैं एक एरे अपने आप से बना के दे दूँगा, आप समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक पहले से एरे भी दे रखा होगा जो कि इंटीजर एरे ही होगा ऑफकोर्स, या बुलियन भी रख सकते थे वैसे आप। तो इंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेज, इस एरे का नाम इज इक्वल टू न्यू इंट, एंड ऑफकोर्स रोज और कॉलम्स जैसा होगा, ठीक है। अब एक बार इसको हम यहीं की यहीं बना लेते हैं इनफैक्ट, ठीक है। न्यू करके नहीं, मैं पूरा का पूरा इस मैट्रिक्स को बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मैट्रिक्स को कुछ ऐसा बनाऊँ, ऐसे नहीं, ठीक है भाई। तो ये एंटर, ये एंटर, ये, ठीक है भाई। तो कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं मैं, ये मेरा 4.6 है ना, तो 4.6 को बना लेते हैं, 4.6 मैंने एलिमेंट डाले 101111, तो 101111 अगले में क्या है 111101111101, ऑफकोर्स यूज़र से इनपुट मत लेना, बहुत टाइम लग जाएगा, ले तो सकते हो आप। फिर क्या है 0 5 बार 1 0, 1 2 3 4 5, एंड लास्ट में एक और है यार, यहाँ पे है 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है। दिस इज़ द योर मेज, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा अच्छे से आपके सामने बना लेता हूँ यार, ये तुम्हारी मेज है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं सीधा, ये मेरा 2D आ रहा है, आई होप अच्छे से समझ भी आ रहा है अब तो, एग्जैक्टली सही प्लेस पे है, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ अपने पाथ्स को प्रिंट करके दिखाऊँ, तो मैं ऑफकोर्स अपना स्टार्टिंग रो एंडिंग रो और सॉरी स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम एंडिंग रो एंडिंग कॉलम, अपना वो स्ट्रिंग जिसमें मैं प्रिंट कराऊंगा, एंड अपना इसको मेज को भी पास कराना होगा ना मेरे को, मेज इस एरे को भी, इस एरे को भी हम पास करा देंगे 2D एरे को, बहुत बेहतरीन। तो इधर आ जाते हैं, लिख लेते हैं इंट, ठीक है, ये मेज, बहुत बढ़िया। अगेन सेम काम, अगर ये इससे ज़्यादा है रिटर्न, अगर ये इसके बराबर है तो भी रिटर्न, कुछ सोचना ही नहीं है। अभी हम सिर्फ फॉरवर्ड और सॉरी राइट और डाउन जिसको हम कहते हैं ना, सिर्फ वहाँ जा रहे हैं।
अब आप देखना यहाँ पे कुछ चीज़ें कंसिडर होगी क्या, कि भाई सिर्फ यहाँ और यहाँ तो रिटर्न हो ही रहा है, ठीक है, कि भाई अगर इसके बराबर हो गया, कुछ और भी होगा कि अगर इस मेज के इस सेल में स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग सेल में जीरो पड़ा है, यानी कि मैं यहाँ नहीं जा सकता, तो भाई रिटर्न, आप आगे नहीं जा सकते सॉरी, ठीक है, बस ये आपका एक्स्ट्रा काम करना था यहाँ पे, और क्या करो, कुछ नहीं करना। देखो मेज पास किया, अब थोड़ा करके दिखाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए इस कोड को रन करते हैं, कुछ है ही नहीं। ये देखो ये मेरे पाथ्स हैं, ये मेरे सारे पाथ है, या तो मैं ऐसे जा सकता हूँ या ऐसे जा सकता हूँ या ऐसे, जबकि अगर मैंने अपने पूरे मेज में वन वन लिखा होता, मतलब मैं हर जगह ट्रैवल कर सकता हूँ। ये देखिए एक बार ऐसा बना देते हैं, वन वन का मतलब है मैं हर जगह ट्रैवल कर सकता हूँ, समझना, पूरे मेज़ में, तो देखना कितने नंबर ऑफ पाथ आ जाएंगे। अंधे, ये देखिए इतने सारे तरीके हैं मेरे जाने के 4.6 के एक मेज़ में, लेकिन मैंने क्या बना दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो रिस्ट्रिक्ट ऐसे किया, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट मैंने ऐसे किया, अब देखना कुछ कम तरीके आएंगे सिर्फ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोई छोटा मेज़ भी लेके देखूं तो भी हम काम कर सकते हैं कि कैसे कैसे मैं ट्रैवल करूं यहाँ पे। मान लीजिए मैंने इतना ही मेज़ लिया होता, 3 साइज का ले लेते हैं यार, 3x3 का, ठीक है, 3x3 का ले लेते हैं, बहुत बेहतर है। अब देखना, अब तरीके देखते हैं, तो सिर्फ दो ही तरीके हैं, डाउन राइट राइट डाउन, डाउन राइट डाउन राइट, मतलब एक तो देखो मैं सिर्फ डाउन राइट राइट डाउन, और क्या है मेरा, डाउन राइट डाउन राइट, और कोई तरीके नहीं है, ये वाले तरीके नहीं है कि भाई मैं राइट जाऊं पहले, नहीं जा सकता, या मैं डबल बार डाउन जाऊं, नहीं जा सकता। जबकि अगर मैंने फ्री स्पेस छोड़ा होता तो आप सब जानते हो 6 तरीके आते हैं, ये देखिए ये 6 तरीके थे वैसे ओरिजिनली, लेकिन अगर मैं कोई ब्लॉकर लगा दूं यहाँ पे, जैसे ये 2 ब्लॉकर लगा दिए मैंने, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये एक सिंपल रिकर्जन का क्वेश्चन है, दिस इज नॉट बैक ट्रैकिंग। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि भाई मैं लेफ्ट और अप भी जा सकता हूँ, मुझे तो भाई तूफ़ानी चीज़ें करनी है, ठीक है, मुझे तो भाई यहाँ पे तूफ़ानी चीज़ें करनी है कि मैं इधर गया, फिर मैं यहाँ से ऐसे ऊपर भी जा पाऊँगा एंड सो ऑन, बाकी काम भी कर पाऊँगा। तो एक बार एक काम करते हैं, ऊपर वाले में भी कुछ बना देते हैं यार, ऐसे तो काम ही नहीं बनेगा ना। ओ हो, ठीक है, दिस इज 3x4, वेरी गुड, रन करते एक बार। देखो इसके इतने तरीके, एक ही तरीका है, अगर मैं सिर्फ राइट या डाउन जा सकता हूँ तो इसका एक ही तरीका है, क्या, मैं राइट तो जा ही नहीं सकता, तो सबसे पहले मैं डाउन जाऊँगा, फिर एक और डाउन जाऊँगा, वो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि राइट बंद और मैं अप तो जा ही नहीं सकता, तो एक ही तरीका है, ये दैट्स इट, डाउन राइट 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 डाउन, ये देखो। लेकिन अगर इस सेम मेज में अगर मैं अप या फिर लेफ्ट जा सकता तो बहुत सारे मेथड्स और आ जाते, करके दिखाता हूँ आपको। इधर आ जाते हैं, लिखते हैं रैट इन डेड मेज फोर डायरेक्शन डॉट जावा, ऑलमोस्ट सेम कोड होगा लेकिन इसमें बैक ट्रैकिंग लग जाएगी हमारी। रैट इन डेड मेज को कॉपी पेस्ट करते हैं ना यार, क्यों मेहनत करनी है, लो भाई ये लो कॉपी, ठीक है, मेहनत ही नहीं करनी, पेस्ट खत्म। ये देखो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट। अब मेरे को क्या करना है, वही सेम रोज, वही सेम कॉलम, सब कुछ सेम है, लेकिन कभी भी मैं बैक ट्रैकिंग कर रहा हूँ या फोर डायरेक्शंस कर रहा हूँ, आई नीड अ एक्स्ट्रा एरे, आई जस्ट नीड दैट एक्स्ट्रा एरे, बट डू आई नीड दैट एरे, क्योंकि मेरे को एक अपना खुद का एरे भी तो मिला हुआ है यहाँ पे 1011 वाला, समझना इस बात को। मैं एक एक्स्ट्रा एरे लेके तो देखो काम कर सकता हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा इज विजिटेड नाम का इतने साइज का एक एरे यहाँ पे बना सकता हूँ। ये देखिए फोर डायरेक्शन मेज पाथ में जैसे ये एरे था, ये कर सकते हैं इसका काम, कोई बड़ी बात नहीं, ये लिखिए बन गया, ठीक है, इतने ही रोज और कॉलम्स का एक एक्स्ट्रा एरे बन गया जिसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू मेरी फॉल्स रहती है, ठीक है, जिसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू मेरी फॉल्स रहती है। एंड मैं हमेशा एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे इस विजिटेड को भी पास करा दूँ, ठीक है, एंड इधर भी मैं एक इस विजिटेड को पास करा दूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बूलियन एंड यहाँ पे लिख देते हैं इज विजिटेड, ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ, यहाँ पे पास करा दूंगा एंड बाकी सारे काम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या,
बस कुछ कंडीशंस हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। कौन सी कंडीशंस कॉपी पेस्ट होगी चलिए देखते हैं फटाफट। सेम वही है, स्टार्टिंग रो एंडिंग रो है, रिटर्न करो, बराबर है तो ठीक है पाथ आ गया, ये भी आ गया कहते हैं तो भी रिटर्न करो, ठीक है ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए हमारी। साथ ही साथ हम एक और चीज़ यहाँ पे करेंगे क्या भाई, कि भाई अगर इज विजिटेड का वो जो चीज़ है वो पहले से ट्रू पड़ी है तो भी रिटर्न करो भाई, हम और आगे नहीं जा सकते। अगर ये नहीं हुआ तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको चेक लगाना है कि भाई आप यहाँ आ चुके हो, तो इज विजिटेड का इसको अपने आप ट्रू बनाओ, वही सेम काम है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो चेक लगाओ ट्रू, एंड लास्ट में अपनी बैक ट्रैकिंग भी लगाओ, ठीक है लास्ट में अपनी बैक ट्रैकिंग, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बैक ट्रैकिंग भी लगाओ, इसको वापस से फॉल्स बना दो, फॉल्स, वेरी गुड। अब फोर डायरेक्शन वाले से इसको कॉपी करते हैं, ये हमारे पाथ्स है, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे वेज विजिटेड तो डाल ही रहा था, बट मेरे को अपना ये मेज भी पास कराना है, ठीक है, जो मुझे बताते रहेगा कि कोई पत्थर तो नहीं रखा, कुछ नहीं है, कुछ खास है ही नहीं भाई, ठीक है। तो देखो एक तरीका तो ये था कि भाई लिटरली हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक मेज पास करा है, ठीक है। चाहे तो रन करके दिखाता हूँ आपको, ये मेरा एरे है, तो हम देखेंगे कितने कितने तरीकों से रन कर सकते हैं, वापस रन करते हैं यार। ओहो मैंने ये लगा दिया क्या, अब रन करते हैं, कुछ इशू आ रहा है, क्लास इंटरफेस इनम एक्सपेक्टेड, लेट अस सी, रैट डेड मेज फोर डायरेक्शन, ऐसी क्या परेशानी आ रही है यार, 3x4 ही है, पास भी मैं सब कुछ सही करा रहा हूँ, पब्लिक बना के देखते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 37th लाइन पे, ओके ओके ओके, ये एक्स्ट्रा आ गया क्या एक, अब सही है, हाँ ठीक है, तो एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया था, आई एम सो सॉरी, मैं भी सोचूं पब्लिक प्राइवेट से कहाँ फ़र्क आएगा यार ये तो, रन करते हैं। तो आप देख सकते हो मेथड आ गया, और एक्चुअली मैंने इसको रन नहीं किया, शायद इसको रन करना है हमें, हाँ तो मैंने रन किया और एरर आ रहा है डेफिनेटली, एक एरर किस बात का आ रहा है, एक तो आ गया डाउन राइट 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 डाउन, तो देखो डाउन राइट 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 डाउन, और क्या एरर आ रहा है, इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड, ओके तो ये लगाना हम भूल गए यार, आ जाते हैं ये वाली कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, कि भाई अगर ऐसा भी हो रहा है तो भाई देख लो, रन करते हैं, फोर वाले में था ना यार, भूल गया था मैं। तो देखो ये तरीका तो एक आ गया था, तो गाइस यार यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे थे एंड ये कंडीशन के बाद सब कुछ सही हो गया। अब देखिए एक तो मेथड हमारा पहले से आ रहा था, अब देखना अप से क्या हो गया, डाउन राइट राइट अप राइट डाउन डाउन, तो ये देखो डाउन राइट राइट फिर अप राइट डाउन डाउन, बिल्कुल सही, यहाँ देखिए डाउन डाउन राइट अप, तो देखो डाउन डाउन पूरा नीचे जा सकते हैं, फिर राइट अब हम ऊपर भी जा सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके जा सकते हैं, या फिर ऐसे ऐसे करके जा सकते हैं, देखो चार तरीके, राइट। तो दिस वॉज द क्वेश्चन एक्चुअली में, ये बैक ट्रैकिंग का भी क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक मेज भी दे रखा है जो कि जिसके अंदर हमारे पहले से अड़चने हैं, यानी कि जीरोज है, पत्थर है, ब्लॉकर्स है। अब इसको हम हल्का सा ऑप्टिमाइज कर देते हैं यार, क्यों, अगर मैं बात करूं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है, इन क्वेश्चंस की जिसमें मैं बैक ट्रैकिंग लगा रहा हूं, जैसे अभी जो हमने किया था फोर डायरेक्शन मेज पाथ में, तो इसमें तो यार चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ये इज विजिटेड बनाना पड़ रहा था, तो जो भी हमें रोज और कॉलम्स दे रखी है मान लीजिए एन क्रॉस एन, तो जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ एन इंटू एन, वेरी बैड, ठीक है, हमारी ऑलमोस्ट जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ एन क्रॉस एन या एन इंटू एन, जो भी हमें स्पेस दे रखा है, दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं रैट, जहां पे हमें गिवन एक एरे है, तो क्या हम इस गिवन मेज में ही कुछ चेक मार्क्स नहीं लगा सकते, क्या हम इस गिवन मेज के अंदर ही
चेक मार्क्स नहीं लगा सकते कि पहले से अगर वन था तो हम पता है क्या कर सकते हैं, जीरो को तो रहने दो, जीरो का मतलब हम यही समझेंगे कि ब्लॉकर है, वन का मतलब हम उस पाथ में जा सकते हैं। अब जो ये मैं इस विजिटेड वाली मैट्रिक्स ली थी ना मैंने, ये इसकी जगह यहाँ पे मैं ट्रू और फॉल्स मार्क करता था ना, अब मैं क्या मार्क करूँगा कि अगर मैं विजिट कर चुका हूँ किसी वन पे, उसको मैं माइनस वन बना दूंगा। देखना मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है। हम इसका एक ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखेंगे, वापस से आ जाते हैं बैक ट्रैकिंग एंड फाइनली लिख देते हैं रैट मेज ऑप्टिमाइज्ड डॉट जावा। चारों डायरेक्शंस का कोड है ये विद ब्लॉकर्स, ठीक है। कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार सारा ये जो हमारा कोड है, और इसमें मैं दिखाता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो कि हम अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। देखिए, ठीक है भाई, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ उसकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, लो भाई ख़त्म करो, मैं इस विजिटेड को लूँगा ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए ही नहीं है। इस प्रिंट फंक्शन में भी मैं इस विजिटेड को हटा दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, हटाओ भाई। मैं अपने मेज़, जो गिवन मेज़ है, जो मेरा यहाँ पे गिवन मेज़ है, इसी की हेल्प से यहीं पे मैं चेक मार्क्स लगाऊंगा, सिर्फ उन जगह जहाँ पे मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, जहाँ जीरो है वहाँ तो ट्रैवल ही नहीं करूँगा। तो देखना कंडीशंस वही है, अगर ये है तो रिटर्न, ये है तो रिटर्न, ये है तो प्रिंट करा के रिटर्न, ये है तो भी रिटर्न, कि अगर ये पहले से मेरा जीरो है यानी कि ब्लॉक्ड है, इसका तो सिंपल मतलब है कि ये ब्लॉक्ड है। अब जो इसका मतलब होता था ना रिटर्न, कि मतलब मेरा इज विजिटेड ट्रू है, इसका एक्चुअली में मीनिंग होता था कि दिस इज विजिटेड, दिस वॉज ऑलरेडी विजिटेड, सो डू नॉट विजिट इट अगेन, या तो पूरा का पूरा जो हमारा कोई नया पाथ बन रहा है उसके लिए विजिट करेंगे हम ये बैक ट्रैकिंग करके, ठीक है। अब यहाँ पे इस विजिटेड की जगह हम पता है क्या करेंगे, एक बात देखिए, मैं हमेशा जब इसको ट्रू मार्क करता था ना कि हाँ मैं विजिट कर चुका हूँ, तो मेरे ट्रू की जगह मैं अपने ओरिजिनल मेज में, जो कि ये कंडीशन अगर नहीं आएगी तो ही मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं ओरिजिनल मेज में जहाँ पे वन पड़ा होगा, जब वन पड़ा होगा तभी तो ये कंडीशन चलेगी, जीरो वाला तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ वन पड़ा और मैं आ रहा हूँ, तो मैं एक बारी के लिए यहाँ पे माइनस वन लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा कि भाई अगर माइनस वन है, ट्रू मेरा माइनस वन है, यहाँ समझना, ट्रू का मतलब विजिटेड यानी कि माइनस वन, फॉल्स का मतलब नॉट विजिटेड यानी कि वन, ठीक है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा, समझ रहे हो। यहाँ मैंने माइनस वन लगा दिया एंड लास्ट में भी मैं मेज के अंदर वापस से वन लगा दूंगा, समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तो मेरे को एक एक्स्ट्रा एरे की जरूरत ही नहीं पड़ी, लो भाई कोड अभी भी चलेगा, इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसी को रन करूँगा, देखो सेम, ये देखिए राइट विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा एरे। तो यहाँ पे जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई, ऑक्सिलरी स्पेस, जो एक्स्ट्रा स्पेस हम खर्च कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है वो, एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं है, जो बस ये गिवन मेज थी, मुझे गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, उसी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी में मैं चेक लगा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे भी बैक ट्रैकिंग कर सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक इज विजिटेड का एरे बनाओ, थोड़ा थोड़ा आपको ज़्यादा देर में समझ आएगा, लेकिन आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। अब जाके हम अपना पहला क्वेश्चन कर चुके हैं इसकी बहुत सारी वेरिएशन हमने कर ली है, राइट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एक लीड कोड का क्वेश्चन है, विच इज परम्यूटेशंस, लीड कोड 46, वेरी फेमस। ये भी अगेन हम बैक ट्रैकिंग से करेंगे, और इसका भी मैं आपको रिकर्जन वाला भी एक मेथड बताऊंगा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिकर्जन में, फिर आके हम बैक ट्रैकिंग देखेंगे कि क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, तो एक बार लीड कोड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, वहीं पे इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अगेन इसमें भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि क्या करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, रिकर्जन फिर बैक ट्रैकिंग, ठीक है। तो एक एक करके आते हैं इस पर सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार, वेयर इज लीड कोड, हेयर इज लीड कोड, लेट्स गो टू लीड कोड। यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉब्लम सेक्शन में, प्रॉब्लम्स, फिर यहाँ पे लिख दो नंबर 46, परम्यूटेशंस, तो दिस इज परम्यूटेशंस, ठीक है भाई। और मैंने इसका कोड क्यों लिख रखा है यार, हटाओ ना इसको हाँ तो यहाँ देखिए यार, मेरे को एक एरे दे रखा है, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, पर मेरे को एक एरे दे रखा है ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, रिटर्न ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशंस, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, इनफैक्ट लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में ही हम रिटर्न कर देंगे इसको, वो मैं समझाऊंगा क्या होता है। जैसे मुझे नम्स दे रखा है 1, 2, 3, तो इसकी परम्यूटेशंस क्या होगी, परम्यूटेशंस का मतलब डिफरेंट सेंस ऑफ अरेंजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स। जैसे अगर मेरे पास तीन नंबर्स है और सारे यूनिक नंबर्स दे रखे हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग नंबर है, सेम नहीं है इसमें, ठीक है। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है उसकी अलग अलग अरेंजमेंट्स।
तीन नंबर है तो आंसर होगा 3 factorial, मतलब इतनी नंबर ऑफ मेरी अरेंजमेंट्स होने वाली है। आई थिंक अगर आपने 11th 12th में थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ रखी है तो अगर मैं कहता हूँ कि यार 1 2 3 इसके अलग अलग अरेंजमेंट्स बताओ तो क्या आप बता सकते हो? यस 1 2 3, फिर आप बोल सकते हो 1 3 2, राइट, 3 और 2 को स्वैप कर दिया, फिर 2 को आगे ले आओ 2 1 3, फिर 2 3 1, फिर लास्टली 3 1 2 3 2 1। क्या इसके अलावा क्या आपको और कोई अरेंजमेंट सोच सकते हो? नहीं, 6 ही है आंसर। इन जनरल अगर मेरे पास नंबर्स होते हैं n, अगर मेरे पास यार नंबर्स होते हैं यहाँ पे n नंबर्स, तो n साइज के लिए n फैक्टोरियल इज द नंबर ऑफ परमुटेशंस। आई डोंट थिंक मुझे फैक्टोरियल बताने की ज़रूरत है, ये सब हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए तो ये एक परमुटेशन है, ये एक परमुटेशन, यही एग्जैक्टली सारी मैंने लिखी थी। अब इनको मुझे क्या करना है, 1 2 3 का एज एरे, एज वेक्टर या एरे, यहाँ पे मतलब एरे लिस्ट, यहाँ पे जैसे 1 3 2 है, एक एरे स्लैश एरे लिस्ट है, इन सब एरेस को मेरे को एक एरे के अंदर डालना है। टेक्निकली 2D array भी कह सकते हो आप, इन सबको मेरे को एक एरे लिस्ट के अंदर डालना है सारे एरेस को, और वो रिटर्न करना है। ये देखिए रिटर्न टाइप इज 2D array, 2D list, लिस्ट ऑफ इंटीजर का मतलब होता है एक ऐसी एरे लिस्ट जिसके अंदर एरे लिस्ट हो, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट या फिर एरे लिस्ट ऑफ एरे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक वो दे रखा है इंटीजर एरे दे रखा है नम्स। तो कैसे करेंगे यार इस चीज़ को? सबसे पहले तो अगर आपको थोड़ी सी चीज़ें याद है तो इधर आ जाते हैं। अगर मान लीजिए मुझे एक स्ट्रिंग दे रखी होती, स्ट्रिंग होती ABC, तो इसकी परमुटेशंस कितनी हो सकती है मिक्स एंड मैच? ये हम रिकर्जन में पढ़ चुके हैं, एक तो ABC, फिर होती है ACB, फिर होती है BAC, फिर CAB, CBA। आई थिंक यही सारी मेरी परमुटेशंस है। यहाँ पे सबसेट की प्रॉब्लम नहीं आ रही, परमुटेशंस। ठीक है, ये अरेंजमेंट्स है मेरे अलग अलग। स्ट्रिंग में पता है हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे? बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता था, अगर आपको याद है, तो नहीं है तो याद दिला देंगे, इसको पहले इंटेलिजी आइडिया में करके भी देख लेंगे। तो मैं हमेशा यार 2 strings को लेके चलता हूँ। ठीक है, 2 strings, एक होती है हमारी वही स्ट्रिंग एस जो कि मेरे को दे रखी होगी ABC, दूसरी मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लूँगा यार, यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यार, मैं इस पर ना रिकर्जन चलाऊँगा, और रिकर्जन कैसे चलाऊँगा सोचने की बात है। ठीक है, मैं हमेशा ना यार 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश करूँगा सारी चीज़ों को। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मेरे पास क्या है यार, ABC है, तो ABC ऐसे मतलब A को BC को रखने की कोशिश करूँगा, फिर मैं B और AC को रखने की कोशिश करूँगा, और C और मतलब AB और C को रखने की कोशिश करूँगा। समझाता हूँ आपको, मुझे तोड़नी ऐसे है, ऑफकोर्स अगर मेरे पास स्ट्रिंग दे रखी हो तो मैं सब स्ट्रिंग की मदद से उसका विभाजन मेरे को तोड़ सकता हूँ उसको। ठीक है, तो मैं ऐसा करूँगा यार, पहली कॉल मेरी ऐसी लगेगी कि मैं फर्स्ट कैरेक्टर को अलग से लूँगा एज अ सब स्ट्रिंग, एंड बाद वाले कैरेक्टर्स को, बाद वाली सब स्ट्रिंग को एक अलग स्ट्रिंग की तरह समझूंगा। एंड यहाँ पर मुझे करना क्या होगा, बड़े ही ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ मेरे पास यहाँ पे क्या है, BC है, तो मैं इसको कुछ ऐसे रखने की कोशिश करूँगा कि ए को मैंने इधर रख दिया, ठीक है, या ए को ऐसे रख दिया और BC को अलग रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करना, हम करेंगे क्या मैंने ये BC स्ट्रिंग इसके अंदर डाली है, या फिर मैं ए और BC को अलग रख लूँ, ए और BC, एंड फिर उसमें ये वाली स्ट्रिंग मैं यहाँ पे डालूँ। तो यार कभी भी मेरे को एक स्ट्रिंग ABC की परमुटेशन निकालनी होती थी तो इसका टेक्निक हम पता है क्या करते थे, मैं मान लेता था एक तो ये स्ट्रिंग है जो कि कंप्लीट है एक तरीके से, और एक यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लेना स्टार्ट करूँगा। यूजुअली ये एम्प्टी स्ट्रिंग क्या रखेगी वो हम अभी देखेंगे। मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग में 3 कैरेक्टर है तो एक एक कैरेक्टर को एक एक करके निकालूंगा और बचे हुए पार्ट को मैं छोड़ूंगा। मतलब पहले मैंने ए उठाया बीसी में से, पूरे ABC में से, तो इसके 2 विभाजन किए ए और BC। तो मैंने क्या किया, जो बची हुई स्ट्रिंग है मैं 3 एक तो कॉल लगाऊंगा, एक कॉल में लगाऊंगा यहाँ से ए को निकालूंगा, बी को निकालूंगा और सी को निकालूंगा। अगर मैंने ABC में से A को हटा दिया तो बचा कितना, BC, बचा कितना यहाँ पे BC, और फिर मैं क्या करूँगा, साथ ही साथ जो मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग है उसके अंदर A को भर दूंगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्टी स्ट्रिंग को मैं भरते जाऊँगा A में, जो भी कैरेक्टर मैं निकाल रहा हूँ उसको मैं अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग के पीछे या जो भी यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिंग है उसके पीछे अपेंड करूँगा। तो मैं यहाँ पे 2 strings रखने वाला हूँ, यूजुअली इसको अनप्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड मेथड कहते हैं। एक में हमने स्ट्रिंग डाल दी, एक बारी के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग, जो भी कैरेक्टर निकाला वो इसके पीछे लगा दिया, आगे नहीं पीछे, अभी के लिए तो सेम बात है,
सिमिलरली मैंने ए बी सी में से बी को निकाला तो बचा ए सी, उसी ऑर्डर में होना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बचा ए सी और इसके पीछे मैंने लगा दिया बी को, ये मेरी दूसरी कॉल लग रही है, समझना इस बात को। तीसरी जो मैं कॉल लगाऊंगा रिकर्जन की, उसमें से सी को निकाला, यहाँ से बचा ए बी एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया सी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना, सेम मेथड। इसको मैं अभी भी क्या मानूंगा, अपनी बड़ी स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे भी इसको मैंने अपनी बड़ी स्ट्रिंग मानी थी, इसको एक सेकेंड स्ट्रिंग मानी थी, ठीक है। इसको मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग मानूंगा, इसको भी अभी तक के लिए ओरिजिनल। अब मुझे अगेन इसमें क्या करना है, बड़ी स्ट्रिंग को उठाओ, इसमें से जितने भी इसके करेक्टर है, जितने भी इसके करेक्टर, उतनी बार मेरी कॉल लगने वाली है, समझना बहुत ध्यान से। यहाँ पे तीन करेक्टर्स थे तो तीन कॉल लग गई। अब यहाँ पे दो करेक्टर है इसमें तो दो कॉल लगेगी, और वो दो कॉल कैसी लगेगी देखना। एक कॉल में इसका ये वाला करेक्टर बाहर निकलेगा, बी बाहर निकला तो बचा कितना, सी, ठीक है। और दूसरी कॉल में सी बाहर निकलेगा तो बचा कितना, बी। अब ध्यान देना एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लैश 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 का मतलब ये तो हमारी ये वाली स्ट्रिंग है और ये दूसरी है। अब मैंने क्या बोला था, जिस करेक्टर को मैंने, जैसे यहाँ बी सी में से मैं बी को निकाल रहा हूँ, तो बी को निकाल के यहाँ पे लगाऊंगा पीछे, तो ये जो ए था ये बन जाएगा ए बी। अगर मैंने बी निकाला है ये बन गया ए बी, बड़े ध्यान से समझना। और अगर इसमें से मैंने सी को निकाल दिया, सी को इसके पीछे लगा दो, तो बच गया ए सी। आप बोलोगे बार बार सेम ही तो काम कर रहा हूँ, नहीं। सिमिलरली अगर मैं इसमें से निकालूं, तो इसमें से एक तो ए को निकाल सकता हूँ मैं, एक इसमें से मैं निकाल सकता हूँ सी को। अगर ए को निकाल देता हूँ तो बचता है सिर्फ सी, स्लैश बी के पीछे लगा दो ए। सिमिलरली यहाँ से मैं सी को निकालता हूँ, बचता है ए, और बी के पीछे लगा दो जो चीज़ निकाली है सी। बहुत बढ़िया। यहाँ पे सिमिलरली या तो मैं ए को निकाल सकता हूँ या मैं बी को, अगर ए को निकालूंगा बचेगा बी, बी को निकालूंगा रहेगा ए, सी के पीछे पहले ए को लगा दो तो सी ए, यहाँ पे सी था, सी के पीछे बी को लगा दो सी बी। वेरी वेरी सिंपल। अब देखना, अब मैं बस यहाँ पे एक ही करेक्टर बचा है तो इसी को मैं एक ही बार कॉल लगेगी मेरी, यार एक ही कॉल लगेगी, और उसमें क्या होगा, ये सी जो था ये हट जाएगा स्ट्रिंग में से, तो ये बचेगी एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और पीछे ही लगेगी हमेशा, ये सी को निकाला है ना तो सी पीछे ही रहेगा, ए बी सी। बहुत बढ़िया। इसको देखो अगेन, बी को हटाया, बची एक एम्प्टी स्ट्रिंग, बी लग गया पीछे, ए सी बी। अब सारे परम्यूटेशंस मिल जाएंगे मेरे को यहाँ के, राइट। इसको देखो, यहाँ में से अब मैंने सी को निकाल दिया तो बचा बी ए, लास्ट में लग गया सी। यहाँ इस ए को हटा दिया तो एक तो एम्प्टी स्ट्रिंग थी, ठीक है, एक तो एम्प्टी स्ट्रिंग थी, और ए लग गया पीछे, बी सी ए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने बी को निकाल दिया तो यहाँ बची एम्प्टी स्ट्रिंग एंड सी ए बी, यहाँ से मैंने ए को निकाल दिया, बची एम्प्टी स्ट्रिंग एंड सी बी ए। सो दीज आर द परम्यूटेशंस, दीज आर द परम्यूटेशंस, ए बी सी, आई होप आप समझ रहे होंगे, ए सी बी, बी ए सी, एंड यही थी। एंड लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में भी है। लेक्सोग्राफिकल का मतलब, अगर जैसे इस ऑर्डर में मैं चल रहा हूँ तो उसी ऑर्डर में सॉर्टेड है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। एंड ये रिकर्जन के साथ सारा काम हो सकता है। एंड मैं फिर लास्ट में जितनी भी ये सारी स्ट्रिंग्स मेरी बची जब निकल रही है, या तो कहीं स्टोर करा सकता हूँ किसी जगह डेटा स्ट्रक्चर में, या फिर प्रिंट करा सकते हैं। दोनों चीज़ों को एक बार कोड करके देखते हैं और उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। फिर बाद में देखेंगे कि यार बैक ट्रैकिंग की जरूरत पड़ क्यों रही है। अब आप बोलोगे यार ये तो एक स्ट्रिंग है, कोई बात नहीं यार, टेक्निकली स्पीकिंग एरे के साथ भी ये काम हो सकता है। बहुत ज़्यादा गंदी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, क्यों, क्योंकि जैसे ए बी सी अगर है, इनफैक्ट अगर एरे भी होता या करेक्टर एरे भी होता, मैं अगर एक को निकाल रहा हूँ, एक बचा हुआ बी सी बचा, तो वो एक अलग स्ट्रिंग बनेगी, नहीं, ठीक है। तो दैट इज ऑफकोर्स अ प्रॉब्लम, बट लेट्स फर्स्ट लुक एट द कोड। एक कोड लिखते हैं यार, यहाँ पे आ जाते हैं, इसका नाम रख देते हैं प्रिंट परम्यूटेशंस। पहले ये करेंगे फिर हम जाएंगे अपने लीड कोड वाले पे, ठीक है, आराम आराम से करेंगे एक एक चीज़ को। तो आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं पी एस वी एम, ठीक है। एक हम यहाँ पे हमेशा स्ट्रिंग दे देंगे यार, स्ट्रिंग एस टी आर, एंड जैसे अभी के लिए मैंने दे दी ए बी सी। मुझे इसकी परम्यूटेशंस को पहले सिर्फ प्रिंट कराना है, तो मैं एक फंक्शन रन कर लेता हूँ जिसका हम नाम रख देते हैं प्रिंट पी, ठीक है, प्रिंट पी। इसके अंदर मैं अपनी एक तो दो चीज़ें पास करूँगा, सिर्फ दो चीज़ें पास करनी है, क्या, स्ट्रिंग और एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी एक तो एस टी आर एंड दूसरी जगह मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग देता हूँ, जो कि मेरा दूसरा काम करेगा, जो अभी के लिए अनप्रोसेस्ड है, ये प्रोसेस होगी, ये पहले से पड़ी हुई है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे आ जाते हैं, लिख देते हैं यार पब्लिक स्टैटिक, एंड यहाँ पे आ जाते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं वॉइड प्रिंट पी, जिसके अंदर एक तो यार स्ट्रिंग एस टी आर लिख लो, एक ही बात है, एंड यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग लिख दो स्ट्रिंग
टी या कोई भी नाम दे दो, ठीक है भाई। अब मैं क्या कह रहा था, कोड यहाँ पे चलने कैसे वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एसटीआर मेरी एबीसी है तो जो अभी के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग होती है, जो यहाँ पे स्ट्रिंग होती है जितना उसका साइज है उतनी बार कॉल लगने वाला है। तो मैं एक लूप लगा लेता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एसटीआर डॉट लेंथ, ठीक है, एन आई प्लस प्लस, फिर इसका एक कैरेक्टर निकाल लेते हैं एक बारी के लिए। बट उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, मैं सीधा लिख सकता हूँ कैर सी एच इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैर एट आई, ठीक है। तो ये उस चीज़ का कैरेक्टर निकलेगा, जैसे ए बी सी पे लूप लग रहा है तो पहले ए कैरेक्टर आया। तो मैं क्या कह रहा था, मैं उतनी बार कॉल लगाऊंगा जितना मेरा इसका लेंथ है। जैसे एक कॉल लगेगी जिसमें ए निकल जाएगा, एक कॉल लगेगी जिसमें बी निकल जाएगा, एक कॉल लगेगी जिसमें सी निकल जाएगा। तो टेक्निकली होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर बी निकल रहा था तो बी के लेफ्ट में जो चीज़ है वो एक सब स्ट्रिंग मान लो, उसको एक स्ट्रिंग, बी के जो राइट में चीज़ है उसको एक स्ट्रिंग मान लो, ठीक है। उसका फॉर्मूला कैसे लगेगा, ऐसे मैं ये बोलूँगा कि एक स्ट्रिंग को मैं कहता हूँ, एक यहाँ पे स्ट्रिंग बना दूंगा स्ट्रिंग लेफ्ट, ठीक है, और फिर एक यहाँ पे स्ट्रिंग बना दूंगा मैं, मान लीजिए इसका कुछ होगी वैल्यू, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बनाऊँगा, यार आँख क्यों नहीं रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाऊँगा स्ट्रिंग राइट। अब इसके अंदर मैं डालने क्या वाला हूँ, एक बारी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा सेकंड कैरेक्टर है, मतलब फर्स्ट है, 0 1 2। तो मान लेते हैं, अगर मान लीजिए ये होता बी, तो मैं चाहता हूँ जो मेरी लेफ्ट की चीज़ है वो बी से पहले वाली चीज़ यानी कि ए, ठीक है। इवन अगर मैं बोलूँ ए बी सी डी और मैं सी पे हूँ, तो सी से पहले की चीज़ है ए बी और उसके बाद की चीज़ डी ई, इसको हम सबस्ट्रिंग मेथड से यहाँ पे ला सकते हैं डेफिनेटली। तो एक बारी के लिए और डी ई को हटा देते हैं। अगर मुझे सिर्फ बी के लेफ्ट में जाना है तो हमेशा जो भी चीज़ लेफ्ट होगी वो जीरो से शुरू होगी, तो इसके लिए मैं लिख दूंगा एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे देखो लिखा भी है बिगिन इंडेक्स एंड इंडेक्स, सब जानते हैं, तो जीरो से शुरू होगी बिल्कुल, तो लिख देते हैं जीरो, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला मेरा नंबर होता है ना यार, मेरे को एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है उसके आगे, आपको याद होगा एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो जैसे मुझे लास्ट चीज़ क्या चाहिए, अपने जस्ट कैरेक्टर का जो इंडेक्स है, जो आई इंडेक्स है ना, उसी को डाल देंगे हम आई, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तक का कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल। सिमिलरली राइट की सबस्ट्रिंग कितनी होगी मेरी, एस टी आर डॉट सबस्ट्रिंग, अब आई के आगे जो भी चीज़ें हैं तो मैं आई प्लस वन लिख दूंगा ना यहाँ पे सिर्फ, और उसके आगे का सारा ये फेच कर लेगा। अब मेरे पास जो लेफ्ट निकला है राइट निकला है, मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। जैसे मान लीजिए ये बी है, ये लेफ्ट मेरा निकल गया एक बारी के लिए ए, ये राइट मेरा निकल गया यार यहाँ पे एक बारी के लिए आप ये समझ लीजिए सी। तो मैं ए सी को मेरे को जोड़ना था और बी को अलग रखना था, फॉर एग्जांपल। तो मैं सिंपल लिखूँगा कि भाई स्ट्रिंग, इसका हम नाम रख देते हैं रिमेनिंग, ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, ऐसे करके ऑफकोर्स मेरा काम हो सकता है, स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर काम करता है। और एक मेरा यहाँ पे क्या है, ये कैरेक्टर है बी। तो मैं क्या बोलता था कि मैं एक तो अपनी ये जो यहाँ मैं क्या पास करूँगा, बड़े ध्यान से समझना, मैं एक लूप ये लगाऊंगा प्रिंट पी, अपने एस टी आर की जगह ये जो रिमेनिंग आती थी इसको लिखूंगा मैं, और अपने टी के जो भी टी आती है उस पर अपेंड कर दूंगा ये पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो मैं लिखूंगा टी प्लस सी एच, ठीक है, हमेशा ये काम करना है। अब ये हर बार मेरा जब भी लूप चलेगा तो मेरी ये वाला क्या कहते हैं चीज़ चलने वाली है, ठीक है, एंड सारा मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन बेस केस बनाना पड़ेगा। बेस केस क्या होगा कि भाई अगर मेरा जो ये है बेसिकली, ये जब एम्प्टी हो जाता है तभी तो मैं प्रिंट कराता हूँ। तो ये देखिए, अगर इफ एस टी आर इज एम्प्टी, अभी अभी तो देखा था हमने, तो मैं दो काम करा सकता हूँ। सबसे पहले तो यार प्रिंट करा दो अपनी टी स्ट्रिंग को एंड रिटर्न कर दो। कोड चला के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल कोड है यार, सारी परम्यूटेशन आ जाएगी। तो आई क्यों नहीं, टी ही लिया था ना यार मैंने, टी प्लस कैरेक्टर है तो सही बिल्कुल। वापस रन करते हैं, ओके, सो देयर इज़ अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम आई बिलीव। स्ट्रिंग भी सही दी है मैंने, प्रिंट पी सही बिल्कुल लगाया है, लग गया ये कॉल, जैसे ही आ जाता है तो प्रिंट टी हो जाती है, फिर हमारा रिटर्न हो जाता है फंक्शन, ठीक है भाई, यहाँ पे तो रिटर्न लिखने का फ़ायदा ही नहीं है, वो वैसे भी ब्लैक हो जाएगा। हाँ
नो नीड। चलो एक बार ये देख लेते हैं यार कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक काम करता हूँ यार, इन तीन चीज़ों को एक बार कॉपी करता हूँ, ठीक है, और आई की जगह लिख देता हूँ वन। फिर एक बार अपने रिमेनिंग स्ट्रिंग को प्रिंट करके देखते हैं, क्या पता प्रॉब्लम आ रही हो। एसी बिल्कुल सही आ रहा है यार, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। और एक बार के लिए अगर मैं ज़ीरो मान के देखूं कि ए मेरा यहाँ पे ज़ीरो है, तो लेफ़्ट जाएगा ज़ीरो से लेकर ज़ीरो तक और राइट जाएगा ज़ीरो प्लस वन से आगे। बी सी आना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है यार। यहाँ जाते गाइस, तो हमने इनिशियली क्या दिया, यहाँ पे ए बी सी दिया एंड यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग दी, ठीक है। तो क्या स्ट्रिंग खाली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा देखो, गलती मैंने ये कर दी ना यार, इक्वल टू लगा दिया, हो गया काम। मैं भूल ही गया था कि यार ये जावा है, ये सी प्लस प्लस नहीं है। एंड स्ट्रिंग में कभी भी मैं इक्वल टू नहीं लगाता हूँ, आई ऑलवेज यूज एस टी आर डॉट इक्वल्स, ठीक है। नाउ लेट्स रन द कोड, ऑफकोर्स इट विल रन यार, देखो गलती थी ही नहीं कोड के अंदर, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जावा के अंदर ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सी प्लस प्लस में वो चीज़ चल जाती है, और ये चीज़ मैंने स्ट्रिंग में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाई थी इनफैक्ट, कि क्या डिफरेंस होता है सिर्फ इसमें, शेल वाली बात भी आपको बताई थी, और क्या डिफरेंस होता है डॉट इक्वल्स। डॉट इक्वल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सारी चीज़ें कंपेयर करता है, जबकि जो इक्वल टू इक्वल है वो सिर्फ एड्रेस को पहले कंपेयर करता है। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है भाई। तो काम चल गया, देखो आ गई सारी चीज़ें, प्रिंट हो गई। अब मान लीजिए मुझे इनको कहीं स्टोर कराना था, और वो स्टोर करा के मेरे को वो चीज़ रखनी थी, तो क्या स्टोर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है यार, बिल्कुल। मैं सिंपल एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ बना सकता हूँ ऐसे, लिस्ट ऑफ, ये देखिए स्ट्रिंग, ठीक है, एल इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे लिख दो यार एरे लिस्ट, डन, ठीक है। इसको आप एक काम करो, ऑप्शन ये करके क्लास ले लो, इसकी इम्पोर्ट कर लो, ये देखो, ठीक है, हमने ये इम्पोर्ट कर ली। एंड मैं क्या करूँगा, साथ ही साथ अपनी लिस्ट भी भेजता जाऊँगा, जो लिस्ट जाएगी वो रेफरेंस से जाएगी, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन में लिस्ट भी भेजता जाऊंगा, ये देखिए मैं हर समय फंक्शन में एक लिस्ट को भी यार यहाँ पे भेज दूंगा, बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग व्हाट आई कैन क्लियरली डू इज, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मैं अपनी इस लिस्ट में ऐड करा दूंगा इस स्ट्रिंग को, ठीक है, एंड देन रिटर्न इट। एंड जब भी मैं कॉल लगा रहा हूँ तो ऑफकोर्स साथ में लिस्ट को भी पास करना पड़ेगा, राइट। अब जैसे ही मैंने कॉल लगा ली, अब ऑफकोर्स देखो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने लिस्ट में स्टोर कराया है। अब जाके मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करा सकता हूँ ऐसे भाई, कि भाई फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एल डॉट, यहाँ पे लिख दो लेंथ, लेंथ क्यों नहीं आ रहा यार, अच्छा साइज होता है, ठीक है, एल डॉट साइज आई प्लस प्लस। एंड यहाँ पे मैं क्लियरली कर सकता हूँ कि भाई साउट कि भाई एल और डॉट गेट एट आई, ठीक है भाई, लेट्स रन दिस कोड। तो अब देखोगे, ओहो खाली रह गई क्या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, या ऐड नहीं हो पाया, एल डॉट ऐड एस टी आर, हो तो रहा है यार, बाय रेफरेंस ही होता है यार। फॉर ईच लूप लगा के देखते हैं क्या परेशानी आ रही है यार आज। तो फॉर स्ट्रिंग एस इन लिस्ट, ठीक है, स्ट्रिंग को प्रिंट करा के देखते हैं, खाली है। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर रखी थी यार, ठीक है, और वो मिस्टेक ये नहीं थी कि एरे लिस्ट को लिस्ट लिख दिया, और ये लूप भी बिल्कुल सही था, ठीक है यार। दिक्कत ये थी कि जब मैं ऐड कर रहा था तो मेरे को लिखना तो यही है, यहाँ पे देखिए यार, जब मैं स्ट्रिंग एम्प्टी है तो मैं एल के अंदर स्ट्रिंग को ऐड कर रहा हूँ, मेरे को टी ऐड करना है ना, बताओ कहाँ दिमाग चल रहा है मेरा यार, रन करते हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे मैं स्ट्रिंग के अंदर ऐड भी करा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को इसकी बात करनी हो एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कितना जा रहा है मेरा यहाँ पे, साथ ही साथ मेरा स्पेस कितना जा रहा है, वो एक कंसर्न है, तो उसकी बात करते हैं। कंसिडरिंग कि जो ये मेरे को लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर मैं अपनी स्ट्रिंग्स को स्टोर करा रहा हूँ, उस स्पेस को मैं काउंट नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इस कोड में हो क्या रहा है। एक मुझे स्ट्रिंग दे रखी थी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहे थे, उसको तो हम काउंट नहीं करेंगे एज अ स्पेस, राइट? वैसे तो कर सकते हैं एन साइज की स्ट्रिंग ओ ऑफ एन करके, ठीक है भाई, बट एनीवेज करेंगे, इनफैक्ट हाँ इसमें बार बार स्टोर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, जब मैं ए स्ट्रिंग को निकालता हूँ और बची हुई मेरी बी स्ट्रिंग, तो ये मेरी एक सब स्ट्रिंग निकलती है इसकी, ठीक है, तो ऑफकोर्स वो एक कॉपी बनती है पूरी की पूरी। तो बार बार एक नई स्ट्रिंग बन रही है, वो यहाँ पे डल रही है, यहाँ पे एक कैरेक्टर डल रहा है, फिर वापस से बी सी टूट रहा है, एक इसके आगे अपेंड हो रहा है, ये एक नई स्ट्रिंग बन रही है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मेरी यहाँ पे एक तो स्पेस की बर्बादी हो रही है, आई वुड से स्पेस की बर्बादी हो रही है, स्पेस की बर्बादी हो रही है। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो कितने कॉल लग रहे हैं उस पर डिपेंड करता है मेनली। तो जितनी मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है, सबसे पहली बात तो यार उतनी बार मेरा पहला बार कॉल लगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर n स्ट्रिंग की लेंथ है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालते हैं यार, तो सबसे पहले होंगे n प्लस अगली बार कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे वो सोचना है। मेरी हमेशा ये जो लेंथ है ये इससे एक कम हो जाएगी, एक माइनस वन हो जाएगी, और ये मेरी फिर कितने कॉल लगाएगा, जितने भी बेसिकली मेरा, अगर ये तीन है तो ये तीन कॉल लगाता है, अगर ये एक कम हो गया तो ये दो कॉल लगाएगा, ये n माइनस वन कॉल लगाएगा। लेकिन वो जो n माइनस वन कॉल्स है वो कितनी बार लगेंगे, एक दो तीन, जितना मेरा हो रहा है पिछले का वाला नंबर है उतनी ही बार ये n माइनस वन वाले लगेंगे। समझ रहे हो ना यार मैं क्या कहने वाला हूँ यहाँ पे, बड़े ध्यान से समझना, ये दो कॉल भी तीन टाइम्स लगने वाले, तो n माइनस वन इंटू n प्लस अगले कितने कॉल लगेगी फिर सिमिलरली n माइनस टू इंटू, यहाँ ध्यान देना, अब जैसे यहाँ पे कितना एक ही कॉल लगा, एक ही कॉल लगा, एक ही कॉल लगा, एक ही लगा, एक ही लगा और एक ही लगा इस पर्टिकुलर चीज़ से, जैसे यहाँ से दो लगे, इससे ऐसे में तीन लगे, लेकिन ये एक मेरे कितनी बार कॉल लगने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो छः बार कॉल लग रहे हैं। इनफैक्ट आई वुड से ये मेरे दिस इंटू दिस टाइम्स कॉल लग रहे हैं, तो एन माइनस टू इंटू मैं लिखूंगा एन माइनस वन इंटू एन। तो ओवरऑल मेरी नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑलमोस्ट ऐसे रहने वाले हैं, ये एन माइनस जितनी भी मेरी लास्ट में जा रहा है, जबकि ये मेरा नंबर हमेशा वन रहने वाला है। तो आई कैन से दैट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, आई कैन क्लियरली से नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे कितने हो जाएंगे, मैंने बोला कि n प्लस n इंटू एन माइनस वन, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएंगे मेरे, प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठीक है, सो ऑन अप टू n, n माइनस वन, n माइनस टू अप टू वन, ठीक है। तो ये लास्ट का नंबर मेरा n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके पहले मेरा जो भी नंबर होगा वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 होगा, डिवाइड बाय 2, फिर डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड बाय 4, बेसिकली n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, आई वुड से एक ही तो कम होगा, हाँ, बाय 1 प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3, एक एक से कटता जाएगा, सिर्फ 2 नहीं, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। इसी को अगर मैं n फैक्टोरियल को कॉमन ले लूँ तो बच्चों हमारे पास ये बचेगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू 1 अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल। थोड़ी सी मैथ्स लग रही है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, समझो इस बात को, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने। जैसे कि आप देख सकते हो पहले n कॉल्स लग रही है, फिर n भी मेरे मल्टीप्लाई हो गए 2 से, फिर और मल्टीप्लाई बढ़ते जा रहे, ठीक है, हर समय बढ़ता जाएगा, ठीक है, हर समय बढ़ता जाएगा। अब इसमें ये जो नंबर होता है ना मेरा 1 अपॉन 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 3 अप टू, अगर मैं इन्फिनिटी भी बोल दूँ इसको, मैक्सिमम जो इसकी औकात है इस नंबर की, दिस इज ऑलवेज लेस देन ई विच इज 2.718, अगर n इन्फिनिटी हो रहा है तो की बात हो रही है, दिस इज अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई ई, ई बेसिकली 2.7 होता है। तो अगर मैं 2.7 विच इज अ कॉन्स्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आई कैन से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ n फैक्टोरियल, ओ ऑफ n फैक्टोरियल इंटू n भी कहते हैं कई लोग, लेकिन बात एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, आप ये लिख सकते हो ओ ऑफ n फैक्टोरियल इंटू ई हो रहा है मेरा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये बड़ी गदर है, यही हमारी होने वाली है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप जैसे कि देख सकते हो इसको हम एज सच बहुत अच्छे से क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा, स्पेसिफिकली स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी हद से ज़्यादा गंदी लग रही है, क्या कहते हैं हमें,
ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी, राइट एंड पता नहीं ऑर्डर ऑफ कितनी बार, तो हमारा बार बार एक नई स्ट्रिंग बन रही है आई वुड से, राइट। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, जैसे ये एक नई स्ट्रिंग बन गई, तो एन फैक्टोरियल टाइम्स मेरा एन, ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो काफ़ी ज़्यादा बन रही है, बार बार एक नई स्ट्रिंग बन रही है ना, तो ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आई वुड से कि भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो पक्का इतनी तो है ही, ठीक है, एन फैक्टोरियल से ज़्यादा ही है इनफैक्ट, इंटू एन, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार, ये तो हमने एक बेसिक तरीका देख लिया था, राइट। अब देखते हैं कि भाई इस परमुटेशंस को, परमुटेशंस के दो मेथड करने वाले हैं हम, और हम इसको वाया बैक ट्रैकिंग देखेंगे कि कहाँ इसमें हम बैक ट्रैकिंग को घुसेड़ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें यहाँ पे एक एरे दे रखा है, क्वेश्चन एरे दे रखा है, जैसे कि 1, 2, 3, मुझे इसकी सारी परमुटेशंस को भी एक एरे के अंदर ही स्टोर कराना है, और उस परमुटेशन को एक एरे ऑफ एरे, एरे लिस्ट ऑफ एरे के अंदर मेरे को स्टोर कराना है। तो कैसे किया जा सकता है ये काम, इसके लिए यार सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपना मेथड नंबर वन। मेथड नंबर वन मेरा ये कहता है कि आई वुड रिक्वायर, सबसे पहले तो यार एक मेरे पास क्या होना चाहिए, वेक्टर, एक मेरा सॉरी एरे लिस्ट, मैं वेक्टर बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बनाऊंगा लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, जैसे एक एरे लिस्ट है इंटीजर की, उसकी भी लिस्ट आंसर नाम से, ये तो मैं एक वो बनाऊंगा इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट करके, ये तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे काम रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर मैं अपनी सारी परमुटेशन जो कि होने वाली है 1, 2, 3 की एरे लिस्ट, फिर होगी 1, 3, 2, ऐसी 6 हो, ये इसके अंदर स्टोर कराऊंगा, ये तो रखना है, इसको हम एज सच एक्स्ट्रा स्पेस की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। इंटरव्यूअर पूछता है तो बता देना यार इसकी कितनी वो रहने वाली है, ठीक है। दूसरा, हम ना हर समय जब कॉल लगाएंगे ना, तो एक एरे लिस्ट भी हम पास करने वाले हैं, जिसको हम अपना डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो हम हर समय एक एरे लिस्ट जाएंगे, अभी के लिए हम एक एम्प्टी एरे लिस्ट बनाएंगे, एरे लिस्ट इंटीजर, इसका नाम हम लिख देंगे AL इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ये भी अभी के लिए एम्प्टी था ऊपर वाला, ये भी एम्प्टी है। इसको हम हर समय अपना जो भी एक नया हेल्पर फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, बताऊंगा अभी क्या करेंगे, उसके अंदर हम हर समय पास कराएंगे। एंड बेसिकली इसमें हम करेंगे क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ऐसे मैं बताऊंगा ना तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, अरे कितनी उसमें आ रहे हैं, हाँ ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास है ना 1, 2, 3, ये तो वो गिवन एरे है। अब ये एरे मेरा यार यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, ये जो एरे है ये तो एरे की तरह ही है, ये एरे लिस्ट नहीं होगा, ये तो एक एरे गिवन एरे, ये ऐसे ही रहने वाला है इनपुट एरे। साथ ही साथ मैं फंक्शन में क्या दूंगा, हमेशा स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए मैंने एक एम्प्टी एरे दे दिया, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक एम्प्टी एरे लिस्ट दे दी, एक मेरा हमेशा फंक्शन में आंसर रहने वाला है, आंसर बेसिकली क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है जो भी के लिए खाली है, जिसमें सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे डलने वाली हैं। और मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा ना यार, बड़े ही गौर से देखना कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है, इसके अंदर बात बात पे क्या मेरा नंबर जो है वो इंसर्ट होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ मैं एक नया वो बनाऊंगा चेक, ठीक है, चेक मार्क एरे, जिसमें इनिशियली मैं डाल दूंगा 0, 0, 0, ठीक है, या 1, 1, 1 भी डाल सकते हैं, ठीक है, 1, 1, 1 या 0, 0, 0 डाल देते हैं, इसको आप बुलियन में भी रख सकते हो, ठीक है। अब मैं आप देखना कि करने क्या वाला हूँ, जब भी बैक ट्रैकिंग आ रही है तो एक इज विजिटेड नाम का एरे तो बनना ही है मेरा, तो फॉल्स, तीन ही साइज है, तो एक मैं ये भी एरे बना दूंगा। अब इसके अंदर हमें करना क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा यार, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरी 3 कॉल लगेगी, वही सेम काम हो रहा है जो ABC में हो रहा था बेसिकली, कि जितने इसके नंबर है उतनी मेरी कॉल लगने वाली है। पहले में मैं अपने पहले एलिमेंट को उठा रहा हूँ, दूसरे में मैं दूसरे एलिमेंट को उठा रहा हूँ, तीसरे में मैं तीसरे एलिमेंट को, जो कि इस केस में 1, 2, 3 यहाँ पे है। मैं क्या करूँगा, जिस भी एलिमेंट को मैं उठा रहा हूँ ना, अपने इस जो भी एरे लिस्ट यहाँ पे दे रखा होगा उसमें पुश बैक करूँगा, या फिर उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ पीछे से, ठीक है। तो एरे लिस्ट डॉट ऐड करते हो तो पीछे से ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ये तो देखो मेरा एज सच 1, 2, 3 रहा, ठीक है, ये मेरा बन गया अभी के लिए 1। दूसरा, मेरी जो फाइनल एरे लिस्ट है आंसर वो तो ऐसी ही रहेगी, इनफैक्ट इसको मैं अभी के लिए लिख नहीं रहा, ये हमेशा हमारे पास रहेगा। और चौथा,
जैसे ही जैसे मैंने इस पे विजिट किया, मुझे पता है कि वो इंडेक्स कौन सा है जो मैं उठा रहा हूँ, मैं लूप लगाऊंगा ना, लूप लगाने में ही मेरे कॉल लगने वाले हैं, मुझे पता है वो इंडेक्स कौन सा है, तो इस विजिटेड में मैं उसको मार्क कर लूँगा ट्रू कि भाई ये मैं ले चुका हूँ, अब इसको मत लेना, ये मैं ले चुका हूँ, वन को बार बार नहीं लेना, ठीक है, ऐसा नहीं, मेरी परमुटेशन ये नहीं बननी चाहिए, रॉन्ग, ठीक है, तो मैंने इसको उठा लिया। सिमिलरली ऐसी तीन कॉल लग रही है ना यार, इसको इधर रखते हैं एक बार के लिए, अपनी टू कॉल को देखते हैं। सेकंड में मैं ये तो मेरा सेम देखो 1 2 3 रहने वाला है, इसमें कोई वो नहीं है, ये तो नम्स मेरी ऐसी रहेगी। अब मैं इसकी बात करूं जो हमने एक एक्स्ट्रा एरे लिस्ट बनाई है, इसके अंदर मेरा डल गया अभी के लिए टू, एंड अपना जो ये है इसमें ये वाला एलिमेंट उठाया है, तो इसको मेरा ट्रू बन जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स। सिमिलरली मेरी थर्ड वाले की कॉल लगी यार यहाँ पे, थर्ड वाले की यार यहाँ पे कॉल लगी, तो यहाँ पे अगेन ये तो ऐसा ही रहेगा, मैंने तीसरा एलिमेंट उठाया, ये तो पास हो रहा है, अभी के लिए मैंने इसमें 3 डाल दिया, बड़े गौर से सुनना, बड़े गौर से, ठीक है, फॉल्स फॉल्स ट्रू, मैंने 3 को उठाया तो 3 को मेरे को यहाँ पे मार्क भी करना पड़ेगा कि हाँ मैंने इसको ले लिया है। अब वापस से सेम चीज़ लगने वाली है, वापस से सेम चीज़ लगने वाली है, लेकिन यहाँ पे अब 1 2 3 मेरे क्या कहते हैं 3 कॉल्स नहीं लगेंगे, जो मेरा फॉर लूप है वो 3 बार ही चलेगा, जो मेरा फॉर लूप है वो तो 3 बार ही चलेगा, फॉर लूप मेरा 3 बार ही चलेगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि भाई अगर मेरा ट्रू है ना नंबर तो उसकी कॉल नहीं लग पाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए ये भी 3 कॉल ही लगा रहा है, टेक्निकली स्पीकिंग 3 मैं इसमें लूप लगा रहा हूँ, लेकिन मैं देखूंगा यार 1, अरे यार 1 का तो ट्रू पड़ा है यहाँ पे, जो भी इसका इंडेक्स होगा ना यार, मैंने यहाँ देखा वो तो ट्रू पड़ा है, तो मैं काम ही नहीं करूँगा, ठीक है। 2 मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो एज इट इज रहने वाला है, इसके पीछे 2 लगा दूंगा, सेम देखो काम समझो, 1 के साथ मैंने 2 को लगा दिया, ठीक है, साथ ही साथ जब मैंने 2 को लगाया, जब मैंने यहाँ पे 2 को लगाया, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं मार्क भी कर दूँ कि यार मैं इसको उठा चुका हूँ, तो यहाँ पे भी ट्रू लग गया, ठीक है भाई। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी, इनफैक्ट ये 2 कॉल अभी लगे ही नहीं है, ठीक है, इनको हटा देते हैं। आई होप आपको रिकर्जन का ट्री डायग्राम पता हो कि भाई पहले ये वाले कॉल लगते हैं, फिर हम पीछे आते हैं, राइट, यूलर टोर ट्री ऐसे करके बनता है जो हमारा है ना, वो बहुत ज़्यादा जानना बहुत ज़रूरी है, आई होप आपको पता होगा, वरना रिकर्जन पढ़ के आओ पहले, ठीक है। तो कॉल पहले ऐसे लगती है, लेफ्ट लेफ्ट लगती रहती है, फिर जब खत्म होती है तो वापस आती है, राइट कॉल लगती है, ठीक है। तो अब मैंने क्या लगाया, मैंने देखा 1 के साथ, फिर 1 के साथ वापस 1 नहीं जा सकता, लेकिन 2 जा सकता है, लग गया 2 का कॉल, अब इसी पे मैं वापस कॉल लगाऊंगा 3 की कॉल से पहले, इसी पे कॉल लगेगी वापस 3 बार, तो 1 2 3, लेकिन क्योंकि ये दोनों ट्रू पड़े हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये थर्ड वाली कॉल मेरी चल जाएगी, तो 1 2 3, ये तो मेरा नम्स है, ये जो हमने डेटा स्ट्रक्चर लिया है इसके पीछे ये 3 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, एंड ये ट्रू 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 भी हो जाएगा, बहुत सही। अब वापस से जब इस पे कॉल लग रही होगी, देखो अभी तक ये लगी नहीं है, मैं डॉट बना देता हूँ, जो अभी तक हुआ नहीं है काम, ये अभी तक रह गया था, ये भी अभी तक नहीं हुआ है, फिर जब मेरी 1 को कॉल लगी तो 3 कॉल्स लगी, जिसमें से 1 तो कैंसिल ही हो गई, दूसरी वाली अभी चल रही है, तीसरी वाली अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। अगेन जब इस पे मेरा क्या कहते हैं कॉल लगी, तो ये दोनों कैंसिल, ये चल रही है। अब आप देखोगे इस पे वापस से भी कॉल लगेगी, ऑफकोर्स कॉल तो लगती रहेगी हमेशा जब तक, अब आप देखना कॉल रुकेगी कैसे, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, हम कॉल तब रोक देंगे जब मैं देखूंगा कि ये जो मेरा अलग से एरे लिस्ट का साइज था, मैं देखूंगा इन दोनों का साइज बराबर है, साइज इज सेम, जब इसका साइज के बराबर हो जाएगा तो मैं कॉल को रोक दूंगा, ठीक है। आई वुड रिटर्न, मैं रिटर्न को बना रहा हूँ येलो ग्रीन कलर से, तो मैं रिटर्न कर दूंगा, मैं वापस इस पे चले जाऊंगा कि भाई हो गया मेरा काम, मैं चले गया इस पे। लेकिन एक और चीज मेक श्योर करनी होगी, जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो जहां से मैं आया था काम किया था, जो मैंने 3 को इंसर्ट किया था, तो साथ ही साथ उसको वापस से फॉल्स भी बनाऊं, विच इज बैक ट्रैकिंग, क्योंकि अगर मैंने एज इट इज इस चीज को पीछे रिटर्न कर दिया, और मैं जानता हूं यहां पे जो मैं एरेज बनाता हूं, यहां पे जो मैं एरे लिस्ट बनाता हूं जावा में, वो बाय रेफरेंस पास होते हैं, तो ये जब मैं रिटर्न करूंगा तो वापस से ये एरे नहीं होगा भाई साहब, नो, जब मैं यहां तक आ गया था, इनफैक्ट अगर मैं पूरा फंक्शन खत्म कर दूं, जो भी है ये मेरा बन चुका है, ये वाला बूलियन वाला जो चेक इज वैलिड इस विजिटेड वाला एरे है, वो अब ये बन चुका है, तो जब मैं रिटर्न करूंगा तो यहाँ पे भी ये समझना, जब ये ट्रू 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 हो रहा था, जब ये ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया था, तो एक्चुअली में यहाँ भी ट्रू हो गया था, ठीक है।
ऐसा सीन और था। इनफैक्ट करके दिखा देता हूँ ना यार, जब ये काम हुआ था तो यहाँ पे भी चेंजेस आ रहे थे, यहाँ पे भी ट्रू हो गया था, फिर जब मैंने ये ट्रू ट्रू लिखा तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया था, फिर जब मैंने तीनों लिखे तो ये भी ट्रू हो गया था, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। तो मेरे को यहाँ से वो चीज़ हटानी है पहले, तो मैं बैक ट्रैकिंग करूँगा, ठीक है, सच दैट ये चीज़ मेरी मेंटेन रहे, सच दैट ये चीज़ मेरी मेंटेन रहे, ये वापस से बन जाए फॉल्स। फिर वापस से अब जब मैं यहाँ कहाँ से आया था, इधर बैक ट्रैक करूँगा मैं, ठीक है। बैक ट्रैक करने में सिर्फ मेरे को अपना ट्रू नहीं बनाना होगा फॉल्स, मेरे को इससे पॉप बैक भी करनी होगी चीज़ें, आंसर डॉट मतलब एरेलिस्ट डॉट रिमूव भी करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ से मैं रिमूव करके वापस आऊँगा तो 1-2 बन जाएगा, इसको मैं वापस से फॉल्स बनाऊँगा तो यही बन जाएगा, मैं इस सिचुएशन में आ गया। फिर इसका भी सारा काम खत्म हो गया था, तीनों कॉल लग गई थी, तो मैं वापस रिटर्न मारूंगा इस पे, तो नॉर्मली जब मैं रिटर्न मारूंगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे मैं 2 से आया था तो इसको वापस से मैंने फॉल्स बना दिया एंड 2 को भी हटा दिया, तो इतनी सी चीज़ बन गई, रिवर्स हो रही है सारी चीज़ें। अब यहाँ की तीसरी कॉल रह गई थी, तो अब ये तीसरी कॉल होगी, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं यार। अब इसकी यार यहाँ पे तीसरी कॉल बची थी, तो तीसरी कॉल में बेसिकली ये हो रहा है 1, 2, 3, 1 के पीछे ये 3 लगेगा, तो 1, 3 एंड अगेन यहाँ पे मेरा ऑर्डर था ट्रू फॉल्स ट्रू, ये हो जाएगा, समझ रहे हो, ये वापस मेरे 3 कॉल लगाएगा यार, 1, 2, 3। अब ये देखेगा कि यार 1 तो नहीं हो सकता, ट्रू है, कैंसिल करो, 2 हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता, ट्रू है। अब ये 2 यहाँ पे कैसे लगेगा, ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है, फिर 1, 3 इसके पीछे 2 लग जाएगा एंड ये तीनों ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं वापस देखूंगा कि यार इन दोनों का जो साइज़ है वो सेम है, तो मैं रिटर्न मारना स्टार्ट करूंगा एंड सो ऑन, ऐसे करके मेरा सारा काम होगा और मैं पॉप बैक भी करूंगा, ये भी ध्यान रखना है, 1, 3, 2 को वापस 1, 3 बनाना है। कोड लिख के दिखाता हूँ यार, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब हम इस ऐसी सिचुएशन पे आ चुके हैं जहाँ सीधा कोड लिखना बेटर रहता है। तो देखिए मैं एक हेल्पर फंक्शन का इस्तेमाल लूँगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था जो भी चीज़ें मैं पास कर रहा हूँ उसमें सिर्फ ये नम्स नहीं था, बहुत कुछ था। उससे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे एक लिस्ट, या आप एरे लिस्ट भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख दो ये देखो, क्योंकि हमें यही रिटर्न करनी है ना, तो रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। लिस्ट लिस्ट इंटीजर, इसका नाम हम रख देते हैं आंसर, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट की एरे लिस्ट बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट की एरे लिस्ट। एनीवेज फिर मैं यहाँ पे एक और चीज़ बनाऊंगा अपनी, एक एम्प्टी लिस्ट भी बना देते हैं, उसको मैं वैसे भी रिटर्न कर सकता हूँ, लेकिन लिस्ट ऑफ इंटीजर इसका हम नाम रख लेते हैं जो हमेशा काम आएगा, डेटा स्ट्रक्चर इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये एक नॉर्मल एरे है एक तरीके से, बट एरे लिस्ट वाला एरे है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल लगाऊंगा हेल्पर, वॉइड वाली कॉल रखेंगे हम इसको। हेल्पर फंक्शन के अंदर मैं क्या क्या डालूंगा, सबसे पहले अपना ओरिजिनल नम्स, ये जो एरे है, फिर मैं इसके अंदर अपना ये डेटा स्ट्रक्चर डालूंगा जो मैं कह रहा हूँ, जिसमें मैं एलिमेंट्स डालते रहूँगा, पुश बैक करूंगा, ये डेटा स्ट्रक्चर ये होगा, ये, फिर इनको फाइनली मैं आंसर में पुश बैक करूंगा। साथ ही साथ मैं एक रखूंगा इज वैलिड नाम से, एक क्या कहते हैं अपना एरे या एरे लिस्ट, एरे बना लेते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बूलियन, ठीक है, बूलियन यहाँ पे लिख लेते हैं, बूलियन का एरे इज वैलिड, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू बूलियन, एक नया मैंने एरे बना दिया, ठीक है, और उसका साइज भी एग्जैक्टली मैं दे देता हूँ नम्स डॉट लेंथ, इतना ही मैं साइज दूंगा। एंड मेरे को इसको इनिशियली फॉल्स को सेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉल्स पे ही होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जावा में फॉल्स होती है सारी वैल्यूज और इंटीजर एरे में 0 होती है। देखो फिर मैंने लगा दिया ये कॉल, लास्ट में इसमें हम आंसर भी देते रहेंगे, दैट्स इट, एट द एंड यू हैव टू रिटर्न द आंसर। अब बात आ जाती है इस फंक्शन को बनाने के लिए, चलिए बनाते हैं, ऊपर लिख देते हैं void, ठीक है, public, public private भी लिख दो मर्जी है, ठीक है, public void helper, जिसके अंदर हम सबसे पहले दे रहे हैं अपना nums, यहाँ पे दे दिया nums, इसको हटा देते हैं, लंबा कोड जाने वाला है। फिर मेरे को क्या देना था, अपना एक डेटा स्ट्रक्चर जो कि array list था, तो डेटा स्ट्रक्चर ये थी exactly, यही दे देते हैं, देखो ईजी रहता है कितना, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया यार। फिर क्या देना है मेरे को यार, यहाँ पे अपना इज़ वैलिड देना है, तो ठीक है भाई ये दे देते हैं, लो भाई कॉपी पेस्ट, कुछ भी नाम से रख सकते हो वैसे तो। एंड फिर हमें देना था अपना ये फाइनली आंसर, तो ये दे देते हैं, ठीक है भाई, बहुत सही। अब अपना यहाँ पे यार कोड निकाल के देखते हैं,
कोड में जो मेरी कंडीशन रहने वाली थी वो क्या रहने वाली थी कि यार बेस केस पहले देख लेते हैं, कभी भी जो मैं ये डेटा स्ट्रक्चर जिसको मैं भरते जा रहा हूँ, इफ डेटा स्ट्रक्चर डॉट साइज, कभी भी ऐसा हो रहा है कि इसका साइज इक्वल टू हमारे नम्स जो कि मैं नहीं छेड़ रहा, नम्स की लेंथ के बराबर ऐसा हो रहा है, तो जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसको पुश कर दो किस में, अपने आंसर में, तो आंसर डॉट एड पीछे से लगा दो अपने इस डेटा स्ट्रक्चर को एंड फिर रिटर्न कर दो एज सिंपल एज दैट। आपको यहाँ पे ये वाला काम करना होगा, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं यार, ये वाला काम तो हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगी। अब इसके बाद जो मेन हमारी चीज़ लगेगी वो क्या लगेगी, मैं क्या था, मैं लूप लगाऊंगा। तो लूप किस पे लगेगा, बड़े ध्यान से देखना, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, पूरे नम्स पे बार बार ट्रवर्स हो रहा है और हर समय जितनी नम्स की लेंथ है उतने कॉल मेरे लग रहे हैं। कई बार मैं कांटा मार रहा था कॉल पे जब मेरा काम नहीं बन पा रहा था, तब की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि इफ अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो मेरा इज वैलिड है, इफ इज वैलिड ऑफ दिस इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, पहले से फॉल्स पड़ा है तो ही कॉल लगेगा, ठीक है, तो ही यहाँ पे कॉल लगेगा, वरना कॉल नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कांटा मार दिया था मैंने। अब कॉल कैसे लगेगा, सबसे पहले मैंने कहा था जो भी मेरा ये आई पे नंबर पड़ा होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो वो नंबर है वो नम्स ऑफ आई है, मैं इसको अपने इस डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर दूंगा, तो ds.ds. add nums of i, पहले तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया, पहला काम। दूसरा काम, इज वैलिड का ये जो ith पोजीशन है, इसका जो ith पोजीशन है उसको मार्क कर दो ट्रू, कि हम यहाँ आ चुके हैं, विजिट हमने कर दिया। फिर मैं लगाऊंगा रिकर्जन, वापस से भी इस पे रिकर्जन लगने का ना, जैसे इस पे काम हो गया तो रिकर्जन लगाना था। ये देखिए, जब मैं 1 2 3 था और यहाँ पे खाली था, मैंने तीन जब कॉल ऐसे लगाए, मान लीजिए पहला कॉल लग रहा है, तो इसमें ये 1 जो है पहले तो इसमें ऐड हो गया, यहाँ पे देखो फॉल्स का मेरा ट्रू बन गया। ये दोनों जब काम मेरे हो जाते हैं, जैसे ये काम हो गया, दो काम कर दिए, तो दो काम करने के बाद मेरे को वापस से कॉल्स लगानी होती है। एक बारी के लिए मैं बोलूँगा कॉल लगानी होती है, वो अपने आप मेरा काम करेगा, राइट। तो इस पूरे पे मेरे को पास करना है पहले ये, फिर वो अपना काम करते रहेगा। तो लेट्स पास दिस थिंग इनटू द रिकर्जन। तो मैं रिकर्जन में क्या पास करूंगा, ये देखिए, हेल्पर नम्स मेरा एज इट इज है, अब मेरा वही वाला डी डेटा स्ट्रक्चर है जो कि नया बन चुका है, डी एस पास कर दिया। सिमिलरली यहाँ मैंने इज वैलिड पास कर दिया ऐसे में, और अपना आंसर पास कर दिया। आफ्टर पासिंग आई हैव टू परफॉर्म बैक ट्रैकिंग, जब मेरा सारा काम हो जाता है तो वापस से बैक ट्रैकिंग होगी। जैसे कि मैं इज वैलिड को जो ये वाला इंडेक्स है इसको वापस से फॉल्स बना दूंगा एंड अपने डीएस में से लास्ट एलिमेंट अपना हो रिमूव कर दूंगा, दैट्स इट। ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। आफ्टर दिस हमारा कोड चल जाएगा, एक बार रन करके दिखाता हूँ। रन किया तो कंपाइल एरर आ रहा है, मेथड में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा, लास्ट एलिमेंट आई थिंक रिमूव करने से पीछे का एलिमेंट नहीं हट जाता, रिमूव लास्ट करके देखते हैं, रन करते हैं। चलो, होता ही नहीं होगा जावा के अंदर, बड़ी परेशानी है यार ये तो, एरर लिस्ट। तो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स मेरे को इस डेटा स्ट्रक्चर का रिमूव करना है, तो इसका लास्ट इंडेक्स निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ds.size जो उस समय हो रहा है -1, इसको हटा दो, ख़त्म। हो गया, तो रॉन्ग आंसर आ रहे तीनों। अच्छा, नम्स 1 1 2 3, मेरा सारा आउटपुट खाली है, हाउ इज दैट पॉसिबल। ऑल राइट, अगर ये फॉल्स है तो कॉल लगेगा, ट्रू है तो कॉल नहीं लगेगा। तो गाइस, जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी, चश्मा लगा लेता हूँ भाई। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी कि जैसे एक्चुअली में जब मैं आंसर डॉट ऐड कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर, तो वो ऐड तो सही हो रहा है लेकिन बाय रेफरेंस ऐड हो रहा है, और बार बार डेटा स्ट्रक्चर मेरा एम्प्टी भी हो रहा है एंड में। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेरे को एक नई लिस्ट बनानी पड़ेगी हर समय, जिसका हम नाम रख देते हैं लिस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट,
एंड मुझे इसके अंदर अपने करंट डेटा स्ट्रक्चर के सारे मेंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, परेशानी। तो फॉर एंड आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन डी एस डॉट साइज, ठीक है, फिर कर दो आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पे आप हर समय क्या करोगे, आपको करना है लिस्ट डॉट ऐड डी एस डॉट गेट आई, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है भाई। एंड फिर आपको यहाँ पे लिस्ट को ऐड करना है। जावा तो एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इस कोड के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें, क्या हम इसको सुधार सकते हैं, क्या एक कोड सुधरा जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इस कोड में हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे मैं इधर आया तो ये तो देखो बनना ही था, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो हमें सारी चीज़ें डालनी है, दिस इज लाइक मैंडेटरी मैंडेटरी, ठीक है, इससे तो आप नहीं बच सकते। अब बात रही जो ये हम बार बार नया डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस खा रहा है, ऑफकोर्स दिस इज कंज्यूमिंग एट मैक्स ऑफ बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। बार बार इसमें हम चीज़ें डाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ओ ऑफ टू एन स्पेस खाएगा एट मैक्स, लेकिन बिग ओ ऑफ एन स्पेस ये ले रहा है, ठीक है। तो दिस इज एक्स्ट्रा, सिमिलरली यार दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा, ये भी एट एवरी मोमेंट दिस इज ऑल्सो टेकिंग दिस मच स्पेस, बात एक ही है, दोनों में ला के बिग ओ ऑफ एन ही रहेंगे, राइट। सो दिस इज टेकिंग एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ बिग ओ ऑफ एन। अगर मैं बात करूँ इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो ये बिल्कुल वैसा है कि हर समय यहाँ पे आप देखोगे कि भाई इतने नंबर ऑफ कॉल मेरे लग रहे हैं, ठीक है, हर कॉल में मेरे पास इतने कॉल लग रहे हैं जितनी बार मेरा ये है, क्या बोलते हैं हमारा, इतने लूप तो लग ही रहे जो मेरा नम्स डॉट लेंथ है। तो बेसिकली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी रहने वाली है वो कितनी है, सबसे पहले एन कॉल लग रहे हैं, फिर हर एन में मेरा यहाँ पे एन कॉल लग रहा है, विच इज़ वेरी वेरी बैड। कॉल लगना छोड़ो, मैं एक बार के लिए ये बोलूँ कि एटलीस्ट वो लूप तो उतनी बार चल ही रहा है ना, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बातें करते हैं, इधर देखिए, तो वही मेरी एन फैक्टोरियल आप कह सकते हो, वैसे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन आई वुड से एन फैक्टोरियल से बदतर है, क्यों, क्योंकि जैसे एक बार मेरी एन लगी, एन बार लूप चला, लूप तो चल ही रहा है ना इतनी बार, एन बार मेरा यहाँ पे लूप चला, भले ही उसके अंदर कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, वैसे तो कोई ऑपरेशन हो नहीं रहा है उसके अंदर, तो ठीक है। तो फॉर एवरी सिंगल एन, इसके लिए वापस से एन होगा, तो जितने भी मेरे पास एन है, एन मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय एन, अब तो कितनी टाइम्स हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आई कुड से दैट द नंबर ऑफ टाइम्स लूप्स, नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ लूप्स जो है मेरी, वो तो बहुत ज़्यादा है, वो है एन प्लस एन इंटू एन, फिर बढ़ता ही जाएगा, देखो एन इंटू एन इंटू एन एंड सो ऑन अप टू एन इंटू एन इंटू एन अप टू एन टाइम्स। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एन की पावर एन, इतने मेरे नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ लूप्स है, ठीक है। अब इसी नंबर ऑफ इटरेशन के अगर अंदर मैं ये बोलूँ कि कितनी बार मेरी कॉल लग रही है, तो बिल्कुल उसके जैसा है कि यहाँ पे जो हमारी कॉल लग रही थी ना एन फैक्टोरियल, ठीक है, तो इतना मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बैठ रहा है। तो येस आई कुड रफली से दैट द नंबर ऑफ कॉल जितनी है, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस क्वेश्चन इज बिग ओ ऑफ एन फैक्टोरियल इंटू एन भी कह देते हैं, या वो बात एक ही है यार वैसे तो, एन प्लस वन का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एनी वेज, ठीक है, वैसे तो एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, बात तो एक नहीं है, राइट। एंड नहीं इतना नहीं आ रहा था हमारा, जो भी है, एंड जो हमारी यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ एन। अब मेरे को अपनी ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सुधारना है, क्या मैं बिना एक्स्ट्रा स्पेस लिए काम कर सकता हूँ, यस। अब आ जाते हैं अपने एक्चुअल मेथड नंबर टू पे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे देखना मैं करूँगा क्या, सबसे पहले तो अगेन मेरे पास रहने वाला है यार एक मेरा यही गिवन एरे, मैं इसमें ट्रैवल करूँगा एक इंडेक्स वेरिएबल के साथ। मैं क्या करूँगा, एक तो मैंने ये रख दिया, साथ में मैं हमेशा एक इंडेक्स वेरिएबल रखूँगा, अभी के लिए मैं जीरो से शुरू करता हूँ उसको, और ये इंडेक्स वेरिएबल जाने वाला है जीरो वन टू इसके लास्ट तक, और ऑफ कोर्स साथ में मैं अपना आंसर रखूँगा जिसके अंदर चीज़ें पुश बैक करनी है। तीन कॉल लगेगी यहाँ पे भी, अब कॉल ऐसी लगेगी बहुत ज़बरदस्त बात रहने वाली है यहाँ पे। सबसे पहली जो कॉल होगी वो देखना वो क्या होगी, सबसे पहली कॉल ये होगी
कि जो मेरे जीरोथ इंडेक्स पे यहाँ पे सामान पड़ा है वो जीरो के साथ स्वैप होगा, फिर हमारा वो वन के साथ स्वैप होगा, फिर हमारा टू के साथ स्वैप होगा। मतलब एक बात समझना, मैंने देखा जीरोथ एलिमेंट पे क्या पड़ा है, मेरा वन पड़ा है, तो सबसे पहले क्या करो, इस वन को, इसको जीरो को जीरो के साथ स्वैप कर दो, यानी कि इसको इसी के साथ स्वैप कर दो, तो हमारा नम्स अभी भी यही है। ठीक है भाई, ठीक है। आफ्टर स्वैपिंग मुझे एक काम करना है, जब ये कॉल लगेगी मेरी, ये बेसिकली एक तरीके से कॉल ही लग रही है, राइट, उसमें मेरे को अपना इंडेक्स प्लस वन पास कर देना है। अब धीरे धीरे देखते जाना मुझे करना क्या है, ठीक है। पहली कॉल ये लगा दी, दूसरा इस जीरो और इस वन को, इन इंडेक्स के नंबर्स को स्वैप कर दो, तो यहाँ पे आ गया देखो 213, बहुत बढ़िया। वापस से इंडेक्स प्लस वन दे दो यहाँ पे और अपना आंसर दे दो। मतलब बेसिकली मैं करके आ रहा हूँ, मैं पहले फर्स्ट इंडेक्स को लेके हर पॉसिबल जगह स्वैप करके देखूंगा कि जो ये वन है ये इसको वन पे रखूंगा, फिर वन को टू के साथ रिप्लेस करके देखूंगा, और वन को मैं अपने थ्री को थ्री के साथ रिप्लेस करके देखूंगा। ठीक है, सबके साथ मेरे को अपने रिप्लेस करके देखना है। जैसे पहले इसको रिप्लेस किया, कॉल लग रही है मेरी यहाँ पे, और जो तीसरी कॉल है वो कुछ ऐसी होगी कि वन मेरा रिप्लेस हो जाएगा मेरा इस इंडेक्स से। ये इंडेक्स है, याद रखना, दिस इज इंडेक्स, इंडेक्स, ये भी इंडेक्स है और ये भी मेरा इंडेक्स है, ये भी मेरा इंडेक्स ही है। ठीक है, तीसरी कॉल में क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो 3 2 1, ठीक है, वापस अपना इंडेक्स प्लस वन पास कर दिया, एक आंसर पास कर दिया। आई होप अब आप थोड़ा थोड़ा करके समझोगे। अब मैं बताता हूँ हमें वापस से करना क्या है। अब मुझे अगेन जो काम करना होगा वो क्या होगा, ये जो वन है मेरे को फर्स्ट इंडेक्स को सबके साथ स्वैप करना है उस एलिमेंट को। ठीक है, तो तीन कॉल वापस यहाँ पे लगने वाले हैं, तीन कॉल वापस यहाँ पे लगने वाले हैं। कैसे, देखिए यार, देखिए 0 1 और 2, तो अपने फर्स्ट इंडेक्स को पहले जीरोथ इंडेक्स के साथ स्वैप कर दिया, तो इन दोनों को स्वैप किया तो कितना बना 2 1 3, फिर एक इंडेक्स प्लस वन दे दो, ये हमेशा बढ़ता रहेगा नंबर। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 1 1 होगा, यहाँ पे 2 2 2 2 2 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, एक यहाँ पे आंसर भी हमारा है ही, मैं लिख रहा हूँ आंसर, छोड़ो इसको तो लिखना भी, ठीक है, वो तो हमेशा ही पास होगा। अब मैं क्या करूँगा, अपने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ स्वैप करूँगा, यानी कि कोई स्वैपिंग नहीं होगी टेक्निकली स्पीकिंग, और मैं अपने फर्स्ट को सेकंड के साथ स्वैप कर दूंगा, तो इन दोनों को स्वैप कर दूंगा, तो बन जाएगा 1 3 2, बहुत ही बेहतरीन, इसके साथ मेरे को मिल गया यहाँ पे 2, बहुत बढ़िया। अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना होगा उसको ज़रा देखना। इनफैक्ट ये जो 1 है, 1 को मेरे को 0 के साथ स्वैपिंग नहीं करनी, 1 को सिर्फ मैं 1 के साथ स्वैप करूँगा और 2 के साथ स्वैप करूँगा, इसको कॉल ही नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मेरा लूप यहाँ से चलेगा ही नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इस बात पर। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 मेरा 0 1 2 तीनों के साथ स्वैप होगा, फिर जब मेरा 1 है तो वो 1 और 2 के साथ स्वैप होगा, अपने और अपने से आगे के साथ स्वैप होगा। अपने साथ तो वैसे क्या ही करेंगे स्वैप, पर करना फिर भी है, ठीक है, अपने साथ भी स्वैप करना है। फिर जैसे ये 1 है वापस से, तो ये अपने और अपने से आगे से स्वैप होगा, देखना 1 और 2, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ स्वैप कर दो, तो सेम चीज़ रही यार 2 1 3, ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 आ गया, और फर्स्ट को सेकंड के साथ स्वैप कर दो तो 2 3 1। सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ स्वैप कर दो, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ स्वैप किया तो 3 2 1 ही आया, फर्स्ट को सेकंड के साथ स्वैप किया तो 3 1 2 ये आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ आ रही होगी। ठीक है, 0 को 2 के साथ किया, एंड सो ऑन। अब मेरे को जो ये फाइनली चीज़ें मिल गई है ना, जब मेरा ये जो इंडेक्स है, जैसे ये 2 है, इसके बाद अगली बार जब जाएगा जो भी मेरी स्वैपिंग वैपिंग होगी, यहाँ पे मेरे को रोक देना है वैसे तो, जैसे ही जो मेरा ये इंडेक्स है ये मेरा लास्ट नंबर बन जाएगा जब मेरा ये पास होगा, और जब लास्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है, यानी कि n-1, तो मेरा जो भी ये आंसर आएगा उसको रिटर्न कर दो। देखो यही मेरी कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कोड लगा के दिखाता हूँ, कोड आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहीं पे कोड लिखते हैं एक बार के लिए, पूरा का पूरा इसको हमें चेंज करना होगा। मैंने बोला था अपने नम्स के अंदर ही मैं काम करूँगा, तो इसकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, इसकी जगह एक इंडेक्स की ज़रूरत है, इंट IDX, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन यहाँ पे इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा हेल्पर लगाऊंगा ऐसे में, अपना नम्स पास किया, अभी के लिए मैंने 0 पास कर दिया एज इंडेक्स। ठीक है, अब मैं देखूंगा चेंजेस क्या करने हैं यहाँ पे, एक तो नम्स की लेंथ निकाल दो हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, जब भी मेरा IDX इज इक्वल टू n-1 हो गया, अगर ऐसा हो रहा है कि IDX मेरा n-1 के बराबर हो रहा है,
तो जो भी मेरे पास चीज़ पड़ी है उसका साइज़ मेरा बिल्कुल वो नम्स परफेक्ट है। मैं एक काम कर सकता हूँ, इस नम्स को मैं ऐड कर दूंगा अपने इस आंसर में, लेकिन ऐसे ऐड नहीं करूँगा, ऑफकोर्स मेरे को एक नया वेक्टर ही बनाना पड़ेगा, मेरे को एक नई लिस्ट ही बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, न्यू LL नाम से रख दो या L नाम से रख दो, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, एंड अपना पूरा लूप लगा देते हैं, फॉर एंड i इज इक्वल टू जीरो, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड अपने L डॉट एड नम्स ऑफ i, ठीक है। जब ये काम हो जाएगा तो अपने आंसर में ऐड कर दो L को, ठीक है, एंड रिटर्न कर दो। तो ये मेरा बेस केस रहने वाला है, समझना इस बात को, जब इंडेक्स एंड तक पहुंच जाएगा। बाकी मुझे क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना, मैं जो अपना लूप चलाऊंगा ना, मैं एंड तक ही चलाऊंगा, लेकिन इंडेक्स से चलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब आप देखोगे, पहले जब मेरा लूप चला तो पूरा 0 1 2 इसके पूरे सारे इंडेक्स पे चला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 2 लूप चला है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे भी जो भी मेरा लूप चला है, बड़े ही ध्यान से देखना कि क्या यहाँ पे मेरा लूप चला है, ठीक है। इनफैक्ट इस पे भी मेरा अब एक लूप चल सकता है कि भाई बस 2 2 के साथ स्वैप हो जाए एंड सो ऑन, ठीक है, कि यहाँ पे है ना मेरा, तो 1 और 2 है, यहाँ पे इस एक में मेरा चलेगा सिर्फ 2 2 के साथ स्वैप होगा, 2 2 के साथ स्वैप होगा, तो एट द एंड वाली करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनफैक्ट कर वो भी सकते थे हम, ठीक है। बट यहाँ देखिए, अब मुझे क्या क्या चीज़ देखनी है, कोई वैलिड वाली चीज़ तो थी ही नहीं, मुझे सिंपल स्वैप करना है, मुझे सिंपल स्वैप करना है जो भी मेरा ये आई आते रहेगा और अपना जो भी आई डी एक्स होगा उसके साथ। तो आई वुड स्वैप क्या, एक तो नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई डी एक्स, तो मैं एक स्वैप फंक्शन बना दूंगा यहाँ पे, जहाँ मैंने पहला दे दिया, दूसरा इंडेक्स दे दिया और अपना नम्स दे दिया, ठीक है। ये पहले स्वैपिंग मचाऊंगा, फिर मैं अपनी कॉल लगाऊंगा हेल्पर, यहाँ पे वापस से नम्स दे दो, आई डी एक्स प्लस 1 देना है हर समय हमें, एंड अपना आंसर देना है, फिर वापस से बैक ट्रैकिंग करूँगा, यानी कि यही चीज़ वापस मेरे को लगानी है, ठीक है। यहाँ अपना एक स्वैप फंक्शन बना लेते हैं यार, पब्लिक पब्लिक वॉइड स्वैप, स्वैप मेरा क्या क्या ले रहा है, सबसे पहले पहला इंटीजर ले रहा है, फिर एक दूसरा इंटीजर ले रहा है, फिर एक एरे ले रहा है नम्स नाम का। और स्वैप करना आप सबको आता ही होगा यार, इंट टेम्प इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, फिर नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, फिर नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू टेम्प, फिर रिटर्न, खत्म। अब एक बार कोड चला के देखते हैं, रन किया, एक्सेप्टेड, सबमिट किया, ठीक, एक्सेप्टेड। आई होप यार ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा वापस से देखना इसको, ठीक है। एक बार मैं वापस से यहाँ पे रिविजिट कर लेता हूँ आपके सामने, मैंने कुछ भी नहीं किया है, एक तो अपनी ये लिस्ट बनानी है मैंडेटरी, इसके अंदर सारी चीज़ें मैं डालूंगा अपने आंसर्स, फिर मैंने एक बस फंक्शन कॉल किया हेल्पर, बाद में मैंने मान के चल लिया कि हेल्पर मेरा काम कर रहा है। हेल्पर के अंदर एक तो जो मेरे को इंटीजर नम्स दे रखी थी वो डाला, अपना एक इंडेक्स में डाल रहा हूँ हर समय, और अपनी जो भी आंसर बनते जा रहा है, बेसिकली यही दो काम है मेन। तो मैं इसी के अंदर से कैसे परम्यूटेशन जनरेट कर रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी इंडेक्स आ रहा है वो अपने साथ अपने से आगे तक को रिप्लेस करके ला रहा है। ये चीज़ तो बेस केस है, इसको लास्ट में देखेंगे, लेकिन इसको देखो जो ये चल रहा है, मतलब जैसे स्टार्टिंग में इंडेक्स 0 है, तो 0 से लेकर एन तक मेरे इतनी बार एक तो कॉल लग रहे हैं बार बार, जिसमें मैं अपने आई को पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ स्वैप करे जा रहा हूँ, मैंने आपको दिखाया। बाद में इंडेक्स प्लस 1 हो जाता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको 0 से स्वैप ना करूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसको 0 से स्वैप ना करूँ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। चाहे तो करके दिखाता हूँ, अब अगर मैं रन करूँ, 0 से नहीं करना, इंडेक्स से ही करना है, ज़्यादा बड़ा आंसर आ जाएगा। ये देखिए केस 1, ये देखो बहुत बड़ा आंसर आ गया, 2 तो सही आए मेरे, लेकिन ये एक एक एलिमेंट के थे, 2 एलिमेंट के, इसमें काम नहीं हुआ। यहाँ देखो, अरे बाप रे, आंसर वही है ऑलमोस्ट, ये देखो, पर बार बार आ रहा है 2 1 3, फिर ये देखो जैसे 2 3 1 है, 2 3 1 है, दो बार आ रहा है 3 2 1 है, ये देखो 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो ये रेपिटेशन हो जाएगी, इसलिए इंडेक्स से ही मेरे को शुरू करना है, मेरे को 6 ही एलिमेंट चाहिए होंगे, इसलिए मैंने वो मेंटेन किया। रन करते हैं वापस से, एंड दिस विल वर्क, देखिए बिल्कुल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, एक्सेप्ट तो करके दिखाई दिया मैंने सबमिट। आगे बढ़ते हैं यार, उससे पहले एक बार देखते हैं यार इसमें डिफरेंस क्या आया, इसके अंदर डिफरेंस बट ये आया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो उतनी ही लगी है मेरी, पहले जैसे मेरी 3 कॉल लगी यहाँ पे लूप, फिर बाद में 2 × 3 लगे, राइट, इसका मैंने आपको करके दिखाया ही था, ये हमेशा मेरा O(n)!
के अराउंड रहने वाली है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एंड ये तो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस की अगर मैं बात करूँ विदाउट कंसिडरिंग, जो कि मैं बार बार नया स्पेस बना के पुश कर रहा हूँ ना वैक्टर के अंदर, वो तो मैंडेटरी है करना, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज अब अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का नाम है एन क्वींस, प्रॉब्लम नंबर 3 हमारी, ठीक है। अब एन क्वीन प्रॉब्लम इज अ वेरी वेरी फेमस, इट इज अ वेरी फेमस, फेमस भी नहीं वेरी फेमस लीट कोड हार्ट, ठीक है। अब यार ये इतनी फेमस हो गई है कि आजकल के इंटरव्यूअर्स वैसे ये पूछते ही नहीं है कई बार सवाल, इसलिए नहीं पूछते क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था क्योंकि एक फेमस क्वेश्चन था, तो सारे लोग कोडिंग जिसको ढंग से नहीं भी आती हो वो इस क्वेश्चन को रट के चले जाते थे या ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाते थे। लेकिन अभी भी कुछ कुछ इंटरव्यूज़ में ये पूछी जा सकती है। एंड अगर आपसे इंटरव्यू में, अगर आपसे इंटरव्यू में एन क्वींस पूछी जा रही है एंड आपको एन क्वींस ही नहीं आता इंटरव्यू में, तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर तो इंटरव्यूअर ये समझेगा कि आप फेमस क्वेश्चन ही करके नहीं गए जो स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये ज़रूर करना है हमें, ये है एक लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन, विच इज़ अ मीडियम लेवल क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। बट यस, यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी बैक ट्रैकिंग का जो फील है वो आपको यहाँ से समझ आएगी, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। ये लीड कोड का क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी खुद ही आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। आपको एक नंबर दे रखा होगा इनपुट में, दैट्स इट, जस्ट अ नंबर, और जो आपको रिटर्न करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम पहले प्रिंट करेंगे। मान लीजिए जो मुझे नंबर दे रखा है, मुझे कोई नंबर दे रखा होगा, मान लीजिए एन इज इक्वल टू 4। तो होता क्या है यार, जैसे जो हमारा एक चेस बोर्ड होता है, यूजुअली चेस बोर्ड, अगर आपको समझ ना आ रहा हो, चेस का जो बोर्ड होता है वो आप सब जानते हो 8x8 का होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको नंबर दे रखा होगा उतने क्रॉस उतने का चेस बोर्ड होगा, आप ये समझ लीजिए एक बार के लिए। अब यार चेस के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, पॉन सबसे बकवास, ठीक है। पॉन बेसिकली सिर्फ एक स्टेप आगे जाता है, एक स्टेप आगे, एंड ये सिर्फ टेढ़े में काट सकता है गोटी को, आप ये तो जानती हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, बेसिक चेस तो आपको आती होगी ना यार, थोड़ा बहुत सीख के आ जाओ, ठीक है, बहुत बेसिक है। तो ये क्या है, पॉन जो है वो सिर्फ एक स्टेप आगे चल सकता है और राइट ऐसे काट सकता है, ऐसे ही आप जानते हो किंग, किंग है जो एक स्टेप चल सकता है लेकिन सारी 8 डायरेक्शंस के अंदर, सारी डायरेक्शंस में। ऐसे ही बिशप होता है जो कि सिर्फ डायगोनल चल सकता है, हाथी होता है जो कि सिर्फ कितना मर्जी आगे या राइट या पीछे, जो हाथी है हाथी की मूवमेंट्स ऐसी होती है कितना भी, ठीक है। बिशप की मूवमेंट्स ऐसी होती है, किंग की मूवमेंट सिर्फ इतनी सी होती है, होती तो 8 जगह है लेकिन एक एक, ठीक है। और क्वीन की मूवमेंट्स कितनी भी आगे पीछे, क्वीन इज बेसिकली बिशप प्लस हाथी, बिशप नहीं बिशप ही, हाँ बिशप यानी कि वजीर प्लस कैसल, हाथी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हमारी बनती है क्वीन, ठीक है, द बेस्ट इन क्या कहते हैं चेस। क्वीन के पास बस एक चीज़ नहीं होती जो कि होती है घोड़े की चाल, जिसको हम कहते हैं ढाई, 1 2 2.5 ऐसे में, या फिर आप कर सकते हो 1 2 2.5, या ये ऐसे कर सकता है 1 2 2.5 1 2 2.5 फिर 1 2 2.5 1 2 2.5 1 2 2.5 1 2 2.5 ऐसे 8 जगह चल सकता है मेरा क्या कहते हैं हॉर्स, और भी जितने भी ये कैरेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली हमें अगर n इज इक्वल टू 4 दे रखा है, क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि आपको ना यार, आपको एक 4x4 का चेस बोर्ड दे रखा है। जो नंबर दे रखा होगा ना, मान लीजिए एन इज इक्वल टू 4 है तो 4x4, अगर मेरे को दे रखा है एन इज इक्वल टू 6 तो एक 6x6 का आपको चेस बोर्ड दे रखा है, आप ये समझना, ठीक है। तो 6x6 का दे रखा है, एन इज इक्वल टू 7 का मतलब 7x7, 8 इज इक्वल टू 8x8 हो सकता है, 40 दे रखा हो तो बहुत बड़ा चेस बोर्ड, एक नंबर दे रखा होगा, बहुत बढ़िया। मुझे यहाँ पे जितना मेरे को नंबर दे रखा है, जितना मेरा डायमेंशन है, ऑफकोर्स स्क्वायर होगा रेक्टेंगल कभी नहीं होगा, मेरे को उतनी ही क्वींस, मेरे को एन नंबर ऑफ क्वींस प्लेस करनी है, प्लेस करनी है इन एन क्रॉस एन चेस बोर्ड, इन एन क्रॉस एन चेस बोर्ड, सच दैट वो मैं ऐसे प्लेस करूं कि वो एक दूसरे को मारना दे एक मूव के अंदर। क्या मतलब, ये देखिए, अगर मान लीजिए कि पहली क्वीन मेरी इधर है, मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो दूसरी अगर मेरी, मेरे को 4 क्वींस प्लेस करनी है इस 4x4 में, तो एक बात बताओ, क्या मैं अपनी दूसरी क्वीन यहाँ लगा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, ये एक बारी में इसको मार देगी, क्वीन पूरा इसको मार सकती है, इसको मार सकती है, तो समझना। फिर मैं अपनी दूसरी क्वीन कहाँ प्लेस करूँ, क्या मैं इधर प्लेस करूँ दूसरी क्वीन? नहीं, फिर से ये इसको मार देगी, राइट, तो ये भी नहीं कर सकते। क्या मैं अपनी क्वीन यहाँ पर प्लेस करूँ? नहीं, ये इसको मार देगी, ठीक है।
तो मेरे को ऐसे फैशन में क्वींस को प्लेस करना है और चारों क्वींस को प्लेस करना है 4x4 में या जो भी n क्रॉस n आपको दे रखा होगा, सच दैट कोई भी किसी को अटैक ना कर सके एक बारी में, राइट? एवरीवन इज सेफ फ्रॉम ईच अदर. इसको हम कहते हैं n क्वीन प्रॉब्लम. प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होगी. एक और चीज़ यहाँ पे, कुछ रूल्स होते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग अगर वो रूल्स ना भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता. रूल ये है कि मैं हर रो के अंदर सिर्फ एक ही क्वीन को प्लेस करूँगा. हर रो में एक ही क्वीन प्लेस होगी. काफ़ी ऑब्वियस सी बात है यार, मैं किसी और क्वीन को प्लेस कर भी नहीं सकता, ये इसको मार देगी, है ना? तो ये बहुत ही ऑब्वियस है, इस रूल को ना भी बोलते तो भी समझ आ जाता. तो ऐसा है कि मैं हर रो में, जैसे एक क्वीन यहाँ की, एक की यहाँ की, यहाँ की, ठीक है, हर रो में एक क्वीन प्लेस करनी है मेरे को. पॉइंट नंबर वन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और मुझे हर कॉलम में, हर कॉलम में एक ही क्वीन होनी चाहिए. अगेन वेरी ऑब्वियस, अगर मान लीजिए ये इधर होती तो हर रो में एक क्वीन तो हो गई, लेकिन ये इसको मार देगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो ये भी नहीं करना मुझे. हर मेरे को रो के अंदर एक क्वीन रखनी है और हर कॉलम के अंदर एक क्वीन रखनी है. उसमें भी ऐसा नहीं है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन मतलब कहाँ पे रखूँ मैं क्वींस को. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये इसको मार देगी, ये भी इसको मार देगी, ठीक है? तो ये बिल्कुल नहीं करना मेरे को. चारों को ऐसे रखना है कि कोई भी क्वीन किसी को ना मारे, ठीक है? तो अगर आप में थोड़ा सा, मतलब थोड़ी सी वो जाग रही है, क्या बोलते हैं, छोटा बहुत स्पार्क आ रहा है आपके दिमाग में कि क्या हो सकते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर मैं आपको एक बात बताऊँ थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, तो एक बात बताओ. सबसे पहले रख के देखते हैं, अगर मेरी पहली क्वीन इधर है तो इसका मतलब ये यहाँ पे तो आने ही नहीं देगी किसी को, यहाँ पे भी नहीं आने देगी और यहाँ पे भी नहीं. क्वीन क्योंकि देखो यहाँ चल सकती है, यहाँ चल सकती है और यहाँ भी चल सकती है, यहाँ चल सकती है, यहाँ चल सकती है, आठ डायरेक्शन. अब ऑब्वियसली इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये उसने ब्लॉक कर दिया. अब यहाँ मैं किसी क्वीन को नहीं लगा सकता वरना ये मार देगी उसको. यहाँ पे भी नहीं लगा सकता और यहाँ पे भी नहीं लगा सकता, दीज आर ब्लॉक्ड. तो आप देख सकते हो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं रखने की कोशिश करता हूँ कि टेक्निकली 4x4 में कैसी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है. पहले मेंटली बस बना के देखते हैं फिर कोड लिखेंगे, पहले क्वेश्चन तो समझ आना चाहिए ना हमें. तो एक बात बताओ, अगर मैंने इस क्वीन को यहाँ लगा दिया तो मैं अपनी अगली क्वीन, सबसे पहली बात तो एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इस रो में तो मैं लगाऊंगा ही नहीं. तो इट इज़ बेटर कि आप इस रो के अंदर, आप इस रो के अंदर देखे ही ना, देखे ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई और क्वीन लगानी ही नहीं है, सीधा अगले में दे चेक करो, ठीक है? यहाँ लगा ही नहीं सकता. तो मैं देखता हूँ क्या मैं क्वीन को यहाँ लगा सकता हूँ, नहीं मार देगी. क्या मैं क्वीन को यहाँ लगा सकता हूँ, नहीं मार देगी. क्या मैं क्वीन को यहाँ लगा सकता हूँ, हाँ. क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ, हाँ, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ लगाता हूँ, समझ रहे हो? तो सबसे पहले मैंने अपनी क्वीन लगाई इधर, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने ये एरिया ब्लॉक कर दिया, बोला कि अब भाई यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, वरना मैं मार दूंगी उसे, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, उसको भी मार दूंगी और ये 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 इनको भी मार दूंगी मैं. तो एक क्वीन की वजह से इतनी सारी जगह गिर गई. अब मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता, अब मैं इतनी छोटी सी इन 6 जगहों पे मेरे को क्वीन लगानी है, ठीक है? मैं सेकेंड रो पे आया तो मैंने देखा नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, लगा सकता हूँ, तो यहाँ लगा देते हैं क्वीन. लेकिन जब मैंने यहाँ पे क्वीन लगा दी तो ये भी क्या बोलती है, मैं इसको मार दूंगी, मैं इसको मार दूंगी, इसको मार दूंगी, इसको मार दूंगी, इसको मार दूंगी, इसको भी मार दूंगी, इसको भी मार दूंगी, इसको भी मार दूंगी, ठीक है? तो ये किस किस को मार देगी, चलिए वो देखते हैं. सबसे पहले अपने से ऊपर नीचे मार देगी, इसको भी मार देगी, फिर दे देखो इसको भी मार देगी, इसको भी मार देगी, इसको भी, फिर अपने डायगोनल्स में इसको मार देगी, इसको मार देगी, इसको मार देगी, फिर अपने ऊपर इसको मार देगी ऐसे में और इधर इसको भी मार देगी. तो ये तो सबको, क्योंकि देखो इसको ख़त्म कर दिया, इसको, इसको और इसको. अब आप देख सकते हो सब सब रेड हो गए. अब मैं अपनी तीसरी क्वीन जब लगाने की कोशिश करता हूँ, इस रो में लगाऊंगा, ऑफ कोर्स हर रो में एक क्वीन होनी चाहिए, मैं बोलूँगा अरे लगा ही नहीं सकता, ये तो ब्लॉक हो गए, क्योंकि अगर यहाँ लगाऊंगा ये मार देगी, यहाँ लगाऊंगा ये मार देगी, यहाँ लगाऊंगा ये वापस से मार देगी, यहाँ लगाऊंगा ये मार देगी. तो इसका मतलब ये है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर मैं अपनी पहली क्वीन इधर रखूँ, दूसरी इधर, तो मैं तीसरी लगा ही नहीं सकता. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बैक ट्रैकिंग. बैक ट्रैकिंग मतलब वापस पीछे ट्रैक करना, यही तो मीनिंग है. तो मैं बैक बैक दबाते रहता हूँ, अंडू, ये देखो बैक 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 बैक. कब तक दबाऊंगा एक बार बड़े गौर से देखना, इस क्वीन को जब तक मैं हटा दूँ, हटा दिया. इसका मतलब यहाँ नहीं लगा सकता मैं अपनी सेकेंड क्वीन, नो, क्योंकि अगर मैं अपनी सेकेंड क्वीन यहाँ लगा दूँ तो वो थर्ड क्वीन को लगने ही नहीं देगी. तो ठीक है, यहाँ पर अपनी सेकेंड क्वीन हम नहीं लगा सकते, यहाँ पे अपनी सेकेंड क्वीन नहीं लगा सकते, तो मैं इधर लगाऊंगा. मैं काम करता हूँ, यहाँ पे अपनी क्वीन लगा देता हूँ,
सेकंड वाली। अब अगर मैं यहाँ क्वीन लगा दूंगा तो ये इसको ख़त्म कर देगी और इसको ख़त्म कर देगी अपने इसको, इस डायगनल को और इस डायगनल को, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो एक बार रेड रेड कर देते हैं कि भाई ये इसको भी नहीं छोड़ेगी, इसको भी नहीं छोड़ेगी, इसको भी नहीं छोड़ेगी, फिर अपने इसको 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 ये वाली दोनों डायरेक्शन देख ली, फिर अपने डायगनल्स को भी नहीं छोड़ेगी ये बिल्कुल भी, इस वाले ऊपर तो कुछ है ही नहीं और इसको भी नहीं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वीन लग गई अच्छे से। अब मैं थर्ड रो पे आया, पहली दो रोज का काम हो गया, मैं थर्ड रो पे आया, मैंने देखा कि यहाँ पे क्वीन लग सकती है, नहीं रेड हो रखा है यहाँ पे, इसलिए नहीं क्योंकि ये मार देगी। क्या यहाँ पे क्वीन लग सकती है? यस, यहाँ और यहाँ भी नहीं लग सकती क्योंकि ये और ये मार देगी, यही यहाँ लग सकती है, ये भी नहीं मार पाएगी और ये भी नहीं मार सकती। तो ठीक है, यहाँ पे क्वीन लगा देते हैं, थर्ड लग गई, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर यहाँ क्वीन लगी तो ये क्या बोलेगी यार, कि मैं इसको 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 और इसको मार डालूंगी। ठीक है, तो ये अपना क्या कहते हैं, ये दो तीन, एक दो तीन, इनको मार दिया, फिर इसको 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 भी मार दिया, फिर अपना क्या कहते हैं, इसको और इसको भी मार दिया। तो अब जब मैं अपनी चौथी क्वीन लगाने की कोशिश करूंगा तो भरा हुआ है अगेन। तो इसका मतलब इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल कि अपनी जो सेकंड क्वीन है वो यहाँ पे भी नहीं लग सकती। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सेकंड क्वीन यहाँ पे भी नहीं लग सकती, क्योंकि जब थर्ड, देखो थर्ड के लिए यही एक लौता ऑप्शन था, तो इसको हटाओ। अब मैं बैक ट्रैकिंग करूँगा कि भाई थर्ड तो नहीं, भाई ऐसा काम नहीं बनेगा, थर्ड को हटाओ। ठीक है भाई, एक बार के लिए ये देखो थर्ड को हटा दिया। अब थर्ड भी अगर यहाँ से हट गई तो इसका मतलब थर्ड कहीं और लगाते हैं, लेकिन कहीं और जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड क्वीन को भी हटाओ, सेकंड की ये गलत जगह हटाओ। बैक 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 बैक, हट गई। तो मेरी जो सेकंड क्वीन है ना, वो यहाँ लग सकती, यहाँ लग के प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये इसको भी भर देगी, यहाँ भी नहीं लग सकती, प्रॉब्लम हो जाएगी, फोर्थ नहीं लग पा रही। तो इसका मतलब सेकंड क्वीन कहीं नहीं लग सकती, तो वापस बैक ट्रैकिंग करो, फर्स्ट क्वीन की गलत जगह है, गलत जगह देखना। क्या समझाना चाह रहा हूँ, बैक 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 बैक, ठीक है बैक, जो भी एक बार हटाओ इन सबको। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वीन मेरी यहाँ नहीं लग सकती, यहाँ नहीं लग सकती, तो फर्स्ट क्वीन को यहाँ लगा के देखते हैं यार, क्योंकि फर्स्ट यहाँ लगती है तो नहीं बैठ पा रहा मेरा एन क्वीन। मैंने यहाँ लगाई अपनी फर्स्ट क्वीन, तो इसने क्या बोला, यार अब तुम यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है, और यहाँ नहीं आ सकते, और डायगनल्स यहाँ नहीं आ सकते, और यहाँ पे भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मार देगी, मार देगी, मार देगी, मार देगी, मार देगी, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब मैं अपनी सेकंड क्वीन लगा के देखता हूँ, तो मैं सेकंड क्वीन जब लगा के देख रहा हूँ तो यहाँ तो जा ही नहीं सकता, यहाँ अभी के लिए जा सकता हूँ, ये खाली स्पॉट है, यहाँ तो मरने वाले स्पॉट है, ऐसे ऐसे मर जाऊँगा मैं, मर जाएगी ये, बच जाएगी। तो यहाँ पर लगा देते हैं सेकेंड क्वीन, बहुत बढ़िया। अब जब सेकेंड क्वीन यहाँ लगाई तो ये भी तो भाई इसको मार देगी अपने से ऊपर, इसमें ऐसे सब में, और ऐसे भी सबको मार देगी, ये तो ऑलरेडी रेड हो रखे थे, चलो, और ये ऐसे भी मार देगी सबको, और ऊपर भी और ये वाला भी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, मैंने यहाँ पे दूसरा नहीं बनाया आई थिंक, ठीक है भाई, ये ऐसे 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 सबको मार देगी। ठीक है भाई, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, बहुत बेहतरीन। अब देखिए, अब तीसरी क्वीन लगा के देखते हैं इधर, तो यार ये अभी भी सेफ स्पॉट है, दिस इज़ अ सेफ स्पॉट, यहाँ ये भी नहीं अटैक कर सकती, ये भी नहीं, तो यहाँ पे लगा देते हैं तीसरी क्वीन, लग सकती है बिल्कुल। एंड जैसे यहाँ पे तीसरी क्वीन लगी, ये कहती है कि भाई मैं इसको ख़त्म कर दूंगी, जो है जो मेरे ऊपर नीचे है इसको भी ख़त्म कर दूंगी, जो मेरे डायगनल में है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और जो मेरे इस वाले डायगनल में है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है भाई, अब मैं आया अपनी चौथी रो में, नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, लगा सकता, तो यहाँ पे मैंने लगा दी अपनी चौथी क्वीन, एंड दिस इज़ अ सेफ स्पॉट। तो यस, अगर आप नोटिस करोगे, क्वीन 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 अगर मैं ऐसे लगाऊँ 4x4 में, तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे को अटैक नहीं कर सकती, देखिए ये कभी भी अटैक नहीं कर सकती, दीज आर ऑल फ्री। ठीक है, इसकी बात करूँ तो देखो, ठीक है मैं इसकी बात करूँ तो ये देखिए, ठीक है ये, इसकी बात करूँ तो ये देखिए, अटैक नहीं कर पा रही कोई किसी को, तो दिस इज अ वैलिड configuration। I hope आपको ये समझ आ रहा होगा। सिमिलरली और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे एक वैलिड कॉन्फिगरेशन निकला, जैसे मैं इसी में आपको अगर समझाऊँ, देयर कैन बी वन मोर मेथड इन दिस, एक्चुअली हमारे पास एक और तरीका होता है क्वींस को लगाने का। 4x4 में दो ही तरीके होते हैं, और वो तरीका क्या होता है, जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं यार।
अगर मैं इसी के जैसा एक और सिमेट्रिकल ये बनाऊँ, ये अब देखना मैं करना के वाला हूँ, ये बना दिया मैंने, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, तो ये भी आपस में अटैक नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसको 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 अटैक नहीं कर पाएगा कभी, ठीक है। ये इसको भी अटैक नहीं कर सकता, इसको भी नहीं, और बाकी सिमिलरली। तो दीज आर टू वैलिड कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली मुझे अभी क्या करना है, अभी के लिए मान लेते हैं मुझे सारे कॉन्फ़िगरेशन ऐसे में प्रिंट करने हैं। और प्रिंट मेरे को कैसे करना है, मान लीजिए प्रिंट मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक्स 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 एक्स, जहाँ पे क्वीन नहीं लगा रखी वो एक्स, और जहाँ पे क्वीन लगा रखी है मैं क्यू प्रिंट करके दिखा दूंगा। तो ऑफकोर्स आई विल नीड अ टू क्रॉस टू सॉरी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स या टू डी एरे, टू डी एरे में हम काम करते हैं। लेकिन इसकी अगेन अप्रोच क्या रहने वाली है हमारी, हमारी अप्रोच यार इसमें अभी के लिए ये नहीं रहेगी कि मैं जब एक क्वीन को प्लेस कर रहा हूँ तो मैं रेड 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 बना रहा हूँ, नहीं, मैं बस ये देखूंगा क्या क्वीन को प्लेस करना सेफ है। मतलब अब देखना मेरा तरीका ये रहने वाला है, कॉपी, ये देखना जो मैं करूँगा, मेरे को जैसे एन क्वीन प्लेस करनी है तो मैं एक एक करके सारी रोज में प्लेस करने वाला हूँ एन क्वीन्स को, और ऐसे करूँगा, देखना मैं ऐसे करने वाला हूँ, ठीक है, मैं ऐसे करने वाला हूँ। इनिशियली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनिशियली मैं सब में इनफैक्ट एक्स एक्स भर दूंगा, ठीक है, इनिशियली एक्स भरना ज़रूरी है, एक्स को मैं पहले से ही फिल कर दूंगा, ठीक है, मैं अपनी मैट्रिक्स लूंगा उसको एक्स से फिल कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आया यहाँ पे और मैंने देखी अपनी फर्स्ट रो, तो मैं अपनी फर्स्ट रो पे आया, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वींस क्वीन भरना शुरू करूंगा, एक ही क्वीन को भरूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं सबसे पहले देखूंगा क्या ये वाला प्लेस सेफ है, कि इस सेफ ये वाला पर्टिकुलर प्लेस, ये जो सेल है, क्योंकि 2D एरे है ना, तो 0 1 2 3 0 1 2 3, क्या 0 0 सेफ है। सेफ क्या होता है, सेफ में मुझे बस ये चेक करना है कि भाई एक क्वीन कहाँ कहाँ से पिट सकती है, इधर से जहाँ वो जा सकती है वहाँ से पिट भी सकती है। तो इसके लिए यही तीन डायरेक्शंस है, इनफैक्ट ये पीछे की भी होगी, ये भी होगी, ठीक है, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी, आठ डायरेक्शंस होगी टोटल, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं 8 जगह चेक करूँगा क्या ये क्वीन सेफ है, क्या यहाँ पर कोई और क्वीन तो नहीं लगी, क्या यहाँ पर जैसे इधर कोई क्वीन तो नहीं है, इधर कोई क्वीन तो नहीं है, इधर कोई क्वीन तो नहीं है, इस पे खुद पे कोई क्वीन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा वैसे, ठीक है, इन पे कोई क्वीन नहीं है तो प्लेस कर दो, फिर अगली रो पे आओ, फिर चेक करो, ठीक है, ऐसे करेंगे, हमारा प्रोसेस ये रहने वाला है, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूँ क्वीन को बिल्कुल, तो मैं अपनी नेक्स्ट रो पे आया, मैंने देखा क्या यहाँ पे क्वीन को प्लेस कर सकते हैं, चेक करो सेफ, नहीं नहीं कर सकते प्लेस क्योंकि ऊपर क्वीन है। फिर यहाँ देखो क्या यहाँ पे क्वीन को प्लेस कर सकते हैं, इधर चेक करो, नहीं है क्वीन, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी नहीं 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 है, लेकिन यहाँ पे क्वीन है तो मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता। मैं आगे चेक करूँगा यहाँ पे क्या ऊपर क्वीन है, नहीं 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 सॉरी नहीं और नहीं, तो मैं यहाँ पे क्वीन को प्लेस कर सकता हूँ, तो ऐसे होगा काम, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वीन को प्लेस कर सकता हूँ। फिर मैं अपनी तीसरी रो पे आऊँगा यार, मैं चेक करूँगा क्या मैं यहाँ पे क्वीन को प्लेस कर सकता हूँ, नहीं, क्या मैं यहाँ पे क्वीन को प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चार डायरेक्शन देख ली, फिर अपने डायगनल्स देखो, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक नहीं है तो मैं यहाँ पे क्वीन को प्लेस नहीं कर सकता। आगे देखो, ऊपर देखो, क्वीन को प्लेस नहीं कर सकता, इधर देखो, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक नहीं है तो यहाँ पे क्वीन को प्लेस नहीं कर सकता। और जैसे ही ऐसा होता है, वैसे तो यहीं की यहीं मैं ब्रेक लगा सकता हूँ, बट जैसे ही मैं किसी क्वीन को किसी पर्टिकुलर रो में प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रो में किसी क्वीन को अगर मैं प्लेस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब मेरा वो एन क्वीन का वैलिड नहीं है जो कॉम्बिनेशन है, कुछ और यहाँ पे ट्राई करो, ठीक है, तो कुछ और यहाँ पे ट्राई करो, सिंपल सी बात है। अब एक बार फटाफट यार इसका कोड लिख के देखते हैं, हमें यहाँ पे चीज़ें क्या चाहिए होगी वो देख लेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ प्रिंट कराऊंगा अपनी कॉम्बिनेशन, जितनी भी ये एरेज बनते हैं इसको हम बार बार प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो फटाफट आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, बड़ा कोड रहने वाला है, बहुत मैसिव कोड रहेगा यार, ये छोटा कोड नहीं है, हो सकता है बौखला जाओ थोड़ा सा, लेकिन बैक ट्रैकिंग में यार यही होता है, ठीक है। तो इधर आओ, प्रोजेक्ट बैक ट्रैकिंग, आई विल मेक अ न्यू फाइल, तो न्यू जावा क्लास, इसका नाम हम रख देते हैं एन क्वींस डॉट जावा, इसको हम लीट कोड पे भी करेंगे, टेंशन मत लेना, कॉपी पेस्ट होगा वो, तो
पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो आ जाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हम एक फंक्शन बनाएंगे इसका जो कि मेरे को क्या करके देगा यार, जो कि मेरे को यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा मेरी n क्वींस। तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा था, मैं एक वेरिएबल ले लूँगा ठीक है int n, यहाँ पे जैसे अभी के लिए 4 लिख लेता हूँ, और मैं एक फंक्शन चलाऊंगा जो मेरे को पूरा काम करके देगा। लेकिन उस फंक्शन में मैं कुछ और चीज़ें भी पास करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा सबसे पहले अपना एक बोर्ड दे दूंगा, चेस का बोर्ड, उसकी डायमेंशन क्या होगी n क्रॉस n। तो चलिए बना लेते हैं, तो मैं int यहाँ पे लिख देते हैं बोर्ड या चेस बोर्ड कुछ भी लिख दो, जिसके डायमेंशन होंगे देखो न्यू int n क्रॉस n, जो भी n है मेरा उतने डायमेंशन का मेरा बोर्ड बन गया। फिर एक काम करते हैं, इस बोर्ड के अंदर सबसे पहले x को भर देते हैं, एंड ये int नहीं रहने वाला यार, कैरेक्टर बोर्ड होगा क्योंकि मैं x और q ऐसी चीज़ें रखने वाला हूँ ना, तो कैरेक्टर का बना देते हैं ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, लूप लगाते हैं for int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एक और लूप फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। पूरे एरे में, 2D एरे में ट्रैवल करो एंड अपना बोर्ड का i j पहले सब भर दो, पूरा का पूरा। किससे भरना है मेरे को, कैपिटल x से भर दो, सिंपल। तो अभी के लिए मैंने क्या कर दिया, अभी के लिए बोर्ड को भर दिया x से, इनिशियल कॉन्फिग्रेशन। अब मैं एक फंक्शन में इसको पास करूंगा जो मेरा सारा काम करके दे देगा, जिसका मैं नाम रख देता हूँ n क्वींस ठीक है, n क्वीन तो इसका ही नाम है, n क्वीन, जिसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे पास करने वाला हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ। यहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें पास करूँगा चलिए उसको देखते हैं। n क्वीन के अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा सबसे पहले तो अपना नंबर n, जो ये है ठीक है। n क्या, रो नंबर, वैसे n की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हर समय बोर्ड की लेंथ निकाल सकता हूँ, इसको रहने देते हैं। मैं सबसे पहले यार यहाँ पे क्या पास करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले पास करने वाला हूँ अपना ये क्या कहते हैं इसको, अपना बोर्ड ठीक है। इस एरे को पास करेंगे और बाय रेफरेंस बार बार इसी में चेंजेस आएंगे, और मैं ना यार एक रो नंबर पास कर दूंगा 0। अब देखना कि यार ये रो नंबर क्या डिनोट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस नाम का सबसे पहले तो यार एक फंक्शन बना लेते हैं क्योंकि ये काम करेगा, तो ऑप्शन प्लस रिटर्न दबाओ, अपने आप बन गया ठीक है। इसका नाम मैं आई नहीं रखूंगा, इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ रो। ये डिसाइड करेगा कौन सा रो नंबर पे मेरे को कब कब क्वीन को प्लेस करना है, सिंपल, ज्यादा कोई मेहनत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे सिंपली एक तो बेस केस बनेगा, रिकर्जन चलने वाली है यहाँ पे, गंदी वाली ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे काम क्या होगा जरा उसको देखना ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर रो के अंदर चेक करूंगा कि क्या मैं अपनी क्वीन को भर सकता हूँ या नहीं। तो मैं उस पर्टिकुलर रो में ट्रैवल करने वाला हूँ, तो चलिए फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट, देखना इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इनफैक्ट इसको मैं जे रख लेता हूँ, जे क्योंकि वो पर्टिकुलर कॉलम ट्रैवर्स होगा। जरा इधर देखिए ऐसा काम होगा, मान लीजिए क्योंकि मैं रो नंबर को पास करा रहा हूँ, तो मैंने रो नंबर 0 पास कराया, अब मैं कॉलम नंबर 0, 1, 2, 3 इस रो का ये चेक करूंगा क्या ये इनमें से कौन सा ऐसी जगह है जो कि सेफ है, कौन सी ऐसी जगह है जो सेफ है। अगर सेफ है तो क्वीन को प्लेस करके आगे बढ़ो, अगली रो पे आ जाओ, ये काम करने ठीक है। तो क्योंकि कॉलम है तो मैं जे रख रहा हूँ। एक और चीज़, मैं हर समय एक एन निकाल के रख लूँगा, एन कुछ नहीं है, अगर मैं बोर्ड की लेंथ निकालूँ तो भाई एन ही तो होगी, वही तो एन होगा, तो इसलिए मैं कह रहा था एन को पास करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर समय एन को निकाल सकते हो, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ पर मैं क्या चेक करूँगा, बोर्ड का उस रो का वो वाला कॉलम, यानी कि ये जे, उस रो का ये वाला जे ठीक है, मेरे को ये चेक करना है कि इस जे पे मैं अपना क्वीन भर सकता हूँ या नहीं। क्वीन को ऐसे भरेंगे हम हमेशा ठीक है, अगर क्वीन भरनी होगी तो देखो ऐसे भरेंगे ठीक है, ऐसे मैंने क्वीन को मार्क कर दिया। लेकिन इसको मैं सिर्फ तभी मार्क करूँगा एक कंडीशन के तहत, कमांड एक्स, अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा इस सेफ, अगर सेफ है इस बोर्ड के अंदर इस पर्टिकुलर रो, यानी कि ये जो रो मेरे को मिली हुई है रो, और जो ये कॉलम है जे, इसको भरना, इफ दिस इज सेफ, इस ट्रू भी लिख सकते हो, ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इट इज सेफ टू फिल, यहां पे क्वीन को भरना अगर सेफ है तो क्वीन को भर दो। अभी ये चल क्या रहा है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, अच्छे से करने वाले है कि अगर ये सेफ है यहाँ पे भरना, जो मैं कह रहा था ना सेफ चेक करनी है, काफी सारी कंडीशन लगेगी यहाँ पे, ये अलग फंक्शन बनेगा सेफ वाला। तो अगर ये सेफ है तो क्वीन से भर दो, लेकिन सिर्फ इतना काम नहीं करना आपको, सबसे पहले तो क्वीन, उस पर क्वीन मार्क कर दो।
एक बार मैंने क्वीन मार्क कर दी, जैसे एक बार मैंने यहाँ पे क्वीन मार्क कर दी, तो मैं यहाँ चेक करूंगा ही नहीं, मैं सीधा अगली रो पे आ जाऊंगा, तो मैं रिकर्शन लगाऊंगा, मैं रिकर्शन लगाऊंगा। अब देखना, मैं वापस से फंक्शन को कॉल करूंगा लेकिन रो प्लस वन करके, बड़े ध्यान से देखना। अब जब मैंने बोर्ड भर दिया तो मैं क्या करूंगा, इसी फंक्शन को कॉल लगाऊंगा एन क्वीन। यहाँ पे क्या देना था मेरे को, एक तो बोर्ड भरना होता है और रो। अब रो की जगह मैं रो प्लस वन भरने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं आगे रिकर्जन चलाऊंगा और जैसे ये काम पूरा हो जाता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू बैक ट्रैकिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू बैक ट्रैकिंग। इसका मीनिंग समझाऊंगा, मैं वापस से अपने बोर्ड के अंदर एक्स को भर दूंगा, ठीक है। मैं वापस से अपने बोर्ड के अंदर यहाँ पे एक्स को भर दूंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज बैक ट्रैकिंग। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको समझाया था यार पहले भी। इधर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्वीन भरी, मैंने देखा कि ये सेफ है पूरा, यहाँ पे क्वीन भर दी, तो मैंने रिकर्शन का कॉल लगाया, तो अभी कॉल पे है, अभी हम कॉल पे है, तीसरी लाइन अभी हिट ही नहीं हुई। ये देखो, ये पहली लाइन है, क्वीन भरी, कॉल लगाया, अभी ये लाइन चली ही नहीं है। तो ये देखिए, मैंने पहली लाइन पे आया, क्वीन भरी, कॉल लगाया, मैं सेकंड लाइन पे आ गया क्योंकि रो प्लस वन पास हुआ है इस समय, ठीक है। तो फर्स्ट रो पास हो गई, पहले जीरो थी। यहाँ पे मैंने देखा, क्या ये सेफ है, ना, यहाँ नहीं लगा सकता, यहाँ पे मैं लगा सकता। क्या ये सेफ है, हाँ अभी के लिए सेफ है क्योंकि कोई और क्वीन है ही नहीं, तो दिस इज सेफ। मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी क्वीन, फिर मैंने वापस से कॉल लगाया, तो मैंने चेक किया, क्या ये सेफ है, नहीं। क्या ये सेफ है, नहीं। क्या ये सेफ है, नहीं। क्या ये सेफ है, नो, ठीक है। इनफैक्ट ये तो इसी से सेफ नहीं होगा, ठीक है, तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो जब बिल्कुल भी मेरा सेफ नहीं हुआ तो मेरे को आगे कोई और काम करने थे यहाँ पे, है ना, मुझे आगे यहाँ पे काम करने थे, राइट। यहाँ से मेरे को ख़त्म कर देना है कि अगर मैं यहाँ पे एक भी क्वीन नहीं भर पा रहा, इसका मतलब मेरा एन क्वीन का कॉन्फ़िगरेशन खराब है, ठीक है। तो मैं वापस से बैक ट्रैकिंग करूँगा, मतलब पीछे जाके जो रिटर्न करूँगा एक तो मैं, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो मैं एक तो रिटर्न करूँगा एंड मैं वापस इस पे जाऊँगा और मैं बोलूँगा यहाँ से हटाओ क्वीन को, नो, इसको वापस से एक्स बनाओ, ठीक है। मैं कहता हूँ इससे काम नहीं बन पा रहा, इसको वापस से एक्स बनाओ। अब यहाँ पे ट्राई करो, क्योंकि लूप तो मेरा चल रहा था ना यार, मैं ऐसे लूप चल रहा था, इधर आके लूप के बीच में ही कॉल लग गया था। अब यहाँ पे चेक होगा, क्या ये सेफ है, हाँ, तो यहाँ पे लगेगी हमारी क्वीन। फिर जैसी क्वीन लगी हम अगली रो में आ गए, एंड सो ऑन, यहाँ नहीं लग सकती, यहाँ लग सकती है, ठीक है, तो यहाँ एक बार के लिए क्वीन लग जाएगी, एंड सो ऑन। ऐसे करके अब मेरा काम जो है वो होने वाला है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं, ये तो हो गई यार हमारी बैक ट्रैकिंग। अगर मेरा ये जो क्वीन है ये सेफ है तो ही ये सारा मेरा यहाँ पे जो है काम वो हो पा रहा है। आफ्टर दिस, जैसे ही जैसे मेरा ये मान लीजिए ख़त्म होता है, जैसे ही अगर मेरा ये ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा, तो एक बात बताइए, अगर कभी भी ऐसा हो रहा है कि जो मेरी पूरी रो अनसेफ थी, मतलब जब मैंने, इधर देखिए, जब मैं यहाँ पे क्वीन लगा रहा था, यहाँ पे एक्स था, तो ये पूरी रो अनसेफ थी, यहाँ से मर जाएंगे, यहाँ से मर जाएंगे, यहाँ से मर जाएंगे, यहाँ से मर जाएंगे, एक भी बार अगर इस सेफ कंडीशन ही नहीं लगी तो मेरी नेक्स्ट कॉल ही नहीं लगेगी। और एक बात समझना, मैं रो बाय रो कैसे आ पा रहा हूँ कॉल से, इधर देखिए, जब मैं कॉल लगा रहा हूँ रो प्लस वन तो ही आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में आपका आंसर वैसे भी नहीं आएगा, तो टेंशन मत लेना उस चीज़ की कि उसको देखेंगे कैसे, ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको। अब मुझे एक बेस केस बनाना है, बेस केस क्या बनेगा वो देखना, कि भाई कभी भी अगर मेरी रो बराबर एन हो गई, मतलब मैं बार बार कॉल लगाए जा रहा हूँ और लास्ट में मैं एक और बार कॉल लगा रहा हूँ, चारों क्वींस को मैंने भर दिया, तो ही तो मैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये क्वीन भरी, ठीक है, मान लीजिए ऐसा हुआ है, ये क्वीन भरी, ये क्वीन भरी, ये क्वीन भरी और ये क्वीन भरी, फिर मैं अपनी अगली रो पे आ गया जो कि मेरा ख़त्म हो गया है, तो इस समय मैं कह सकता हूँ मेरी वैलिड कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है। जैसे ही मेरा ये काम हो गया, रो इक्वल टू एन मेरा हो रहा है, तो सिंपल एक काम करो, जो तुम्हारा चेस का बोर्ड था इसको भाई प्रिंट करा दो। तो चलिए इसको प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कैसे होता है, कॉपी पेस्ट करते हैं यार, ये लीजिए, मुझे बस प्रिंट कराना है, मुझे बस प्रिंट कराना है, एस आउट, सीधा लिखो एस आउट, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दो अपना बोर्ड का आई जे, समझ रहे हो, ये बस प्रिंटिंग करा रहा हूँ, इनफैक्ट नेक्स्ट लाइन में नहीं करेंगे, ऐसे ही प्रिंट करेंगे, एंड यहाँ पे दे दूंगा मैं नेक्स्ट लाइन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये तो एक 2D array को प्रिंट कर रहा हूँ मैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि कंडीशन मेरी हिट हो चुकी है। एंड एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिटर्न ख़त्म भी करना है, इसके बिना दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, तो रिटर्न करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ये काम हो रहा है ख़त्म भी करो, ठीक है।
तो ये कोड मेरा चल जाएगा? बिल्कुल, चलिए इस कोड को चला के देखते हैं। लेकिन ये फंक्शन कौन बनाएगा? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, अब सबसे मेहनत का काम हो जाता है। चलिए ठीक है, इनफैक्ट मैं इसकी जगह एक फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, डिस्प्ले द बोर्ड, उसके लिए अलग फंक्शन बना सकता हूँ, मर्जी है वैसे तो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन बनाते हैं इस सेफ, ठीक है बन गया ये रहा, और बूलियन ही बनेगा क्योंकि ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है ये, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अंदर एक बोर्ड जा रहा है, ये हमारे रो जा रही है, और ये कॉलम नंबर था जे, तो एक तरह के काम करते जे की जगह कॉलम लिख देते, एक ही बात है, थोड़ा बेटर रहेगा आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। फटाफट आते हैं इसमें और देखते हैं कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, कैसे इसका कोड लिखेंगे। अब कोई भी चीज़ सेफ कैसे हो सकती है? कोई पर्टिकुलर पोजीशन, ये सेल है, रो कॉमा कॉलम नाम का वो सेल है, वो सेफ कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा, क्या देखूंगा, चेक करो, क्या चेक द रो, मतलब वो पर्टिकुलर पूरी रो चेक कर लो। जैसे मान लीजिए मैंने इधर क्यू लगाना है मुझे, तो मैं पूरी की पूरी रो चेक कर लूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, ये चार चीज़ें हो जाएगी ना यार, ये बेकार रहेगा। इससे अच्छा इस पूरी रो और इस पूरी कॉलम को, इस पूरी रो पूरी कॉलम को चेक कर लो। अगर गलती से भी आपको कहीं पे भी क्यू दिख जाता है तो फॉल्स रिटर्न कर दो कि मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रो पे और उस पर्टिकुलर कॉलम दोनों पे देख लो, रो और कॉलम हमारे पास है। तो सिंपल सी काम चलेगी यार, चेक रो, सबसे पहले अपनी पर्टिकुलर रो चेक करो जिसमें रो नंबर कॉन्स्टेंट रखो ये, और अपने कॉलम नंबर को ट्रवर्स करो। ये देखो, फॉर इंट जे इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे लिख दो जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, अगर इफ बोर्ड का जो हमारा क्या है, रो नंबर जो कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर रो में किसी भी कॉलम पे गलती से भी क्यू पड़ा है तो रिटर्न फॉल्स, सोचना ही नहीं आपको, तो रिटर्न फॉल्स अगर पूरे में कहीं पे भी पड़ा है। ठीक है, तो ये तो हमने रो चेक कर ली। उससे पहले वापस से एक बार ये बना लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू बोर्ड डॉट लेंथ, ये तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बोर्ड की लेंथ पास भी करा सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है वैसे तो। पहले मैंने रो चेक कर ली, वेरी सिंपल, ये बड़ा सिंपल है। सिमिलरली अपना कॉलम चेक करो, कॉपी पेस्ट करके चेक द कॉलम। कॉलम के केस में मैं रो को ट्रैवर्स करूंगा, उस पर्टिकुलर कॉलम की बात हो रही है तो मैं अलग अलग रो नंबर को बढ़ाऊंगा अपना। ठीक है, तो रो नंबर मेरा वेरी करेगा, तो मैं आई को रो नंबर से डिनोट कर रहा हूँ, तो मेरा रो नंबर वेरी करेगा एंड मेरा कॉलम जो ये कॉलम पास किया था वो कॉन्स्टेंट रहेगा, कि उस पर्टिकुलर कॉलम में विद वेरिंग रो क्या कोई क्यू तो नहीं, अगर है तो फॉल्स। तो मैंने अपना पूरा रो पूरा कॉलम चेक कर लिया, वेरी वेरी सिंपल। अब बात आती है कि बाकी चार चीज़ों के बारे में, दिस इज़ अ टफ थिंग, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि वो कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि फोर डायगनल्स है, मैं एक बारी में एक डायगनल को चेक करना मुश्किल है, और ऐसे में तो मैं ऐसे ऐसे चार चीज़ें देखूंगा, दिखाता हूँ आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस बार बना के दिखाता हूँ। थोड़ा सा बड़ा चेस बोर्ड बनाऊंगा ना तो कुछ अच्छा बन जा भाई कुछ भी अच्छा नहीं बनता क्या आजकल? हाँ, तो ये देखिए, मैं थोड़ा बड़ा चेस बोर्ड आपके सामने दिखाने की कोशिश करूंगा, इसमें आपको आइडिया लगेगा एक पर्टिकुलर सेल से कौन सी डायरेक्शन होती है जहाँ पे मेरे को चेक करना होता है। ठीक है, कौन सी ऐसी डायरेक्शन होती है जहाँ पे मुझे चेक करना होता है। ठीक है भाई, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात बना दिया, चलो मैंने तो यहाँ पे भी सात ही बना देते हैं यार, एक दो तीन चार पाँच छः है क्या, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, इस सातवें वाले को हटा देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यार ये मेरा चेस बोर्ड है और मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल अपनी क्वीन को लगाना है यहाँ पे, यहाँ पे, तो मैं कौन सी चीज़ें चेक करूँगा? मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ ये वाली चीज़ें कि भाई ये और ये, इसको तो मैं एक सिंगल स्ट्रोक में चेक कर चुका हूँ। सिमिलरली मैं इसको भी चेक कर चुका हूँ, ये तो सिंपल है, चेक दिस रो, दिस इज़ रो, दिस इज़ कॉलम। अब बात आती है कुछ स्पेशल चीज़ों की, इनकी मेरे को यहाँ पे चेक करना है, क्या यहाँ पे कहीं क्वीन तो नहीं पड़ी गलती से, फिर इस डायरेक्शन में चेक करना है, इन दोनों पे तो नहीं पड़ा कुछ, फिर मेरे को इन दोनों पे चेक करना है और इन दोनों पे चेक करना है, ये नहीं है इस पे चेक नहीं करना, डायगनल प्रॉपर होने चाहिए। तो इनको ना मैं चार डायरेक्शंस बोल देता हूँ, इनको तो मैं एक दो ऐसे ले रहा हूँ, फिर एक दो तीन चार, छः कंडीशन लग जाएगी मेरी, टोटल छः लूप्स। पर बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे होने क्या वाला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करूँगा, मैं इस डायरेक्शन को बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा जैसे ये होता है देखो, नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट, ठीक है, वेस्ट बंगाल इधर होता है तो ईस्ट यहाँ पे होता है, तो ये क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो गया मेरा साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो आई हैव टू चेक दीज फोर कंडीशन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, बस। तो मैं ऐसे नाम दे दूंगा, इस कंडीशन को चेक करो, यहाँ करो, यहाँ करो। यहाँ पे चेकिंग कैसे होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कुछ वेरिएबल बना दूंगा, इनिशियलाइज करूंगा आई को, मान लीजिए आई को अपनी रो नंबर से, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 0 1 2 3 4 5, जैसे 0 1 2 3 4 5, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, ये पर्टिकुलर है मेरा आई कॉमा जे, ये रो होता है ना यार, तो जब मैं ऊपर जाता हूँ, मान लीजिए इधर आ गया, तो दिस इज आई माइनस वन और दिस इज जे, मेरा आगे बढ़ रहा है जे प्लस वन, ठीक है। तो एक बार चेंजेस करते हैं यहाँ पे, फटाफट आ जाते हैं, मेरा आई होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्योंकि मैं ऊपर जाए जा रहा हूँ, ठीक है, तो आई कम हो रहा है और जे लेस देन एन है, कोई बात नहीं, बस चेंज हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आई माइनस माइनस हो रहा है और जे प्लस प्लस हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब एक बार देखते हैं चेक साउथ ईस्ट, चेक साउथ ईस्ट, यहाँ पे अगेन सबसे पहले मेरा मेन काम होगा आई को रो पे सेट कर दो वापस से, जे को एक बार के लिए वापस से कॉलम पे सेट करो, मतलब अगेन मेरा आई इधर आ गया, जे इधर आ गया। अब मेरे को ये चेक करना है साउथ ईस्ट, तो एक बात बताओ, जब मैं डायगनल जा रहा हूँ तो आई कितने से बढ़ रहा है, आई तो ये था 0 1 2 3 4 5, दिस इज आई, एंड 0 1 2 3 4 5, दिस इज जे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे जा रहा हूँ तो आई बढ़ रहा है, तो आई प्लस प्लस, और नीचे जा रहा हूँ तो जे भी बढ़ रहा है, ठीक है, जे इधर हो रहा है तो जे प्लस प्लस, तो मैं दोनों की कंडीशन रखूंगा लेस देन एन। तो यहाँ पे मैं देखूंगा वाइल, जब तक एक तो मेरा आई भी एन से छोटा होना चाहिए और जे भी एन से छोटा होना चाहिए, सेम चीज़ आपको लगानी है, सेम टू सेम, कि भाई अगर ऐसा हो रहा है कि ये क्यू के बराबर है कोई भी, तो फॉल्स रिटर्न कर दो, नहीं हो रहा तो भाई आई प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, आगे चेक करते रहो, ठीक है। अब अगला देखते हैं यार, अब अगला देखते हैं, कॉपी पेस्ट करनी है चीज़ें यार, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। लेकिन अब मेरे को अगला क्या चेक करना है, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, तो इधर आओ, चेक साउथ वेस्ट, वापस से आई को रो पे लाओ, जे को कॉलम पे, सब कुछ सही है। अब कंडीशंस देखते हैं, कंडीशंस में क्या फ़र्क आएगा, साउथ वेस्ट है तो एक बात देखिए, 0 1 2 3 4 5, आई तो फिर भी बढ़ रहा है, जब यहाँ से कोई एलिमेंट इधर आता है तो आई तो देखो 3 से 4 हो रहा है, लेकिन अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसे 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5, दिस इज 3 कॉमा 2, मान लीजिए मैं इधर आ रहा हूँ तो ये कौन सा एलिमेंट है, 4 कॉमा 1, तो आई तो बढ़ रहा है 3 से 4 हो रहा है लेकिन जे कम हो रहा है, तो आई प्लस प्लस, जे माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आई प्लस प्लस, जे करना है मेरे को माइनस माइनस। अब एक और कंडीशन मेरे को यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या अगर आई प्लस प्लस हो रहा है तो वो एन तक चले जाएगा, जे अगर माइनस माइनस हो रहा है तो वो 0 तक चले जाएगा, तो मेरे को जे का मेक श्योर करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ लो, ये तो बड़ी कॉमन सेंस है, ठीक है। अब लास्ट चेक करते हैं अपना, कॉपी पेस्ट अपनी लास्ट कंडीशन जो कि है, इधर देखिए नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 4 5, दीज आर द वैल्यूज ऑफ आई, 0 1 2 3 4 5, दीज आर द वैल्यूज ऑफ जे, इफ दिस इज 3 कॉमा 2, हम इधर जा रहे हैं तो ये वाला पहला जो कोऑर्डिनेट है क्या है, दिस इज 2 कॉमा 1, तो 3 भी कम हो रहा है, 2 भी कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, चेक नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नहीं, चेक नॉर्थ वेस्ट, वापस से इसको रो और कॉलम पे सेट करना बहुत जरूरी है, आई बी आर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दोनों माइनस माइनस हो रहे हैं, समझ लो, सिंपल, दिस इज द चेक कंडीशन। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो रिटर्न ट्रू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये कंडीशंस चेक हुई है ना कुछ बहुत सारी, पहले रो चेक हुआ, देखा अगर ये कभी भी हिट कर रहा है तो फॉल्स, नहीं हुआ तो ठीक है लूप खत्म, फिर कॉलम चेक हुआ लूप खत्म, मान ली ये सारी चीज़ें नहीं चली मेरी, तो इसका मतलब मैं अपनी क्वीन को प्लेस कर सकता हूँ लास्ट में ट्रू रिटर्न कर दूँ। चलिए भाई इस क्वेश्चन को फटाफट रन करके देखते हैं यार आपके सामने, काफ़ी टाइम हो गया इसको चलाते हुए, तो आप देख सकते हो आंसर आ गया एग्जैक्टली यही आया, देखो इनफैक्ट हम हर एक चीज़ को प्रिंट करने के बाद पता है एक काम कर सकते हैं यार, एक नेक्स्ट लाइन और दे दूंगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि स्पेसिंग समझ आए। तो देखिए पहली कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट यही था, मेरी क्वीन एक इधर आती है, एक इधर आती है, एक इधर आती है, एक इधर, अटैक नहीं कर पाएगी, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन भी यही थी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको रन करके देखूँ, एन की वैल्यू मैं 3 दे देता हूँ, यहीं पर तो चेंजेस करने हैं सिर्फ, इसलिए तो कोड हमेशा कंस्ट्रक्टिव लिखा करो, एन को 3 दूंगा तो 3 क्रॉस 3 आ जाएगा, देखो आया ही नहीं कुछ,
क्यों? ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं कि मैं तीन क्वींस को 3x3 में प्लेस करके दिखाऊं। देखो इनफैक्ट 2 में भी नहीं आएगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, रन करता हूँ नहीं आएगा, कर ही नहीं सकता प्लेस। 1 करता हूँ आ जाएगा, एक क्वीन ऐसी आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन आएगी, काफ़ी सारी आ जाएगी। अरे देखो 5x5 में बहुत सारे आंसर आ गए, ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, एंड सो ऑन, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाएगी। जैसे 5x5 के चेस बोर्ड में आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जबकि 4x4 में 2 था, ठीक है। अगर मैं 6 करता हूँ तो 10 से भी ज़्यादा होगा आपके हिसाब से? नहीं, 6 को करते हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर n को बढ़ा रहा हूँ तो मेरे नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n क्वींस बढ़ जाए। अब एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, आ जाइए 3x3 में हम क्यों नहीं लगा सकते क्वींस को, एक बार डिस्कशन करते हैं इसका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए मैं अपनी पहली क्वीन को लगा रहा हूँ इधर, अगर मैंने इधर लगा दिया तो मैं यहाँ भी नहीं लगा सकता, यहाँ पे भी नहीं लगा सकता, वैसे भी इस रो और इस कॉलम में तो वैसे भी नहीं लगा सकते थे। अब मैं सेकेंड रो पे देखता हूँ, क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ? नहीं, मर जाऊँगा। क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ? नहीं, मर जाऊँगा। क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ? यस, यहाँ लगा सकते हैं, दीज आर सेफ फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अगली पे आते हैं, क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ क्वीन? नहीं। क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ क्वीन? नहीं। क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ क्वीन? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब दिस इज फेल्ड, मैं अपनी सेकेंड क्वीन को बैक ट्रैकिंग करूँ, सेकेंड क्वीन को मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता, हटाओ यहाँ से, सेकेंड क्वीन यहाँ नहीं लग सकती। तो अब यहाँ तो ऑलरेडी नहीं लग सकती थी, यहाँ भी नहीं लग सकती थी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी नहीं लग सकती क्योंकि थर्ड नहीं बैठ पा रही। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वीन की गलत स्पॉट है, तो इसको भी हटाओ, अपनी फर्स्ट क्वीन को लगा दो यहाँ, सेफ है, हाँ अभी के लिए सब सेफ है। अब जब मैंने फर्स्ट यहाँ लगाई, अब सेकंड को चेक करो, ये तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। क्या सेकंड क्वीन यहाँ लग सकती है? नहीं। क्या सेकंड क्वीन यहाँ लग सकती है? नहीं। क्या सेकंड क्वीन यहाँ लग सकती है? नहीं। तो इसको हटाओ, बैक ट्रैकिंग करो, ये तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अब एक बार देखो क्या यहाँ पे थर्ड क्वीन लग सकती है, देखते हैं। क्या सेकंड क्वीन यहाँ लग सकती है? हाँ, क्योंकि इसको इसको और इसको अटैक कर रहा है, ठीक है भाई। अब अपनी थर्ड क्वीन पे आओ, थर्ड पे आओ, क्या मेरी थर्ड क्वीन यहाँ लग सकती है? नहीं। यहाँ लग सकती है? नहीं। यहाँ लग सकती है? नहीं। अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल, 3x3 में कोई कॉन्फ़िगरेशन, जीरो कॉन्फ़िगरेशंस, जीरो कॉन्फ़िग्स। सिमिलरली 2x2 तो बहुत ही आसान है, 2x2 तो ऑब्वियस है। एक बात बताओ, अगर एक क्वीन मेरी यहाँ लगती है पहली, तो ये सेकेंड रो में तो कहीं लगी नहीं सकती, यहाँ पे भी मर जाएगी, यहाँ पे भी हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये क्वीन इधर होती तो भी एक ही बात थी, यहाँ पे भी मार देगी, यहाँ पे भी। लेकिन 1x1 में हो सकता है, 1x1 में एक ही जगह है तो यहाँ पे क्वीन लग गई, कोई और अटैक ही नहीं करेगा, सिंपल, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा क्वेश्चन अच्छे से, क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है, एक बार रिविजिट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना मेन फंक्शन बनाया, क्योंकि मेरे को एक 2x2 का एरे पास करना था जिसमें सारी चीज़ें मेरी फिक्स है, जो चेस बोर्ड है, मैंने एक चेस बोर्ड बनाया अपना, जो भी मेरे को एन दे रखा है उतना एन क्रॉस एन का बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने 6 दे रखा है 6 बन जाएगा, 4 दे रखा है 4 का बन के आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसलिए कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है। तो मैंने 4x4 का बनाया, इनिशियली उसको मैंने फिल कर दिया किससे, एक्स से। फिर मैंने बस एक फंक्शन लगाया जो मेरा सारा काम कर रहा है, एन क्वीन, जिसमें मैंने बोर्ड को पास किया, एंड दिस जीरो इज रो नंबर, कि इस पर्टिकुलर रो में भरो, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, मैंने ये फंक्शन चलाया, यहाँ पे कुछ नहीं, सबसे पहले लेंथ निकाली, ठीक है, सिंपल। ये बेस केस है, अभी इसके बारे में बात करते हैं, पर काम क्या हो रहा है उसको देखते हैं। काम ये हो रहा है, ये मेरा काम हो रहा है, दिस इज द वर्क, वर्क एंड कॉल, वर्क एंड कॉल, यहीं पे कॉल लग रही है। तो काम ये हो रहा है, चेक हो रहा है कि अगर सेफ है इस पर्टिकुलर रो नंबर, तो मुझे ऊपर से दे रखा है, कॉलम नंबर में सारे चेक कर रहा हूं, अपनी पहली रो जैसे मान ली 0th रो आई, सारे कॉलम को चेक किया एक एक करके। तो पहला चेक किया, क्या ये काम हो पा रहा है, अगर हो रहा है क्वीन भर दो, फिर कॉल भी लगाओ। अब सेकंड रो पे आ जाओ सीधा, ये वाला काम बाद में होगा, बैक ट्रैकिंग है। फिर कॉल लगाओ, फिर वापस से हम इसमें आए, फिर देखा क्या सेफ है, कॉल लगाओ, कॉल लगाओ, नहीं होते जाता। अगर कोई भी काम मेरा नहीं हो पा रहा है, सेफ ही नहीं है, तो मैं सीधा यार आगे बढ़ जाता हूँ। अगर सेफ ही नहीं है तो ये चीज़ ही नहीं चलेगी, ये चीज़ मेरा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड अगर कभी ऐसा हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर इटरेशन के लिए ये सेफ कभी है ही नहीं, ये कभी के अभी पूरा चला ही नहीं, तो ये फंक्शन ही देखो, आप देख सकते हो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एंड वापस से रिटर्न हो जाएंगे जहाँ से कॉल लगी थी, ठीक है। इसके आगे टेक्निकली स्पीकिंग एक रिटर्न है, पर ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा सकते हैं, दिस इज़ यूजलेस, वॉइड के अंदर ज़रूरत नहीं होती। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे बेस केस क्या कहता है, कि अगर मेरा रो नंबर एंड तक आ गया
एन पे पहुंच गया, इसका मतलब सारी क्वींस को मैं भर चुका हूँ, ठीक है, इसका मतलब सारी क्वींस को भर चुका हूँ, तो भाई उस कॉन्फ़िगरेशन को प्रिंट करा दो और एक नेक्स्ट लाइन देके रिटर्न कर दो, ठीक है। और बाकी फिर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस सेफ ये कुछ नहीं था, इसमें मैंने बस बोर्ड को पास किया अपना वो रो नंबर कॉलम नंबर और चेक किया इस रो और कॉलम पे चारों आठों डायरेक्शंस में क्या काम बन रहा है। ये जो रो है ये मेरी दोनों डायरेक्शंस को चेक कर रही है, क्या ये जो रो है बेसिकली रो मेरा चेक कर रहा है, ऐसी रो है ना, तो ये मेरे क्या कहते हैं यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट दोनों चीज़ों को चेक कर रहा है। जो कॉलम है वो मेरा यहाँ पे, जो कॉलम है वो मेरा यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ दोनों चेक कर रहा है। इसको अलग से भी कर सकते थे लेकिन मैंने कोशिश किया कि एक ही से करके देखा। इसको भी हम वाइल लूप लगा के दो दो कंडीशन कर सकते थे, चार कंडीशन यहाँ चेक हो गई, फिर बाद में ये आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये सब रिटर्न ट्रू, ठीक है। आई होप आपको एन क्वीन समझ आ गया होगा। अब एक काम करते हैं यार, इस चीज़ को हम लीड कोड पे करके देखते हैं। लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फील आएगी आपको, क्योंकि वो अलग भी है, उसमें 2D array नहीं दे रखा, वो थोड़ा गंदा है, लिस्ट दे रखा है, लेकिन हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे मोर और लेस, ठीक है। फटाफट आ जाते हैं यहाँ पे, लीड कोड पे आते हैं एंड पहले एक बार इंटरनेट चला देते हैं यार। तो इधर आ जाते हैं यार, लिखते हैं अपना लीड कोड एंड यहाँ पे एन क्वीन को ही चेक करते हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख देते हैं एन क्वीन, प्रॉबेबली आ जाएगा। दो क्वेश्चंस हैं, ये देखो दो है, एन क्वींस और एन क्वींस टू भी है, बिल्कुल सेम है। रीसेट कर देते हैं यार क्योंकि मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या फंक्शन दे रखा है, मुझे अगेन फंक्शन में सिर्फ एन दे रखा है, वाह, कोई बोर्ड नहीं दे रखा, मुझे बस ये दे रखा है कि अगर ये एन है तो इतने क्रॉस इतने के चेस बोर्ड में क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। और वो जो 2D एरे है ना, मुझे प्रिंट नहीं कराना, ये देखिए जैसे यहाँ पे बड़े अच्छे से दे रखा है कि देखो यहाँ पे रानी लग रही है एक्चुअली में, मैं क्यों लिख रहा था कि ऐसे प्लेस हो सकती है, ऐसे प्लेस हो सकती है, ठीक है, ऐसे करके सीन है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो 2D एरेज है ना, जैसे ये एक 2D एरे है पूरा, इस 2D एरे को एक 2D एरे के एरे में, ये देखिए, एक पहली बात तो 2D एरे की जगह ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना रहे हैं, उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर करके मेरे को रिटर्न करना है। टेंशन मत लेना, कोड सेम होगा, बस थोड़ी थोड़ी हम यहाँ पे चीज़ें चेंज करेंगे। दूसरा, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, ये देखो कि x नहीं है यहाँ पे, डॉट है या फिर q है। तो एक बार डॉट कर लेते हैं, फटाफट इधर आते हैं, देखिए मेहनत नहीं है, हम सबसे पहले इसको डॉट से भर देते हैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, ये देखिए मैं वापस से बस डॉट से भर रहा हूँ आई बिलीव, हाँ बस दो जगह चेंज करना था। रन करते हैं, दिख रहा है आपको ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अपने चेस बोर्ड को ऐसे भरना है और ऐसे। अब बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमें काम क्या करना है, अगर कभी भी ये देखो कोई वैलिड कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो मुझे इसको 2D कैरेक्टर एरे में नहीं भरना, मुझे इसको 2D कैरेक्टर एरे में स्टोर नहीं करना, मुझे इसको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर करना है। मतलब मैं यहाँ पे मानूंगा कि ये डॉट क्यू डॉट डॉट एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी बेसिकली एक कैरेक्टर एरे होता है, और फिर उसकी लिस्ट, उसकी एक एरे लिस्ट कि जिसमें पहली स्ट्रिंग ये, दूसरी स्ट्रिंग ये, तीसरी ये, चौथी ये सारी ऐड हो जाए, और वो जो लिस्ट बने वो एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बने जिसमें एक आंसर स्टोर हो रहा है। अब उसकी भी एक लिस्ट बनानी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी भी एक लिस्ट बनानी है, एक तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, उसकी भी एक लिस्ट बनानी है जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करके रखना है, बस ज़्यादा मेहनत नहीं है, घबराओ बिल्कुल भी मत। तो एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं कोड को। सबसे पहले तो आप देख सकते हो इंट एन, क्योंकि मुझे यहाँ पे एन दे ही रखा है फंक्शन के थ्रू, तो कॉपी पेस्ट ऐसे होगा, आपको कॉपी पेस्ट ही करके दिखाता हूँ, क्यों बार बार नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो मैं अगेन अपना 2D एरे ही बनाऊंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कॉपी करते हैं, पेस्ट, ये देखिए ये एन तो मेरे को ऊपर से ही दे रखा है, मैंने 2D एरे बनाया, उसमें एक बारी के लिए मैंने डॉट भर दिया, स्ट्रिंग में बाद में देखूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग में बनाएंगे हम, लेकिन वो अच्छा नहीं रहेगा इतना। 2D एरे में सॉल्व करना, बात मानो बहुत आसान है, ये जो मैं i++ j-- स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, 2D एरे में आसान है। जावा की स्ट्रिंग लिस्ट बहुत गंदी है, ठीक है, तो 2D एरे में ही हम करेंगे। तो देखो मैंने एक अलग नया फंक्शन बना दिया एन क्वीन, या फिर इसका हम नाम हेल्पर भी रख सकते हैं, ठीक है, मर्जी आपकी। जैसे मैं एन क्वीन रख देता हूँ, एक अलग फंक्शन बनेगा जो कि मेरे को ये लाके काम करके देगा, बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब ये जो एन क्वीन है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं वॉइड नहीं रखूँगा, ठीक है, एक काम कर लेते हैं ना, हम इसको वॉइड नहीं रखते, इनफैक्ट चलो वॉइड भी रख सकते हैं, हम वॉइड ही रख लेते हैं, और हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक नई लिस्ट बनाएंगे। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जो मेरे को रिटर्न करनी है, अभी ज़्यादा टेंशन मत लेना। मैंने एक लिस्ट बनाई, इसका नाम रखा मैंने आंसर इज इक्वल टू न्यू
array list, ठीक है, और इस आंसर को मैं रिटर्न कर दूंगा एंड में, क्योंकि मेरा रिटर्न टाइप यही है यार, मेरा रिटर्न टाइप तो यही है ना, मैं ऐसे void फंक्शन तो रिटर्न कर नहीं सकता, अगर मेरा रिटर्न टाइप यही है तो मेरे को यही रिटर्न करना होगा। लेकिन अब मैं इस आंसर में वो सारी चीजें स्टोर करा लूंगा, कैसे देखना, मैं अपने एन क्वीन फंक्शन में ना एक और चीज पास करा दूंगा आंसर, अभी देखना होगा क्या, इस पूरी लिस्ट को भी मैं हर बार पास करा दूंगा और आप देखना कि मैं करने क्या वाला हूँ। कॉपी पेस्ट करेंगे अब चीजें, अब एक बार अपने एन क्वीन पे आ जाते हैं, अब एक बार एन क्वीन पे आ जाते हैं और इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करते हैं, ये देखो एग्जैक्टली प्राइवेट वाला कॉपी, लेकिन स्टैटिक हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्योंकि ये वाला हमारा फंक्शन स्टैटिक नहीं है तो इसको भी स्टैटिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, प्राइवेट बना सकते हो, पब्लिक भी लिख सकते हो। एनीवेज तो मैंने बना दिया एन क्वीन, लेकिन यहाँ पे एक और पैरामीटर पास किया था मैंने, क्या, आंसर, जिसका डेटा टाइप था ये, तो इसको उठाते हैं कॉपी, अभी के लिए टेंशन मत लेना, ये बस पास हो रहा है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं हो रहा, ये बस पास हो रहा है, ये कोड सिर्फ इधर देखिए, मैंने बस एक एक्स्ट्रा चीज़ पास कर दी जो कि मेरे को रिटर्न करनी है, इसका अभी काम मैं अभी नहीं करूँगा, अब देखते हैं हो क्या रहा है। सबसे पहले n इज इक्वल टू बोर्ड लेंथ, सब कुछ सारी चीज़ें ठीक है, ये देखो सारी चीज़ें ठीक है मेरी, ठीक है, बट ये मैं चेंज करूँगा बस, ये जो बेस केस होगा यहाँ पे, अब मेरे को प्रिंट नहीं कराना, मुझे स्टोर कराना है, लेकिन इस पर आ जाते हैं, ये कोड सही है, वर्क एंड कॉल, तो मैं इस सेफ चेक करूँगा, वही बोर्ड रो यही सब चेक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है सारी चीज़ें, बट जब मैं अपना रिकर्जन लगा रहा हूँ, जब मैं अपना रिकर्जन लगा रहा हूँ तो मुझे ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, कि ये जो मैं देखो एन क्वीन है ना, एन क्वीन मेरा ये है, तो दिस इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग बोर्ड रो, एक तो बोर्ड हो गया रो प्लस वन, और मेरे को ये लिस्ट भी देनी है, तो मैं साथ में घबराना मत, बस मेरे को अपना एक आंसर भी पास करना है, इसको मैं बस पास कराते रहूँगा अपने इस एन क्वीन में, मैं इस लिस्ट को हर समय बाय रेफरेंस पास कराता रहूँगा बस, और कुछ नहीं करना। अब देखना एंड में क्या होगा, ये काम हो गया बिल्कुल सही है, बस इसको चेंज करूंगा, अगर रो मेरी एन के बराबर है तो एक बार इसको हटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम अपना अच्छा सा काम करेंगे, बट उससे पहले अपनी बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये जो इस सेफ है, इस सेफ का फंक्शन भी मेरे को लाना पड़ेगा, तो आ जाते हैं यार इसके बाद, मैंने बस ये इस सेफ बनाया था, बहुत बड़ा फंक्शन है यार ये तो, बाप रे इतना बड़ा फंक्शन है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करो यार, एज इट इज़ ऊपर आ जाओ कॉपी पेस्ट, इसमें से भी आप बस स्टैटिक को हटा दो बस, इसमें आपको अपना वो लिस्ट पास नहीं करनी बड़ी वाली ना जो ये है, ये लिस्ट आप पास मत करना, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, ये सेम टू सेम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली जो मेरा रो जब एन के बराबर हो जाता है तो जो मेरा ये बोर्ड है ये सेट हो चुका है, इसके अंदर क्वींस सेट हो चुकी है, अब मेरे को इसको प्रिंट कराने की जगह मेरे को इस अपनी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आंसर की लिस्ट में इसके अंदर स्टोर कराना है, तो सबसे पहले मेरे को अपना ये जो 2D एरे है इसको मेरे को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दिस 2D कैरेक्टर एरे इनटू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग अपने आप में एक 1D कैरेक्टर एरे है, उसकी लिस्ट का मतलब या उसकी एरे लिस्ट का मतलब, यहाँ एरे लिस्ट भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है, उसकी एरे लिस्ट का मतलब होता है एक स्ट्रिंग की एरे लिस्ट का मतलब 2D कैरेक्टर एरे एक तरीके से, तो मेरे को ये कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे किया जाए, ऑफकोर्स रो बाय रो मैं कर सकता हूँ, कि मान लीजिए मेरी कॉन्फिग कुछ ऐसी है, ये मेरा वो 2D कैरेक्टर एरे है, तो अपनी 2D कैरेक्टर एरे जो बोर्ड है उसकी फर्स्ट रो का एक एक कैरेक्टर को एक एक स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करो और उसको फिर अपनी लिस्ट में डालो, देखना मैं करूँगा क्या, थोड़ी सी गंदी चीज़ है लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर लूप, तो वही अपना जो बोर्ड है बोर्ड पे ट्रवर्स करो, इंट आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, एंड सेम अपना काम आपको यहाँ पे करना है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू जीरो जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, अपने बोर्ड के अंदर ट्रवर्स करना है इस बोर्ड में जो एन क्रॉस एन का है कैरेक्टर आ रहा है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, हर रो में जब मैं पहली रो में आया तो उस रो में मेरे को एक स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर्स को अपेंड करना है या ऐड करना है, तो मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रिंग str इज इक्वल टू सिंपल ये। अब मैं हर समय जब एक एक कैरेक्टर पे जाऊँगा मैं उस रो की पर्टिकुलर कैरेक्टर पे, तो मैं सिंपल ये लिख सकता हूँ str प्लस इज इक्वल टू ये जो बोर्ड का i कॉमा j है मैं इसमें डाल रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप, कुछ नहीं करना यार, कॉपी पेस्ट हो रही है चीज़ें, यहाँ पे बस एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट हो रही है। जब ये पूरा काम पूरा हो गया यानी कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो पूरी रो आ गई मेरी, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक दूसरी स्ट्रिंग बनाऊँगा जिसको मैं बाहर रखता हूँ, सबसे पहले तो ये बनाना ज़रूरी है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, इसका हम नाम रख देते हैं एल, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नहीं है, ये सिर्फ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, देखो 2D एरे को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाना है, तो एक खाली लिस्ट स्ट्रिंग बना देता हूँ इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, बेसिकली दिस इज 2D एरे, 2D कैरेक्टर एरे का दूसरा वर्जन, क्योंकि मेरे को रिटर्न टाइप वही दे रखा है यार,
तो वही करना पड़ेगा। जैसे ही मेरी स्ट्रिंग बन गई पूरी, तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में एल डॉट ऐड अपनी ये स्ट्रिंग, इसको ऐड कर दो। जब मेरी स्ट्रिंग पूरी खाली थी, बन गई, इसमें ऐड कर दो। तो इस लूप के होने के बाद क्या होगा, ये जो 2D आ रही है कन्वर्ट नहीं होगा, बेसिकली कॉपी पेस्ट होगा, कॉपी दिस 2D कैरेक्टर आ रहे इनटू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये तो एज इट इज है, ये पूरा का पूरा एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में चले जाएगा, और उस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को मुझे इस लिस्ट ऑफ आंसर में डालना है। ठीक है, तो एक ये भी बना लेते हैं अपना, एक ये भी बना लेते हैं, यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं क्योंकि ये तो पास हो रहा है ना मेरा। इसके बाद जब ये मेरा काम हो गया, ठीक है, ये होने के बाद इस पूरी लिस्ट में काम हो जाएगा, इस पर्टिकुलर लिस्ट में, तो मैं लिखूंगा आंसर डॉट ऐड अपनी ये लिस्ट। ठीक है, फिर मैं कर दूंगा रिटर्न आंसर, क्योंकि रिटर्न टाइप मेरा void ही है ना, तो एक काम करते हैं सिर्फ रिटर्न। ठीक है, ये इसमें चेंजेस अपने आप हो जाएंगे। अब देखना आप कोड को चलाते हैं, कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, रन। कई बार यार रिटर्न टाइप्स बड़े गंदे होते हैं, बस वो आपको ध्यान रखना। एक्सेप्टेड सबमिट करो एंड डन, एक्सेप्टेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब इसी का सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करके दिखाऊं एक और, एन क्वींस 2 नाम से, कॉपी पेस्ट। ठीक है, एक बार पहले इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इस कोड को, वो भी ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन पे आता है। इस पूरे कोड को एक बार मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इतना कॉपी, एंड आ जाते हैं यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चंस, एन क्वींस 2। ठीक है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, एन क्वींस 2 बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है मेरा, कन्फर्म करते हैं एक बार ये देखो। पर लेकिन यहाँ पे मेरे को इंटीजर रिटर्न करना है, मतलब यहाँ पे बस मुझे ये बताना है कि जैसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे अगर मेरा एन 4 है, 4 वाले चेस बोर्ड में 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार। यहाँ पे आप बस एक काम करना, अपनी उस एरे लिस्ट को रिटर्न करने की जगह जो पूरा लिस्ट आंसर बन रहा था उसका साइज रिटर्न कर दो। जितना उसका साइज होगा उतने उसमें कॉन्फ़िगरेशन दूंगी। और तो उससे भी बेटर ये है कि आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाने की कभी ज़रूरत ही नहीं है, आप एक अपने क्या कहते हैं इंटीजर के अंदर हमेशा सारी की सारी चीज़ें स्टोर करा के रख सकते हो। वो आप खुद करना, वो आपका होमवर्क है। मैं आपको थोड़ा आसान तरीका दिखाने वाला हूँ कॉपी पेस्ट करके, एक आसान तरीका बताऊँगा। देखो, इन सबको करते हैं कॉपी, यहाँ पे लिख देते हैं पेस्ट, इस वाली चीज़ को हटाते हैं। अब देखना, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये इंटीजर है। अब इंटीजर में मेरा आंसर डॉट साइज रिटर्न करना है, कुछ नहीं है, देखिए बस कुछ करना ही नहीं। अब देखो मैं रन करता हूँ, बस आंसर डॉट साइज रिटर्न कर दिया। ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट ही तो किया है, ये देखिए एक्सेप्टेड। आई होप आपको एन क्वींस अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप एक आपके लिए चैलेंज है, मैं आपको चाहूँगा कि आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो जैसे इस तरीके से, जो मैं पहले नहीं कर रहा था, कि ये रेड मार्क्स लगा के। ये थोड़ा टफ होगा कि आपने जैसे ही क्वीन मार्क कर दी, तो मैं क्या करता था, जब मैं दूसरी क्वीन को भरूंगा तो उस समय मैं इस सेफ चेक कर रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको, अच्छा रहने दो, वैसे ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बन जाएगा, बाद में करते हैं उसको, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो गाइज यार, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। आज हमने देखा जाए तो बेसिकली 2 प्रॉब्लम्स ढंग से सॉल्व की है, रैट इन अ मेज, उसके 2-3 वेरिएशन, एंड फिर हमने एन क्वीन के वेरिएशंस देखे, एन क्वीन के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी। ठीक है, काफ़ी लंबे क्वेश्चंस थे, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। ठीक है, ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी वरना वीडियो, लेकिन बैक ट्रैकिंग का लेक्चर नंबर 2 मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो भी है, मैं बाद में बना रहा हूँ ये वाला पार्ट, तो वो आपको यार मिलने वाला है कुछ ही 2-3 दिन बाद, वो रिकॉर्डेड है। उसके अंदर सुडोकू सॉल्वर नाम की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, और वैलिड सुडोकू, क्योंकि सुडोकू और एन क्वीन काइंड ऑफ 2 फेमस प्रॉब्लम्स होती है बैक ट्रैकिंग की। ठीक है, तो सुडोकू यार आपको वहाँ पे करके दिखाया गया है, और उसके भी 2 वेरिएशंस है, एंड सिमिलरली वहाँ पे एन नाइट्स आपको कराया गया है। जैसे एन क्वीन था, यहाँ पे क्वींस को प्लेस करना था, वैसे ही नाइट्स यानी कि घोड़े जो होते हैं चेस में, जो 2.5 चाल चलते हैं, है ना, तो वो वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको लेक्चर नंबर 2 में मिलने वाले हैं, जो आपको जल्दी मिलेगा। आप आज की वीडियो के लिए यार इतना ही था। आई होप अगर आप यहाँ तक देख चुके हो और आपको लेक्चर में सब कुछ समझ आया है, तो प्लीज़ कॉमेंट्स में लिख दो यार मज़ा आ गया राघव सर से पढ़ के, या फिर मज़ा आ गया यार लेक्चर के अंदर। बाय।